जय सायराम आप सभी लोगों को। मैं अजय शास्त्री आप सभी लोगों को आज के फ्री क्लास में गिफ्ट क्लास में स्वागत करता हूँ। हमारी जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया है आने वाले 2 महीने में 31 मार्च के पहले आपको 7 क्लासेस हम फ्री देंगे अपने तरफ से। नॉर्मली हम 15 अगस्त को 7 क्लास देते हैं और 26 जनवरी को 7 क्लास देते हैं हर साल, उसी के श्रृंखला में ये हमारी 7 क्लास की पहली क्लास है जो हमारे जिज्ञासु सर आपकी जिज्ञासा को पूरी तरह शांत कर देंगे एस्ट्रोलॉजी की, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। हमारी जो ये जो फ्री क्लास है इसको हम पेड से भी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये जो हमारी क्लास है फ्री में बहुत ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, पेड में तो भी हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फ्री क्लास में अपने जितना हो सकता है उससे मैक्सिमम देने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। तो आप 3 लोग जो ये जो 3 दिन है आप लोगों के पहली क्लास के हमारे फ्री में 7 क्लास में से पहली क्लास है फ्री वाली, ये जो 3 दिन है इसमें आप इतना नया कुछ सीख के जाओगे कि आपको भी लॉन्ग लाइफ याद रहेगा, वो भी बिना लिखा पढ़े बिना पीडीएफ के बिना कोई चीज एंट्री के आपको याद रहेगा। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दी जाएंगी, जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको कल रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दी जाएंगी, कल के वेबिनार में अपने रिकॉर्डिंग की लिंक आपको शेयर कर दी जाएंगी इन्हीं लोगों को। तो सर अभी चालू करते हैं। जिज्ञासु सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रणाम, और आशा करता हूँ मेरी वाणी अपने सभी ज्योतिष के जिज्ञासु जो आज डेस्टिनी स्टार के इस पोर्टल पे हमारे साथ ज्योतिष का सत्संग करने उपस्थित हैं उन सभी को प्राप्त हो रही होगी। तो आप लोग हैंड रेस करके सिर्फ इतना बता दें कि हमारी वाणी आप तक पहुंच रही है, जिससे कि हम अपना आज का ये मंगल जो कि एक शुभ और मंगलदायक ग्रह है उसके बारे में चर्चा करके अपने आज के इस सत्संग को आगे गति दे सके। तो चलिए सारे मेरे प्यारे ज्योतिष के भाइयों बहनों, कई लोग आप लोग मुझसे पहले से परिचित भी होंगे क्योंकि अजय सर ने हम एक तुच्छ प्राणी को एक उत्तम स्थान दिया अपने प्लेटफॉर्म पे कि हम भी अपने जो जीवन की हमारी ज्योतिष की यात्रा है उसको आपके साथ साझा कर पाए। और उम्मीद करता हूँ कुछ जो नए लोग हैं जो हमसे परिचित नहीं है तो उनको मैं बता दूं, मैं ज्योतिष का छात्र हूँ और मेरा नाम जिज्ञासु है, और ये जो जिज्ञासा है मेरे अंदर थी ये मुझे ज्योतिष की यात्रा पर धीरे 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 प्रकृति कराती गई, और जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए अपनी इस यात्रा के इसमें वही मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और अगर आपके पास भी कोई इनपुट हो तो प्लीज टाइम टू टाइम शेयर करें, क्योंकि देखिए ज्योतिष में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ये जीवन पर्यंत कई जन्मों की यात्रा होती है, हम दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और ज्योतिष जिसके दिल से और आत्मा से जिसने स्वीकार की होगी वो हमेशा इसका छात्र ही बना रहना चाहता है। ठीक है, कोई आचार और कोई टाइटल से हमें कुछ लेना देना नहीं है, अल्टीमेटली गोल इज टू बी द स्टूडेंट ऑफ ज्योतिष थ्रू आउट दिस लाइफ एंड इन कमिंग नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने मंगल दोष, कुछ दोष, भौम दोष, ठीक है, ये सब नाम बहुत चर्चित हैं ज्योतिष में, और आप लोग बता दें कमर्शियल और जो व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ज्योतिष करती हैं उनके पास ये उनका कमाई का सबसे बड़ा साधन भी होता है, जैसे पितृदोष, मंगल दोष, मंगली होना, काल सर्वदोष होना, नहीं कुछ बचा तो साढ़े साथी, ठीक है, ये सारे टूल जो है नॉर्मली एस्ट्रोलॉजरों के जीवन चलाने के साधन होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, अपनी जगह वो भी ठीक है, लेकिन सही जानकारी अगर हमको चीजें हम थोड़ा सा अपना लॉजिक भी लगाएं, चीजों को सही से समझें और शास्त्र क्या आदेश देता है अगर इस चीज को प्रॉपर समझें तो हो सकता है कि मंगल जो है जीवन में मंगल करने आया हो, दंगल करने ना आया हो, जैसा कि हमारी एक धारणा बन गई है कि मंगली जो है कुछ खराब होता है और ये जो है किसी न किसी की मृत्यु करा देगा या एक्सीडेंट करा देगा या समस्या दे देगा। तो आज हम आने वाले कुछ ये पूरे सेशन में ये समझने का प्रयास करेंगे क्या वाकई असलियत क्या है, और हमारा जो लोग हमसे परिचित है वो जानते हैं कि हमारा जो तरीका है वो आपस में कम्युनिकेशन करके ही हम पढ़ाते हैं और बताते हैं, पढ़ाना करके आए हैं, शेयर करते हैं, और आपको बहुत सारी चीजें इसमें से ज्ञात होंगी। तो चलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सबसे थोड़ा थोड़ा बात कर करके उसी से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, तो अजय सर किसी एक को अनम्यूट करिए जिससे कि हम उसी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ठीक है, नरेश माटे जी खुद को अनम्यूट कीजिए, कोई भी किसी को भी एक को अनम्यूट कर दीजिए, आप लोग हैंड डाउन रखिए मैं कर लूंगा। नमस्कार
नमस्कार जी। हाँ सर, आप हमें बस दिख नहीं रहे, अगर दिखते तो और मजा आ जाता। दिख रहा हूँ सर, अच्छा कैसे हो सकता है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो हो सकता है हमारे सिस्टम में कुछ कमी आ गई हो, कोई बात ठीक नहीं। है, बिल्कुल मैं दिख रहा हूँ। हाँ ओके, मैं चलिए। हाँ अजय सर ने तभी मेरे को अनम्यूट करवाया। हाँ सर, अरे वाह, आ बोलिए। गया आ आ गया आ गया। गया। हाँ तो सर, क्या शुभ नाम है आपका? नरेश माटिया, भाटिया सर, भाटिया जी। MATIA, अच्छा माटिया, सर, ये गोत्र है ओके हमारा सर, ये ओके गोत्र है। ओके। तो अब आप ही से शुरू करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मंगल ग्रह के, ऑब्वियसली बात है कि मंगल, अगर मंगलिक है तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं इसमें किसका रोल है? मंगल का रोल है, मिल ठीक गया है। ठीक। कहीं ना कहीं इसका मतलब मंगलिक दोष या कुछ दोष, क्योंकि मंगल का एक नाम कुछ भी है, बॉम भी है, ठीक है। तो हाँ इसका जी मतलब ये जो दोष या योग जो भी है, अच्छा या बुरा, अभी इस पे तो हाँ हम जी, इस बिल्कुल 1 घंटे 2 घंटे की क्लास के बाद हम खुद ही समझ जाएंगे अच्छा या बुरा है, ठीक है। सही तो बात ये है। जो हाँ मंग, इसका मतलब कि इसका संबंध मंगल से है, ठीक है। जी, अब हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, मंगल एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि हाँ जी, भाई किसी की कारस्थानी को समझना है तो पहले उसको तो समझा जाए। ठीक बात है सर। अगर मंगल की कारस्थानी को हमें समझना है कि वो क्या कर देता है, कैसा, कौन सी चीज कर देता है कुंडली में, कि पति जो है ऑफ हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, पत्नी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या हाथ पैर टूट जाते हैं, एक्सीडेंट करा देते हैं, तो ऐसा उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है जो वो ये करा देता है? तो मंगल दोष से पहले हम कोशिश करते हैं पहले मंगल को समझे। तो जब मंगल को हम समझने का प्रयास करते हैं तो पहले, तो सबसे पहले हम जब किसी के भी को समझने का प्रयास करते हैं तो देखते पहले उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, हमें पुराणों में मंगल की कई सारी कहानियां प्राप्त होती हैं। इसमें से एक कहानी यह है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, पृथ्वी को भी ब्रह्मा जी ने बनाया, तो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हो गई पृथ्वी, हाँ जो जी भूमि है, तो वो एक तरह से जब ब्रह्मा जी ने उनको क्रिएट किया तो वो उनकी पुत्री हो गई। पुत्री हो तो पृथ्वी एक बार बड़ी उदास थी, तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम भाई क्यों उदास हो? तो उन्होंने कहा कि हम एक पुत्र चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक ये पुराण की स्टोरी है, और कहीं कहीं मतांतर से इसमें कुछ फर्क और अंतर भी आ सकता है अलग अलग पुराणों में, ठीक है। तो हम आपको एक चीज इसमें आगे जोड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक मेढक के रूप में एक उसको संतान दे दी। तो मेढक को देख के पृथ्वी कुछ अप्रसन्न सी हुई, ये कुछ अच्छा नहीं, तो फिर उसको मानव रूप बदल दिया, मेढक का मानव रूप बदल दिया, और वो जो हो गया भौमासुर के नाम से प्रचलित हुआ। लेकिन भौमासुर जो था वो थोड़ा शैतान टाइप का था, सबको तंग करता था, सबको परेशान करता था, और मतलब पूरा उसने जो है पृथ्वी में पूरा पृथ्वी का पुत्र होने के नाते घूम घूम के अपनी बदमाशियों से सारा संतुलन बिगाड़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो भौमासुर की कहानी आपको कई जगह पुराणों में मिलेगी। तो पृथ्वी को इस बात से थोड़ा सा कष्ट हुआ, दुखी हुई, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, अब ये जो हो गया सो हो गया, मेढक रूपी बालक जिसको भौमासुर तुमने बना, हमने बना दिया, लेकिन ये क्योंकि ये पूरी पृथ्वी को प्रताड़ना दे रहा है, तो एक काम करते हैं, हम तुम्हें एक और पुत्र देते हैं। तो उन्होंने एक भौम नाम का पुत्र पृथ्वी को प्रदान किया, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ भौम बोला, और ये कहा उनसे ब्रह्मा जी ने, ये जो है भौमासुर की तरह शैतान नहीं होगा, ये अच्छे काम करेगा। जो लोग, अब देखिए ध्यान से यहां सुनिएगा, जो लोग पुरानी मान्यताओं को मानेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, हर चीज को अच्छे से मैनेज करेंगे, अपनी मान्यताओं से, धार्मिक चीजों से जुड़े रहेंगे, उनको उन पर इसका आधिपत्य होगा और ये उनको मानने वाला लड़का होगा। तो ये जो भौम है, ये जो दोबारा दूसरा पुत्र जो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को दिया, प्रदान किया उनके आशीर्वाद से, वो जो है भौम हुआ, और उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज थी, और ये भी वरदान दिया इसको पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी इसका बहुत सम्मान करेंगी, और इसको कहीं ना कहीं इसका, इसके शुभत्व के कारण, इसके शुभ होने के कारण, इसको अपने शरीर पे धारण भी करेंगी, अपने मस्तिष्क पे इसको स्थान देंगी। तभी आप देखिए हमारे वहां सिंदूर लगाने की प्रथा है लाल, और आपको पता है मंगल का रंग लाल होता है, ठीक है। अब आपको इसी में कहानी में एक चीज और आगे, अभी जब ये क्लास चलेगा तो इसमें एक और बहुत अच्छी बात बताएंगे। तो मंगल की यहाँ पे मतलब स्त्रियां भी इसको प्रेम करेंगी, इसको सौभाग्य का चिन्ह मानेंगी, इसको अपने मस्तिष्क पे स्थान देंगी, और ये अच्छे कार्य करेगा। तो ये एक स्टोरी मिलती है। दूसरी स्टोरी ये मिलती है कि एक बार एक हिरणाक्ष, हिरणाक्ष नाम का एक जो है असुर या राक्षस था, तो उसने पृथ्वी को ले जाके समुन्द्र में डुबो दिया, ठीक है। तब विष्णु ने वराह अवतार लिया, विष्णु ने वराह अवतार लिया, और पृथ्वी को उस जो वहां पे जाके वो कलुषित हो गई, उसका शेप बदल गया, वहां जाके उसको कष्ट हुए, तो उस पृथ्वी को उस सागर से, उस जगह से निकाला, सिंधु से निकाला, और दोबारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया विष्णु ने, ठीक है। तो विष्णु ने जब पृथ्वी को स्थापित किया तो पृथ्वी फिर से हरी भरी लहलाने लगी, उसको उसकी कलुषता दूर हो गई। इस क्षण में जब
वराह अवतार में विष्णु ये चीज कर रहे थे तो पृथ्वी को विष्णु से प्रेम और अनुराग उत्पन्न हो गया और उनको लगा कि मुझे हर हालत में विष्णु को अपने पति रूप में स्वीकार करना चाहिए, तो ये भावना उसने विष्णु के सामने प्रस्तुत की। तो विष्णु ने वराह का रूप छोड़ के एक सुंदर रूप लिया, पृथ्वी ने भी एक सुंदर रूप लिया और पृथ्वी और विष्णु के सत्संग से, उनके संबंध से एक दोनों जब इस चीज के लिए रेडी हो गए कि हाँ ठीक है, विष्णु भी रेडी हो गए कि हम तुम्हें अपना एक पुत्र यहाँ पे प्रदान करेंगे, तो इस सत्संग से जब विष्णु और पृथ्वी का मिलन हुआ तो कुछ समय के लिए पृथ्वी उनका तेज ना बर्दाश्त करने के कारण मूर्छित भी हो गए। तो एक लाल वर्ण का वीर विष्णु ने, विष्णु के एक लाल वर्ण के वीर से पृथ्वी गर्भवती हुई। तो लाल वर्ण का वीर जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर की पावर, हमारे अंदर की रेड ब्लड आरबीसी, खून, ये सारी चीजें, जोश, या मतलब कहते हैं ना एक इन सार, इसीलिए मंगल का जो कलर और जो उसकी क्वालिटीज है वो इन सब चीजों से डिपिक्ट होती है, उसके अंदर ये क्वालिटी आई है। लाल जो है खून है हमारा, खून का, अगर खून में हमारे जोश है तो हम उत्साहित होंगे, हम काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, प्रेरणा देंगे, हमें डर नहीं होगा, हम गो गेटर होंगे, हम सेनापति की तरह लड़ने के लिए, मतलब हमारे अंदर एक कहते हैं ना वाइटलिटी, वैल्योर, ये सारी चीजें, पराक्रम, ये सारी चीजें विष्णु के रेड रक्त वर्णीय वीर के कारण ये सारी चीजें मंगल में ऑटोमेटिकली आ गई। ये बिल्कुल इसको समझने में मुझे कल से भाई साहब को कोई दिक्कत नहीं है और सभी जितने हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो ये दो कहानियां हमने आपको इसलिए शॉर्ट में समझाई कि आप पहले ये समझ लो कि जिस ग्रह के कार्य प्रणाली को हम समझने जा रहे हैं, जिसके कारण जितनी आज इतना हमारे हैवॉक है ना, कुछ हो ना हो लेकिन शादी के पहले माँ बाप बेचारे जो है आधी जान तो उनकी यही निकली होती निकल जाती है कि कहीं लड़की मंगली हो तो क्या होगा, लड़का मंगली हो तो क्या होगा, डर। तो इसको हम ये नहीं करेंगे कि डर सही है या गलत, लेकिन आज हम इसको अपने पैमाने में कस के समझ लेंगे कि डरना सही है या गलत है, ये डर के आगे जीत है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो पहले तो मंगल की उत्पत्ति हमने समझी। अब जब मंगल विष्णु के और उसका जन्म की ये दो कहानियां अलग अलग पुराणों में नहीं, अलग अलग कालखंडों में युगों के हिसाब से अलग, ये दो कहानियां और भी कई सारी हैं, शंकर भगवान से भी इसको जोड़ा जाता है कि उनके पसीने की बूंद से भी कार्तिकेय या स्कंद कुमार, ये सब सिनोमिनस हैं मंगल के, कार्तिकेय, स्कंद कुमार, मंगल, इवन हनुमान जी को भी उनका रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हनुमान जी हो जाते हैं मंगल, लेकिन कहीं ना कहीं रुद्र अवतार होने के कारण उनको भी, उनकी भी पूजा मंगल के लिए की जाती है। तो अब हम यहाँ पे ये समझ पाए कि मंगल एक ऊर्जा है, मंगल एक पावर है, मंगल एक वैल्योर है, मंगल के अंदर अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो किसी की सुनता नहीं है, उसके अपने विचार हैं, वो आगे जाके काम करता है, वो किसी से दबता नहीं है, उसकी अपनी एक सल्तनत है, यहाँ पे वो राजा है, यहाँ पे वो अपनी चलाता है, ठीक है। मतलब वो क्योंकि वो आपको पता ही है कार्तिकेय ने 7 दिन में सेनापति बन गए थे और राक्षसों के, तो जिसके अंदर इस तरह की क्वालिटी होंगी तो उसको अपना स्पेस चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। तो ऑब्वियस ही बात है 9 ग्रह में मंगल एक इंडिविजुअलिटी का ग्रह है। अब अगर हमको इसको किसी के साथ बांधना है तो ऑब्वियस ही बात है जिसके साथ हम उस ग्रह को बांध रहे हैं उसकी ऊर्जा उससे मैच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। भाई हम स्वच्छंद हैं, हम किसी की सुनते नहीं है, हमारा रूम है, हम चाहते हैं हमारी चीज जैसी है वही रहे, कोई उस पर अगर दखलंदाजी करेगा तो हम बम की तरह फट जाएंगे। सिंपल भाषा में हम ज्योतिष को बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं यूज करें, एकदम नॉर्मल लेमैन भाषा में आपको बता रहे हैं कि भाई अगर मेरी कोई, मेरे अंदर वो क्वालिटी नेचर है कि हमारी कोई चीज छुए नहीं, जैसी है वो व्यक्ति रखी रहे, मतलब हमने शादी की पत्नी ने उठा के वो चीज वहां रख दी, बस हमारा गुस्सा शुरू, लड़ाई झगड़ा शुरू। इसलिए अगर मंगल किसी का मंगलिक, देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मंगल जो है अपने आप में एक ब्लेसिंग है। लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लेकिन मंगल अगर नहीं होगा तो भाई साहब आपके अंदर ऊर्जा, आगे बढ़ने की क्षमता, लोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, समाज के बड़े बड़े मतलब गुंडों बदमाश को फेस करने आप डर के घर के अंदर दुबक के बैठ जाएंगे। तो ऐसा तो इसका मतलब मंगल तो जरूरी है ना। अब शादी, अब क्योंकि लेकिन जब ऊर्जा है तो वो ऊर्जा तो बच्चे के साथ भी वैसी रहेगी, समाज के साथ भी वैसी रहेगी, गवर्नमेंट के साथ भी वैसी रहेगी, माँ बाप के साथ भी वैसी रहेगी, पत्नी के साथ भी वैसी रहेगी। तब यहाँ पे ये जरूर समझी गई कि कहीं ना कहीं मंगल को बैलेंस किया जाए या समझा जाए कि ऐसा ना हो एक तरफ शेर और एक तरफ बकरी बांध दी जाए रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं फिर तो मामला मिसमैच कर जाएगा। तो इसलिए ये सारा कॉन्सेप्ट मंगल का स्टार्ट हुआ।
और ईमानदारी से समझिए कि मंगल दोष, नो डाउट हमारे शास्त्रों में, पुराने क्लासिक्स में मंगल दोष के बारे में श्लोक मिलते हैं, इसलिए हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि होता है या नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने मंगल के निगेटिव इफेक्ट और मंगल दोष होने पे ये होता है उन श्लोक और उन चीजों को तो हाईलाइट किया, लेकिन ऋषियों ने और मनीषियों ने, पूर्व के ज्योतिर्विदों ने वो श्लोक को उतना हाईलाइट नहीं किया जहां पे मंगल के परिहार बताए गए थे, या ये बताया गया था कि मंगल यहाँ पे नलीफाइड हो जाएगा या कैसे इसको इतने पर भी आप आराम से बिना डरे शादी कर सकते हैं और पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु या अकस्मात चीजें नहीं होंगी। तो हमें करना ये चाहिए था कि शास्त्रों में दोनों चीज का बैलेंस करके अपना एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन अच्छा, अब आप भाई साहब ये बताइए, अगर आप ज्योतिष के छात्र हैं, अगर आपका थोड़ा भी ज्योतिष का अनुभव है तो ये बताइए, देश काल परिस्थिति ज्योतिष में लगती है कि नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है। तो अब हम आपकी, आप अपनी बात को हम यहीं से शुरू करेंगे मंगल की, जिससे आपको और क्लियर होता जाए। सिंपल सी एक बात बताइए कि पहले के समय में शादी जो है 9 से 13 साल 14 साल में हो जाती थी, हाँ या ना? ठीक है, आज नॉर्मली शादी, क्योंकि सरकारी नियम भी हैं, सरकारी कानून भी हैं, नॉर्मली शादी जो है अब 20-21 से पहले तो कोई चांस ही नहीं है, 20-21 से 27 के बीच में होती है। तो अब यहीं से हम अपनी बात को शुरुआत करते हैं। अब मान लो आज से 500 साल पहले एक लड़की जो कि 11-12 साल की है, उसकी शादी एक 14-15 साल के लड़के से कर दी गई। ठीक, ऐसा होता ही था पहले। अब लड़के के तो हार्मोन्स पूरी तरह से डेवलप हो गए, ठीक है, और लड़के का मंगल भी प्रभावी है। अब मंगल जो है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल अर्ज और सेंसुअलिटी का नंबर वन प्लैनेट है, वो मानेगा नहीं। मंगल का मतलब सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल पावर भी है साथ में और पावर्स के साथ। अब अगर 14 साल की लड़की और लड़की का मान लो मंगल वीक है या मंगलिक नहीं है, तो इसका मतलब लड़की के अंदर सेक्सुअल ऊर्जा या सेक्सुअल परफॉर्मेंस या सेक्सुअल अर्ज कम है, क्योंकि उसका मंगल इतना प्रभावी नहीं है। अब 14 साल और 9 साल की लड़की मान लो गौना होना हो गया, पहुंच गए घर, तो अब लड़का जो है अपनी इच्छाओं के लिए लड़की पे जबरदस्ती का टॉर्चर करेगा। लड़की उतनी सक्षम नहीं है क्योंकि उसका फिजिकली, मंगल फिजिकल बॉडी में स्ट्रेंथ देता है, सेक्सुअल अर्ज देता है, वो उसकी अर्ज उस लेवल पे मैच नहीं कर रही है। और पहले के जमाने में 1-2-3 शादियां हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये पत्नी हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, हमको सुख नहीं दे रही है, हम दूसरी शादी करेंगे। आज कानून बदल गया है, तो क्या पहले की कंडीशन और आज की कंडीशन में हमको ये बात नहीं समझनी चाहिए कि मंगल कहीं ना कहीं इस चीज का भेद, थोड़ी सी लाइन कमजोर हो गई पुरानी कंडीशन के हिसाब से और अब की कंडीशन के हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल समझना चाहिए। तो लेकिन हम, और ज्योतिष में पहले दिन हमको सिखाया जाता है कि देश काल परिस्थिति का अवलोकन किए बिना आप कोई भी योग की आपको परिभाषित मत करिए, प्रेडिक्शन मत करिए। तो ये तो एक पॉइंट है, मतलब ये तो एक पॉइंट है कि आज जो है लड़कियां अब एज में आके 20-22-25 साल में एक तो उनकी फिजिकल बॉडी डेवलप हो जाती है, दे कैन मैनेज, लेकिन 9-10-11 साल की लड़की मैनेज नहीं कर सकती है, तो शादी टूटेगी। लड़के ने कहा नहीं, ये हमारे किसी मतलब हमारा जो है, हमें ये सुख नहीं मिल पा रहा, हम दूसरी करें, तो वहां पे तो शादी, तो मंगल ने शादी तोड़वाता था। यही मंगल हो सकता है 500 साल पहले 100 साल पहले शादी तोड़वाता था, लेकिन अब इसकी नैरो हो गई ना। अब आप बताइए हुई कि नहीं हुई? ठीक, अब हम दूसरा पॉइंट बोलते हैं। पहले आपको याद होगा आजादी के पहले कितनी लड़ाइयां होती थी छोटे छोटे राजघरानों में, यहाँ पे देश में, फिर ये फौजी आए, फिर ये आए, फिर यहाँ पे आक्रमण हुआ। आज बताओ पिछले 30-40 साल में अगर 3 वर्ष पाकिस्तान की और 1 चाइना की छोड़ दो, तो पिछले 70 साल में कितनी लड़ाइयां हिंदुस्तान ने लड़ी और ओवरऑल हिंदुस्तान के कितने सैनिक मरे? मतलब उस लहजे में नहीं मरे, बहुत ज्यादा नहीं मरे, जैसे पहले नहीं मरे। और अगर मान लो आज से 500 साल 600 साल 800 साल पहले 1000 साल पहले तो आए दिन युद्ध होते थे छोटी छोटी रियासत में, और जिस लड़के का मंगल स्ट्रांग होता था उसकी कदकाठी मजबूत होती थी, वो जब लड़का मजबूत कदकाठी का होता तो राजा उसको अपनी फौज में ले लेता था। राजा जब फौज में ले लेता था और आए दिन आक्रमण ये होते थे, तो उम्र के साथ वो, क्योंकि लड़ाइयां बहुत होती थी और लोगों की डेथ होती थी, किसी का हाथ कट जाता था, किसी का पैर कट जाता था, तो मंगल ऑब्वियस प्रभाव दे रहा है क्योंकि लड़ाइयां बहुत होती थी। अब लड़ाइयां इतनी होती नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब हमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से उस चीज को कहीं ना कहीं कंसीडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये बताओ, आज से 50 साल पहले हिंदुस्तान के इंसान की एवरेज लाइफ स्पैन कितने साल का था, और आज एवरेज लाइफ स्पैन घटा है कि बढ़ा है? चरण जी, आप बताइए। हाँ जी सर,
हाँ मैम, आप मुझे ये बताओ, आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान में जो एक आम इंसान का एवरेज लाइफ स्पैन था वो, और आज का जो इस करेंटली 2022 का लाइफ स्पैन है, एवरेज लाइफ स्पैन, वो पहले से घटा है कि बढ़ा है? यस सर, बड़ा है पहले से तो. यानी कि आजादी के टाइम में एक एवरेज लाइफ स्पैन इंडियन का नियर अबाउट 53 साल के आसपास था. हाँ जी सर. आज वो 73 के आसपास पहुंच गया है. मैं एक अंदाज से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, इसको मेरी बात को कोट मत कर लीजिएगा, लेकिन एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ा है. तो पहले महामारियां आ जाती थी, प्लेग आ जाती थी, क्योंकि इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी. तो मंगल जिनके होता था तो हम लोग सबसे आसान क्या, अरे वो लड़की तो मंगली थी इसलिए पति नहीं रहा, पति जो था मंगली था इसलिए लड़की जो है कॉलरा से डेथ हो गई, प्लेग फैल गया, बीमारी हो गई, इलाज नहीं मिल पाया, प्रेगनेंसी के टाइम डेथ हो गई. तो आज मेडिकल की फैसिलिटी और आज की स्थिति में मंगल को हमें दोबारा से रिडिफाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस सर, बिल्कुल सर. एक चीज यहाँ कहना चाहूंगी, मुझे एक क्लास लेके मतलब इतनी देर की, मैं बहुत अच्छा लगा आपसे, एक पॉजिटिविटी आई है, क्योंकि मेरे ऊपर जैसे मुझे बताया गया था डबल मंगली प्रभाव है, लेकिन सच में पहली बार मैंने जैसे किसी को सुना ऐसे कि कोई मुझे ये चीज समझा रहा है कि आप अपनी लाइफ में उस चीज को पॉजिटिव होकर भी सोच सकते हो. थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास के लिए. मैं इस पे आगे चलता हूं. तो आप ये समझो, पहली चीज ये समझो कि जब ऋषियों ने हमारे क्लियरली कह दिया है कि बिना देश काल परिस्थिति का अवलोकन किए आप कोई भी प्रेडिक्शन मत करो, तो जब लाइफ स्पैन बढ़ गया, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बढ़ गई, एज फैक्टर बढ़ गया, और तब हम ये नहीं कह रहे कि मंगल दोष खत्म हो जाएगा या उसको कंसीडर नहीं करना है, लेकिन हमें, हम एक एक एक्टिव एस्ट्रोलॉजर है ना, जिज्ञासु है ना, सही बात जानने की इच्छा हमारे अंदर है. तो इस चीज को आप लोग पहले तो अच्छे से समझ लो कि ये सारे फैक्टर से कहीं ना कहीं आज के टाइम में प्रभाव पड़ेगा. जैसे अगर पहले कहा जाता था कि घोड़े होंगे हाथी होंगे, तो अब घोड़े हाथी नहीं होते हैं, तो हमने उसको कन्वर्ट किया ना कि अब SUV होगी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होगी, मोटरसाइकिल होगी. तो इसी तरह मंगल को भी कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, ये बात समझिए. बिना इस बात को समझे काम नहीं बनेगा. तो अब आ जाते हैं कि मंगल की ये कुछ चीजें हमने समझी, अब चलते हैं अगले मुद्दे पे. तो अजय सर किसी और को जोड़ दीजिए तो फिर उससे आगे चलते हैं. जी नीलम जी. हाँ नीलम जी बोलिए. हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर. नमस्कार मैम. नमस्कार. तो नीलम जी, अब आप अब अगले मुद्दे पे आते हैं और आप से हम एक्टिविट पार्टिसिपेट बातचीत करते रहेंगे और बाकी सब लोग भी समझते रहेंगे. तो अभी आपको जो मैंने ये पीछे बातें बताई, इससे कुछ आइडिया लगा कैसे चीजों को बदलना है समय के साथ? जी सर. अब कहते हैं मंगल एक इंडिविजुअलिटी का ग्रह है, मंगल एक क्रूर ग्रह है, मंगल एक पापी, तो मैं नहीं कहता हूँ किसी ग्रह को, ग्रह क्योंकि सभी देवता है, तो पापी कहा जाता है हमारे ज्योतिष में कि ये पाप पापी ग्रह है, पाप क्रांता है. लेकिन मेरा मानना है कि चलो हम पाप को क्रूर ग्रह मान लेते हैं, क्रूरता है उसके अंदर. क्यों? क्योंकि उसके अंदर आगे बढ़ के सेनापति वाली क्षमता है. ठीक है, अब हाँ गुस्सा भी कह सकते हैं कि अपने काम को करने के लिए वो एडिमेंट है, तो कहीं ना कहीं प्यार से तो नहीं करा सकता है, गुस्सा है. तो अब आपने जैसे कि देखा होगा कि मंगल जो है, हम लोग ये मंगल की बात करते हैं तो हमने अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा. अब इसको सब लोग बहुत ध्यान से समझे. देखिए आप लोग एक चीज समझ लो, मंगल ग्रह तो हम कराएंगे, मंगली तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन हम आपको ज्योतिष की कुछ और बेसिक टिप्स भी साथ में देंगे जो आपके बहुत काम आएंगे. पहली चीज समझ लीजिए, कोई भी योग या कोई भी कुयोग, यानी कि कोई दोष हो या योग हो, वो नॉर्मली तीन तरह से बनता है. एक होता है भाव जनित, यानी कि हाउस वाइज कोई योग या दोष बने, हाउस जिसमें सिर्फ इन्वॉल्व हो, राशियों की बात ना हो. और एक योग होता है जो राशियों से बने, और एक योग होता है जो राशि और भाव दोनों से बने. ठीक है, अभी इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझिए कि मतलब कोई योग और कोई दोष, किसी हमारे वहां हजारों लाखों की तादाद में योग और दोष कहे गए हैं कुंडली में, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स और क्लासिक्स के अनुसार, जैसे गजकेसरी योग, रुचक योग, मालव योग, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, तो ऐसे दल योग, मूसल योग, सिंहासन योग, बहुत तरह के योग बताए गए हैं. तो लेकिन कुछ योग जो है वो भाव के से भाव से बन जाते हैं, कुछ योग राशियों से बन जाते हैं, और कुछ योग जो हैं राशि और भाव को कंबाइन करके बनते हैं. तो ये जो मंगल योग है ये भाव जनित रोग है,
योग है, सॉरी रोग नहीं, योग है। योग कह लो या दोष कह लो वो आपके ऊपर, अभी आप आखिरी में डिसाइड करना कि योग है कि दोष है। यानी कि इसमें राशियों का महत्व तो अभी नहीं दिया है, परिहार में तो राशियों का महत्व तो दिया है, लेकिन भाव, सिर्फ भाव ऋषियों ने भाव बताए कि प्रथम भाव में, फोर्थ भाव में हाउस या भाव, सेवेंथ भाव में, एट्थ भाव में और ट्वेल्थ भाव में अगर मंगल स्थित है। तो यहाँ पे राशियों की बात नहीं करी उन्होंने, यहाँ पे सिर्फ भाव की बात करी है। तो पहली चीज अपने माइंड में ये बैठा लो कि मंगल दोष जो है वो भाव जनित योग है, योग है या दोष है वो आपके ऊपर है, अभी उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यानी अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, ये तो हमारा नॉर्थ इंडियन के एस्ट्रोलॉजर मानते हैं नॉर्थ इंडियन, और एक यहाँ पे सेकंड हाउस को भी मान लेते हैं कुछ साउथ के एस्ट्रोलॉजर, कहते हैं सेकंड हाउस में भी अगर मंगल है हाउस, फिर मैंने देखिए हाउस बोला, मैंने राशि नहीं बोली। तो यानी कि मंगल दोष या योग जो भी आप समझेंगे आगे, वो भाव के अनुरूप बताया गया है कि पर्टिकुलर भाव अगर बिगड़ जाएगा, हाउस बिगड़ जाएगा, तो ये मंगल योग बनेगा। अब नॉर्मली आप सभी ने मंगल योग पढ़ा है, तो अब हम एक एक करके चलते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, मुझे ये बताइए कि अगर मंगल को मैं लग्न में बैठा देता हूं, तो आप ये देखिए मैंने मंगल को लग्न में बैठाया यहाँ पे, अब आप मुझे ये बताओ कि मंगल यहाँ पे ऐसा क्या कर देगा, ऐसा क्या कर रहा है। ये तो रटी रटाई किताब की भाषा हो गई कि फर्स्ट हाउस में मंगल जो है मंगलिक बनाता है। अब मुझे सर फिर से अनम्यूट कीजिए आपको एक बार, सर खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ ठीक है, हाँ दिशा, तो दिशा दिशा जैन जी खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ बोल, हाँ बोलो जैन। तो दिशा जी आप मुझे ये बताइए, दिशा जी है हमारे साथ ना, दिशा जी हेलो, उनकी आवाज नहीं आ रही है। अजय जी आप ही बोल दीजिए। हाँ अजय श्रीवास्तव कर दीजिए, प्रणाम सर। तो अजय भैया हम सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहते हैं, हम लोग पिछले दसियों बीसियों पचासों साल से ये पढ़ते आ रहे हैं कि लग्न में मंगल होता है तो जो है मंगलिक होता है। आपने कभी सोचा है कि लग्न में मंगल यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं, लग्न में मंगल में ऐसा क्या इफेक्ट है, क्या कारण है जो लग्न में बैठे मंगल को मंगलिक के लिए ऋषियों ने कंसिडर किया है, आपका क्या विचार है? तो लग्न इंसान की पर्सनैलिटी बताता है, और अगर उसकी पर्सनैलिटी में मंगल आ गया तो उस इंसान के अंदर बहुत हाई एनर्जेटिक होगा, वो उसकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की होगी, तो इंसान एनर्जेटिक बनाता है। तो इसको मांगलिक दोष तो नहीं बोलूंगा, एक एक बहुत एनर्जेटिक हर चीज को मतलब इसकी। अजय भैया ये हम और आप मिलके डिसाइड करेंगे कि मांगलिक दोष बाद में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, फिलहाल ऋषियों ने कहा है कि लग्न में अगर मंगल है तो मंगलिक होता है, कुछ कंडीशन बाद में दी है उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एरिस राशि पड़ जाए क्या हो जाए वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने छह खाने बताए हैं मंगलिक के, ऋषियों ने क्लियर लिखा है चाहे व्रत प्राचर होरा शास्त्र में हो या सारी क्लासेस में, कि 12, 1, 4, 7 और 8 में अगर मंगल है तो मंगलिक होता है। बाद में परिहार बताएं उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। हम आपसे, आपने एकदम सही लाइन पकड़ी स्टार्टिंग में बोलने की कि मंगल यहाँ पे एग्रेसिव बनाएगा, पर्सनालिटी बनाएगा, स्ट्रांग हेडेड बनाएगा, और हम कुछ सुनना चाहते हैं और बताइए। बहुत बढ़िया, ये सही है, इसमें कोई कमी नहीं है, गलत नहीं है। लग्न में बैठ के मंगल सातवें घर को देखेगा, जो विवाह का घर भी हम बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि मांगलिक दोष विवाह में प्रॉब्लम आती है, मैरिड लाइफ में इश्यू आएंगे, बिकॉज ये सातवें घर को देख रहा है लग्न में बैठ के। अच्छा ओके, और सर ऐसे लोगों की डिजायर हाई डिजायर होती है इनकी, तो मतलब एनर्जी लेवल हाई है तो एग्रेशन भी रहेगा एंड इनका डिजायर भी हाई होती है। चलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपसे दोबारा फिर पूछेंगे, अभी दोबारा फिर पूछेंगे, अब आप समझिए। पहली बात तो ये है कि मंगल एक ऊर्जा है, मंगल एक अनटेंड फायर है, ठीक है, उसको भी ट्रेन करना पड़ता है, इसीलिए फौजी को पहले ट्रेनिंग कराई जाती है जिससे कि वो डिसिप्लिन्ड हो जाए। अभी ये डिसिप्लिन्ड है या नहीं ये भी हमें नहीं पता है, एक ऊर्जा तो है, और मंगल सेनापति है, कमांडर इन चीफ है, आगे जाके एक्शन करता है, वो सिर्फ राजा की ही सुनता है और किसी की सुनता नहीं है, ठीक है। किसी किसी कंडीशन में अगर ये ऊर्जा बिगड़ गई तो वो अपने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाएगा। जैसे भेड़ के मंगल मेष राशि में क्या करता है, भेड़ा मार देता है ना टक्कर, वो बिना सोचे समझे, तो ये एक्शन हो सकता है इसके एक्शन जो है बहुत सोच समझ के ना लेता हो, बहुत ज्यादा ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी वो, तो कहीं ना कहीं जब एक्सेस ऊर्जा है बहुत ज्यादा, अगर गुरु की दृष्टि नहीं है तो ऊर्जा जो है कहाँ लगानी है, कितनी लगानी है, कब लगानी है, ये भी उस पर विचार नहीं है, तो अपना नुकसान कर सकता है कि नहीं कर सकता है,
वेरी गुड। अब यहां पे मंगल बैठ के एक दो तीन चार चौथी दृष्टि सुख पे डाल रहा है, ये सुख है किसी का भी सुख, ठीक है। अब जब सुख पे वो दृष्टि डाल रहा है तो वो मंगल क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा अपने तक ही सीमित नहीं रखेगा, जिसकी बॉडी फिजिकल बॉडी में वो क्या करेगा, घर के सुख को भी कंट्रोल करेगा, माता पिता भी मेरी सुने, भाई भाई छोटे भाई बहन भी मेरी सुने, गाड़ी आनी है तो मेरी इच्छा की आएगी, कितने हार्स पावर की आएगी ये मैं बताऊंगा, मकान में कितनी दीवारें उठेंगी ये मैं बताऊंगा, यानी सुख को भी उसने कंट्रोल कर पाए ना कर पाए से मतलब नहीं है, लेकिन वो पूरे टाइम अपनी आगे आगे चलाएगा। Yes. अब जब वो पूरे टाइम सुख में अपनी आगे आगे चला रहा है तो कहीं पत्नी भी तगड़ी आ गई तो वो कहेगी हम यहाँ पे ये करेंगे, वो कहेगा मैं करने नहीं दूंगा, बात शुरू बात से बात निकलेगी, अगर वो उस पे भी मुद्दे पे बात भेजा रहे तो यानी कि अब इसने जब मंगल ने यहां से बैठ के एक दो चार चौथे दृष्टि से इसको पकड़ लिया, और तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ग्रह जहां बैठता है और जहां पे दृष्टि डालता है वहां पे एक्शन और वहां पे कंट्रोल की कोशिश करता है या नहीं, ये तो आपको पता ही है, करता है। तो मंगल जब यहाँ पे भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है तो यानी कि वो क्या कहेगा कि जीवन का हर सुख मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, पार्टनर कमजोर मिल गई कोई हो ऐसे तो काम शायद चल जाए, लेकिन अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर हर समय अच्छी थोड़ी होती है, विवादों की जड़ क्या होती है, अगर कोई बहुत ज्यादा बॉसी है, बहुत ज्यादा नहीं सुन रहा है, अपनी ही चला रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या वैवाहिक जीवन में कलह या शांति भंग होगी, हम ये कहते हैं डाइवोर्स हो ना हो, पत्नी छोड़ के जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कलह हो गई ना, कहीं ना कहीं आपस में ब्लिस खत्म हुई ना, आपस में जो सौहार्द प्रेम होना चाहिए उसमें कमी आई कि नहीं आई, आई सर। अब यहीं से मंगल ने बैठ के सातवीं दृष्टि से देखा, अपनी ही ऊर्जा को यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपनी ही ऊर्जा को यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी यहाँ पे बैठ के वो बिजनेस पार्टनर्स को, यहाँ पे बैठ के वो स्पाउस को, ठीक है, ये स्पाउस और ये मैरिज में कैसे क्या होगा, रिलेशन कैसे क्या होगा, इस पर भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। yes. फिर ये जो मंगल है ये इसके लिए मारक हाउस भी है ये, तो यानी मारक हाउस का मतलब मंगल तेज गाड़ी चला सकता है क्योंकि उसकी ऊर्जा तो बैलेंस है नहीं, वो उसको ज्यादा मंगल सर पे बैठा है तो उसको मरने का भी डर नहीं है, तो वो यहाँ पे जो है और ये मारक हाउस है तो मंगल जब यहाँ बैठ के इसको एक्टिवेट कर रहा है तो इसके हो सकता है कुछ कंडीशन में इसकी एक्टिविटी ऐसी हो कि बहुत ज्यादा चीजों पे ध्यान ही ना देता हो कि बाइक कितनी स्पीड से चलानी है, क्या करना है, खतरे का खिलाड़ी हो जाए कहीं, तो सर एक मिनट रुकना, आप कोई भी हैंड रेस मत कीजिए, डाउट सेशन आखिरी में ले जाएंगे। और सर एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारे लोगों को बेसिक नॉलेज भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, तो ऐसा बताए कि वो भी समझ पाए। हाँ, कोई लोग जीरो वाले भी आए जिनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी देखना है, क्योंकि यहाँ 500-450 लोग आए, उसमें से बहुत लोग को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती होंगी या तो पहली बार अटेंड कर रहे होंगे वो लोग। नहीं, ये नॉर्मली मंगल किन किन घरों में होता है ये सब लोग जानते हैं, और मंगल की दृष्टि फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, मंगल की दृष्टि होती है, मंगल की दृष्टि का मतलब होता है मंगल चार्ट में जहां भी बैठेगा, मंगल चार्ट में जहां भी बैठेगा वहां से चतुर्थ स्थान को, सातवें घर को और आठवें घर को देखेगा, ठीक है। मंगल जहां भी बैठेगा वहां से चार सात और आठ को देखेगा, जैसे मंगल अगर यहाँ बैठा है तो एक दो तीन चार, यानी मंगल यहां से बैठ के यहाँ पे वॉच करेगा देखेगा, मंगल यहां से बैठ के सातवें यानी एक दो तीन चार पांच छह सात यहाँ भी देखेगा, मंगल अपने जहां बैठता है वहां से आठवें घर को भी देखता है, तो अगर मंगल यहाँ बैठा है तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ यहाँ पर भी दृष्टि डालेगा, असर डालेगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक पहले दिन की नर्सरी क्लास का सिलेबस है, जो आप लोगों को अगर आइडिया है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने रिवाइज करा दिया। तो अजय भाई हम लोग वापस चलते हैं, तो जब मंगल यहाँ पे कंट्रोल करने का प्रयास करता है तो ऊर्जा सप्तम भाव में भी डाल रहा है, तो ये अब अगली दृष्टि मंगल की अष्टम है, ये देखिए अष्टम आठ नंबर। तो अब मंगल मान लीजिए लग्न में बैठा है तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये ठीक। अब आठवें घर पे भी दृष्टि डाल रहा है, अब आपको ये पता ही है कि मंगल जो है सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह होता है, उसके अंदर ऊर्जा होती है, मंगल किसी मामले में अगर मंगल की ऊर्जा कंट्रोल्ड नहीं है, अच्छे ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं है, तो वो चोट चपेट एक्सीडेंट भी करा सकता है, खून ब्लीडिंग भी करा सकता है, खून भी बहा सकता है, चोट भी लगा सकता है, ठीक है। अजय भाई आप हैं? यस सर, यस सर। हाँ, तो अब ये चीज तो आपको मंगल के बारे में पता ही है। अब मंगल ने यहां से बैठ के अष्टम भाव को देखा, ये पत्नी है जी, तो वो इन-लॉज का घर हो गया, उस पर भी आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए अगर ये पत्नी है तो पत्नी की आयु यहां से देखेंगे, एर्थ हाउस आयु या मृत्यु,
पत्नी की आयु कितनी है ये यहाँ देखेंगे, और आयु नहीं रहेगी तो वही वहीं पे मृत्यु हो जाएगी। पत्नी की मृत्यु यहाँ देखते हैं जी, अपनी मृत्यु यहाँ देखते हैं, मृत्यु आयु, क्योंकि आयु का घर है ये, और आयु का न रहना ही मृत्यु है, इसलिए इसको मृत्यु भी कहा जाता है। ये समझ लीजिए, ये आयु स्थान है, और आयु का न रहना, सांस का रुक जाना ही मृत्यु है, इसलिए मृत्यु यहाँ से देखी जाती है। आयु कितनी है ये देखा जाता है यहाँ से, और आयु कितने साल, 70 साल है तो 70 साल, यहीं से 70 साल बाद मृत्यु देखी जाएगी। ठीक है, तो ये मंगल यहाँ से आठवीं दृष्टि से पत्नी के सौभाग्य को पकड़ लिया उसने, क्योंकि अगर ये पत्नी है तो पत्नी का मांगल सुहाग यहीं से तो देखा जाएगा, क्योंकि ये पति की आयु है। तो अब मंगल ने यहाँ बैठ के पत्नी को तो पकड़ा ही पकड़ा, और ये आयु से ये 12th है, आयु से 12th है, तो यहाँ पे भी दृष्टि है और यहाँ पर भी दृष्टि है। समझिए, मंगल की सातवीं दृष्टि जो है मारक हाउस पे है अपने ही, और यहाँ पे अपनी आयु पे है। तो मंगल क्योंकि सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लेनेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मंगल जो है शादी होते ही एक्टिव हो जाएगा और मार देगा। कहने का मतलब है कि इसकी अंतर महादशा आए, इसका कोई मेजर पीरियड आए, तब ये एक्टिवेट होगा। हाँ, ये चीज समझते हैं ना कि कैसे एक्टिवेट होगा। तो ऐसा नहीं है कि शादी हुई और वो 2-3 साल में ही जो है वो अपना काम दिखा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई कंडीशन में अभी इसका परिहार भी हम आपको बताएंगे कि कब कब ये यहाँ पे बैठ के भी बहुत अच्छा कर देगा, नहीं डेथ इन्फ्लिक्टेड नहीं है। तो पहले तो ऋषियों ने ये समझा, एक जनरल बताया कि हाउस वाइज आप लोग पहले समझ लो कि मंगल कहाँ कहाँ पे बैठ के क्या क्या प्रॉब्लम क्यों करता है। फिर हम आपको बताएंगे यहाँ पर होने पर भी अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन बन रही है, कहते ना कंडीशन अप्लाई स्टार हैस्ट्रिक, तो ये वैसा रोल नहीं निभाएगा जैसा हम समझ रहे हैं, राइट। क्योंकि यहाँ बैठ के सुख को पकड़ लिया, पत्नी को पकड़ लिया और आयु को पकड़ लिया, तो कहीं और यहाँ पे बैठ के तो अपना रोल वो निभा ही रहा है। इसलिए लग्न के मंगल को अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है, अब यहाँ पे ये समझ लीजिए जो चौथी दृष्टि है ये 100% दृष्टि होती है। अब देखिए ये अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स में अलग अलग जगहों पे, ये कहीं पे 75% कहीं 50% भी बताई गई होगी, लेकिन उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में, पराशरी में, जिमनी में, या होरा सात में, गर्भ होरा में, या होरा चरा में, अलग अलग भी बताई गई है, कहीं पे 75%, कहीं पे 50%, कहीं पे 25%। लेकिन मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट चाहता हूँ, मेरा जो अपना तजुर्बा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और अगर 19-20 आप करना चाहें तो मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो मंगल की जो फोर्थ एस्पेक्ट होती है दैट इज 100%, जैसे बैठ के यहाँ पे 100% रोल निभा रहा है, तो 100% रोल जो है फोर्थ एस्पेक्ट से डालेगा, ठीक है। और इसकी जो एर्थ एस्पेक्ट होती है ये भी 100% होती है, ठीक है। लेकिन जो इसकी सेवंथ एस्पेक्ट होती है ये 25% ही होती है। अगर जैसे मान लो मंगल को किसी का सर तोड़ना है तो यहाँ देख के सर तोड़ देगा पूरा, और यहाँ से बैठ के यहाँ पे पूरा सर तोड़ देगा। तो अगर यहाँ पे सर तोड़ रहा है तो सर नहीं तोड़ेगा, हल्का सा खरोची लगा देगा, 25% ही तोड़ेगा। तो ये चीज भी आप लोग एक, और इसमें मैं कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अलग अलग जगहों पे लोगों ने इसको कहीं 50% कहीं 75%, या जैसे यहाँ बैठता है तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो हम आपको आगे फ्यूचर में आपको हम चाहते हैं खुद भी आप लोग थोड़ा इसको स्टडी करें और समझें। तो अभी अजय भाई अब आप मुझको ये बताइए कि लग्न के मंगल से आप समझ में आया, आपको क्या समझ में, और क्या क्वेश्चन बनता है आपके माइंड में, और कुछ पूछना चाहिए इसमें? सर लग्न के मंगल का मेजर 2-3 रोल जो दिखा, बिकॉज एक तो लग्न में है तो इंसान में अगर उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया गया प्रॉपरली तो वो, जैसे हमने मेष राशि के बारे में जानते, भेड़ कुछ भी कहीं भी सींग मार देगा, अपना काम कराना है, एनर्जी अगर चैनलाइज नहीं है तो दीवार पे भी सींग मार दे भले सींग तोड़ जाए। दूसरा, वहां से उसकी जो चौथी दृष्टि पड़ रही है वो सुख के भाव में पड़ रही है, तो घर में थोड़ा उसके चलते प्रॉब्लम होगा, उसकी एनर्जीज अगर प्रॉपरली चैनलाइज नहीं है। तीसरा, पार्टनरशिप या स्पाउस के घर में जो उसकी सातवीं दृष्टि पड़ रही है उसके चलते मैरिड लाइफ में या पार्टनरशिप में इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज हाई एनर्जी। एंड सातवां घर मारक घर भी मानते हैं तो इसलिए अपने को भी हार्म कर सकती है उसकी एनर्जी, एक्सेसिव एनर्जी है अपने को भी हार्म कर सकती है। प्लस वहां से वो आठवें घर पे भी आठवीं दृष्टि पड़ रही है जो आयु की दृष्टि है। और अब एक चीज और समझिए, अब यहाँ पे ये ससुराल का भी घर है, ठीक है, आपने ऐसा बताया था, बिल्कुल सही बताया। तो ये ससुराल भी है हमारी, ठीक है। तो ससुराल अब इसमें ऐसे क्या हो, जब मंगल लग्न में बैठ के ससुराल को देखेगा तो कहीं ना कहीं, मान लीजिए मंगल यहाँ पे बैठा है, ठीक है, तो यहाँ से उसकी आठवीं दृष्टि जब ससुराल वाले का घर में, और एक चीज और समझिए,
ये हाउस पत्नी की जवान का भी तो है, पत्नी की आवाज, पत्नी की जवान पे और ससुराल पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ये मंगल यहाँ बैठ के पत्नी की बोली को, या पति अगर यहाँ पे है तो पति की बोली को कहीं ना कहीं हार्श या आदेशात्मक करेगा कि नहीं करेगा? जी सर। और आप खुद जानते हो शादी तो एक खूबसूरत चीज है ना, अच्छे से रहने की चीज है, अगर कोई उसमें आदेश और बहुत ज्यादा एग्रेशन और बहुत ज्यादा कमांड डालने लगे तो मामला बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? जी सर। अब ये यहाँ से बैठ के आदमी ससुराल पे कमांड करना कोशिश कर सकता है कि यहाँ अपने घर को तो देखेगा देखेगा, यहाँ तो सुख में कंट्रोल कर ही रहा है, सामने ससुराल में भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, तो हो सकता है लड़की के माँ बाप कहेंगे भाई तुम्हारे पति कुछ ज्यादा ही पार्टिसिपेट करते हैं हमारे लोगों के चीजों में, तो धीरे धीरे बातें बढ़ती है। तो ऐसा नहीं कि मंगल शादी होती है एक्टिवेट हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, जब वो ज्यादा इन्फ्लुएंस डालेगा हर चीज में, उनके एक्शन में अपनी चीज चलाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से भी संबंध बिगड़ेंगे। तो इसलिए लग्न में मंगल में ये सारी चीजें देखनी चाहिए, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई अच्छे प्लेनेट की दृष्टि पड़ गई मंगल पे, तो यही मंगल जो अनचैनलाइज्ड है वो चैनलाइज्ड हो जाएगा। मान लो गुरु यहाँ बैठा देते हैं जुपिटर, जुपिटर 1, 2, 3, 4, 5 में यहाँ दृष्टि डाल देगा, तो वो अभी हम अभी इसी क्लासेस में आगे समझेंगे कि कैसे ये ऊर्जा बदल जाती है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई राशि, पर्टिकुलर राशि आ जाए, तो राशि एनवायरमेंट, मंगल को एनवायरमेंट वैसा मिल जाएगा तो मंगल अनचैनलाइज से चैनलाइज हो जाएगा। जैसे मान लो एरिस है तो अपने ही घर का है, जो अपने ही घर का मंगल हो जाएगा तो एरिस का एनवायरमेंट मिल गया, तो वो अपना अपनी ऊर्जा यहाँ पे ना लगा के वहीं पे एनवायरमेंट में ही लगा देगा। तो ऐसे कई सारे फैक्टर भी हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी हमने आपको सिर्फ मंगल लग्न से शुरू किया, ठीक है। अब हम साउथ इंडियन को भी इसी में ले लेते हैं, हम सेकेंड हाउस में भी मंगल को मान के चलते हैं। ये है मंगल, ठीक। नॉर्मली सेकंड हाउस साउथ इंडियन में ज्यादा लिया जाता है सेकंड हाउस के मंगल को। तो अब आप देखिए इस आदमी की जब जवान पे गले पे मंगल आके बैठ गया, परिवार, एक तो परिवार का घर है ये, कुटुंब स्थान, धन स्थान और वाणी स्थान, ठीक है। अब मंगल यहाँ पे बैठ गया तो ये सिंपल, और सेकंड हाउस में मंगल अकारक भी होता है ये आप सबको पता है, उतना कारक नहीं होता है यहाँ का, यहाँ पे एक तरह से वो वीक ही होता है। एक तो मंगल वीक यहाँ पे वीक हो रहा है, ऊपर से सेकंड हाउस में है तो वाणी स्थान को फिर भी ये प्रभावित करेगा। और आप समझो जीवन में कहते हैं ना अजय भाई कि मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले की मिठाई नहीं बिकती है, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यस सर। मानते हैं तो अगर, और ये अप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ पे। अच्छा अब दूसरी चीज समझिए, ये स्थान जो है ये पत्नी का है, पत्नी की आयु, और ये पत्नी की आयु का है, और ये सेकेंड मैरिज का भी है, ध्यान रखिएगा ये सेकंड मैरिज भी यही देखेंगे। अगर पहली मैरिज यहाँ से देखते हैं तो मैरिज की मौत यहाँ से देखेंगे, कई केसेस में या 9 से भी देखते हैं, 11 से भी देखते हैं, वो हम कॉन्सेप्ट आपको बाद में बताएंगे कि मैरिज 9 से कब देखनी है, 11 से कब देखनी है, लेकिन पहली शादी की मौत सेकंड हाउस से देखी है हमेशा, क्योंकि पहली पत्नी की डेथ, ये पत्नी, भाई पत्नी की अगर डेथ हो गई तो भी तो शादी पहली टूट जाएगी ना, तो पहली शादी की, शादी का कब खत्म होगी ये डाइवोर्स हम आपको ये जब आगे वो चैप्टर पढ़ेंगे वो चीज तब आपको बता देंगे। तो ये मंगल जब यहाँ पे बैठ गया तो मंगल एक ऊर्जा है, तो पत्नी के आयु स्थान में मंगल है, मंगल सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है और यहाँ से वाणी को भी खराब करता है, इसलिए साउथ इंडियन अगर इसको कंसीडर करते हैं तो गलत नहीं कंसीडर करते। फिर 1, 2, 3, 4 ये जो है प्रोडक्टिविटी का हाउस होता है, चाहे बच्चे भी हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो विद्या हम अर्जित करते हैं वो भी हमारी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन का हाउस है, व्हाट संतान, विद्या, बाकी चीजें भी से देखते हैं। तो मंगल यहाँ पे फिफ्थ हाउस में लव रिलेशन और शिप को भी प्रभावित करेगा चौथी दृष्टि से, और सबसे बड़ी चीज सातवीं दृष्टि से फिर इसने ससुराल को, आयु को पकड़ लिया सामने वाले की भी डबल साइड से, यहां से द्वितीय भाव से भी मारक हाउस है क्योंकि पत्नी का, इसको भी दृष्टि से सेवंथ दृष्टि से देख रहा है, ठीक है डायरेक्ट। और यहाँ पे बैठ के तो ऑब्वियस सी बात है कि, तो ये डबल इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? मोनिका जी आप बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर। सर बिल्कुल हुआ डबल इम्पैक्ट, और मंगल जैसे आपने बताया कि इसकी चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि है, तो इसका लव अफेयर पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा पे भी जा रहा है इसका असर, ये भी कहा जा सकता है। हम आपकी बात एकदम दुरुस्त है, लेकिन हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट चलेंगे,
पांचवें हाउस से 100 चीजें देखी जा सकती है। नहीं, आज हमारा टॉपिक सिर्फ मंगल पे है, तो अब यहाँ पे मंगल मंगल क्योंकि सेक्सुअल ऊर्जा है, तो यहाँ बैठ के जब यहाँ डाल रहा है तो यहाँ पे लव एफेयर वो बाहर भी कर सकता है, उससे भी शादी टूट जाएगी। सिर्फ रेफर, अब यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं लेंगे, यहाँ पे पिछले जन्म की बात नहीं लेंगे, यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात नहीं लेंगे, यहाँ पे मन बच्चों की बात नहीं लेंगे, यहाँ पे सिर्फ बात लेंगे जो कि मंगल दोष शादी तोड़ने या मंगलिक में कंसर्ट हो सकती है। तो ये प्यार मोहब्बत लव का हाउस होता है। मंगल एक अनट्रेंड ऊर्जा है, ठीक है, सेक्सुअल कैपेसिटी उसमें ज्यादा है, तो वो अगर मान लो यहाँ कहीं पे नहीं उसकी डिजायर्स पूरी हो रही है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रिलेशन बना सकता है और किसी प्यार रिलेशन में इंडल्ज हो सकता है। इसलिए चतुर्दृष्टि से इसको यहाँ पे कंसीडर कर, एक थॉट आप दे सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही, लेकिन ये उससे ज्यादा महत्व है कि पत्नी के दोनों मारक स्थानों को इसने पकड़ लिया है, यहाँ पे बैठ के अष्टम पे और यहाँ से देख के। मंगल की सप्तम दृष्टि भले 25% ही हमने बोली है, लेकिन वो अपना असर दिखाती है, ठीक है। बाकी तो यहाँ भी पड़ेगी भाग में, भाग में मंगल दृष्टि, भाग में मंगल दृष्टि का क्या मतलब है, भाग में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आगे जाके काम करना पड़ेगा। और अगर किसी का थोड़ा सा भाग कमजोर हो तो भी तो कहीं ना कहीं, अगर मान लो पत्नी की इच्छाएं बहुत है, पति की इच्छाएं बहुत है और भाग में बहुत स्ट्रगल हो, मंगल कहीं ना कहीं स्ट्रगल देता है, ऐसा नहीं कि वो देता नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग स्ट्रगल देगा, तो यहाँ पे हमें थोड़ा समझदारी से डील करना पड़ता है, ठीक है। तो मंगल सेकंड में हमने आपको एक छोटा बेसिक चीजें नटसल में समझाया, फिर यहां से ससुराल को भी उसने पकड़ा है, फिर वही वाली चीज आ जाएगी। तो इस तरह से ये साउथ इंडिया, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ सेकंड हाउस में मंगल जो है ये मेनली साउथ में ज्यादा कंसीडर होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर ऊर्जा अपना असर दिखा रही है तो आपको अंडरस्टैंडिंग सब होनी चाहिए, आप इसको यहाँ पे कंसिडर करें या ना करें दैट इज नॉट द इशू। अब आ जाइए यहाँ पे, नॉर्मली इसके बाद कहा जाता है ना कि मंगल जो है फोर्थ हाउस में मंगली बनाता है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि फोर्थ हाउस में मंगल बैठ के आपके हिसाब से क्यों शादी के लिए नुकसानदेह है। अनुजी आप बोलिए, अनुजी हेलो, आप बताइए। राम राम सर। राम राम जी सर, वो चौथी दृष्टि से सीधा पहले तो इसके देखेगा शादी के भाव को। गुड, और ठीक है, फिर सातवीं दृष्टि से ये आपके काम को भी देखेगा, काम को इफेक्ट करेगा जो आप काम कर रहे हैं टेंथ हाउस में, ठीक है, और फिर ये आपके लाभ भाव को देखेगा, लाभ को भी इफेक्ट करेगा, इच्छा पूर्ति भाव में भी दिक्कत करेगा जी। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, आपको मैंने शायद, आप पता नहीं मेरे पहले क्लासेस में रही या नहीं रही, यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि आती है। कर्क। हम कहते हैं राशि को राशि कर्क की नीच का हो जाता है। हाँ, तो अब आप समझो, भले आपके तत्कालिक चार्ट में यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो 1 से लेकर 12 तक, लेकिन बेसमेंट में हमेशा कर्क राशि रहेगी, और तो कहीं ना कहीं बेसमेंट में अगर कर्क राशि है तो मंगल यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मान झेला जाएगा कि इसकी ऊर्जा उतनी प्रभावित, क्योंकि जो ऊंच और नीच होता है राशियों के हिसाब से भी हम देखते हैं और भाव के हिसाब से भी देखते हैं, काल पुरुष के हिसाब से भाव के अकॉर्डिंग भी ऊंच नीच हो सकता है और राशि के हिसाब से भी ऊंच नीच हो सकता है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि किसी का अगर चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, सुख के भाव में मंगल बैठा है, घर परिवार के माहौल के भाव में मंगल बैठा है, तो पहली चीज तो ये समझो, अब आप समझो लॉजिकली, इस बच्चे ने बचपन से अपने घर में एक खींचा तानी का, एब्यूजिव का, गाली बकने का, माँ बाप के लड़ने का माहौल 80% चांसेस है कि देखा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल देखा होगा, क्योंकि अगर मंगल एग्रेसिव होगा इसका माहौल भी एग्रेशन वाला होगा, बचपन से इसके अंदर जो संस्कार पड़े होंगे या जो माहौल इसने देखा होगा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। ये जो माहौल इसने देखा होगा, आप समझो, ये जिस माहौल से, जो माहौल देख के घर में पला है, वो माहौल ये पहली शादी में, जब भी इसकी पहली शादी होगी तो उसमें ये वैसा ही माहौल इमेजिन करेगा, वैसे ही माहौल में ट्रेंड है, और ऑब्वियसली बात है इसके घर में जिस तरह की ऊर्जा है, इसके सुख भाव में जिस तरह की ऊर्जा है, वो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से वो पत्नी और स्पाउस के हाथ को पकड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है मैम। ठीक है सर। सानुजी आप बोलिए। सानुजी। हाँ जी सर। सानुजी अभी तक की बात समझ में आई? हाँ जी सर।
नॉर्मली अगर मंगल कहीं पे भी बैठता है तो क्योंकि मंगल एक ऊर्जा है, एग्रेशन है, बचपन इसका बचपन जो है मंगल के फोर्थ हाउस के मंगल के साथ ये आया है, तो मंगल से ये अगर और चार्ट में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे ना हो तो ये कहा जा सकता है कि इसके घर में माहौल थोड़ा सा बचपन में इसने जो देखा होगा वो कोई बहुत सुखमय नहीं होगा, माता पिता भी आपस में फाइट करते तो वो इसके माइंड में फीड है, तो वही ऊर्जा ये माइंड और ये जब शादी होगी कहीं ना कहीं उस अगर कोई बहुत अच्छा मैच हो गया और चीजें अच्छी हो तो भले सुधर जाए, अदरवाइज वैसा ही रिपीटेशन हो सकता है। यहाँ से बैठ के आपके समझे कि मंगल यहाँ पे कैसे दृष्टि दे रहा है? हाँ जी सर। कैसे दे रहा बेटा? सर फोर्थ एस्पेक्ट। वेरी गुड सर, मेरे भी है फोर्थ हाउस में। तो तुम एक जनरल मतलब बुरा ना माना, हम ये नहीं कहते कि तुम्हारे मम्मी पापा से में लड़ते रहते होंगे, लेकिन क्या उनमें कोई वैचारिक मतभेद रहता था एक दूसरे की सर, बात को काटना है? हाँ। सर बहुत अभी भी है। अच्छा ठीक है, हम ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाएंगे, तो ये समझो तो अब जब मंगल यहाँ पे चौथी दृष्टि से देख रहा है तो ये आदमी क्या करेगा, यहाँ भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और तुम समझो कोई इंसान प्यार मोहब्बत से अच्छे से रहना तो सब चाहते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बॉसी बनके कंट्रोल करके रखना चाहे तो चीजें की शुरुआत हो जाती है, तो वो शुरुआत फिर डाइवोर्स में बदल जाए, अलग अलग कमरे में दोनों रहने लगे, वो अपने घर में शिकायत लेके जाएं, लोगों की मीटिंग हो, तो मंगल का मतलब ये नहीं है कि किसी की डेथ हो जाने वाली है, दूरी हो जाना, डाइवोर्स हो जाना, सेपरेशन हो जाना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, कोर्ट में जाके बार बार काउंसलिंग करना, बार बार जो है फैमिली वो जो कोर्स होते हैं उनमें जाके मीटिंग कराना, ये सारे मंगल के एस्पेक्ट थे, लेकिन वाकई मंगल बहुत बिगड़ा हो तो अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कि मंगल को लोगों ने इन इन हाउस में क्यों ऐसा बताया है। तो यहां से बैठ के मंगल जब इसको पकड़ता है टेंथ हाउस को तो कर्मा में भी मेहनत अप एंड डाउन डाल देता है, तो जब आदमी के काम और प्रोफेशन में अप एंड डाउन होते हैं उतनी कमाई नहीं होती है तो पत्नी या पति भी खुश नहीं होता है। अगर मान लो हम नहीं कमा रहे ठीक से, कर्मा हमारा यहाँ पे अप एंड डाउन मंगल की वजह से काफी एग्रेशन है, उतार चढ़ाव है, हमें काफी फाइट करनी पड़ रही है, मंगल यहाँ से सातवीं दृष्टि देख रहा है भाई, यहाँ से आठवीं दृष्टि से इच्छा पूर्ति को पकड़े हैं, तो हमें अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजें, मान लो पत्नी ने कहा कि मेरे लिए जो है ये चीज ले आना, अब वो बेचारा प्रोफेशन से भी फाइट कर रहा है, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं चीजों की शुरुआत होती है। हमको मंगल की ऊर्जा को अच्छे से समझना है, मंगली कैसे होता है, परिहार कैसे होता है, वो सब तो तुम लोग लैपटॉप में सॉफ्टवेयर डालोगे पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी, हमारा काम वो लिस्ट रटाना नहीं है जो किताबों में लिखा है, हमें तुम्हें वो चीज सिखानी है कि तुम लोग ये समझो कि ये ऊर्जा को कैसे चैनलाइज करना है, जो नहीं लिखा है हम तुम्हें वो सिखाना चाहते हैं। परिहार ये ऐसे कट जाता है 28 साल के बाद कम हो जाता है, 27 से ज्यादा बिंदु हो मिलाने पे तो मंगल का परिहार हो जाता है, मंगल कम्बस्ट हो तो जो है उसका असर खत्म हो जाता है, रेट्रोग्रेड हो तो असर खत्म हो जाता है, अगर वो जो है राशि के बिल्कुल गंडांत में हो, डिग्री वाइज कम हो, 28 का हो, 29 का हो, 1 का हो, 2 का, तो मंगल बलहीन हो, वो सारी चीजें तो कॉमन है, वो सब तुम जानते हो, तुम सब लोग मेरे साथ हो, हम तुम्हें वो चीजें समझाना चाह रहे हैं जो इसका बेस है। ये तुम चार्ट में ये समझो कि क्या ये ऊर्जा वाकई वैसे मैनिफेस्ट करेगी, हम जब अपने घर की किसी बच्चे का या लड़की का या लड़के का चार्ट मैच करा रहे हैं तो वो पढ़ी लिखी वो सारी बातें हम तुम्हारी ओके करेंगे जो किताबों में ग्रंथों में सॉफ्टवेयर में दी होती है कि ऐसे ऐसे मंगल का, तो पहले अच्छे से समझो कि मंगल अच्छा और बुरा क्या कर रहा है या वाकई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि ये जो ऋषियों ने समझाने का कोशिश किया कि चतुर्थ में मंगल क्यों खराब माना जाता है, अब इसका तुम्हें एक रफ आइडिया लग गया। हाँ जी सर। अभी बिटिया बहुत सारी चीजें बदलेंगी, जब राशि आ जाएंगी तो यही मंगल अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, अभी राशियां जो इस पर रख देंगे, एस्पेक्ट्स रख देंगे, लेकिन अभी उस तक चलने से पहले तुमको पहले बेसिक स्ट्रक्चर तो खींच के समझा दे। तो चलो अब यहाँ तक का हो गया, अब आगे चलते हैं। हाँ जी सर। अब बिटिया मंगल जो है सेवंथ हाउस में, एक चीज ये समझ लो मंगल की कई क्वालिटी में मंगल जो है यहाँ पे अगर मंगल है तो एक चीज को समझो, यहाँ पे पार्टनर का सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी आक्रामक है। सेवंथ हाउस जो है पार्टनर का होता है, पार्टनर के हाउस में अगर मंगल बैठा है तो उसके पास जो है कहीं ना कहीं वैल्यूर पावर या उसकी डिजायर टूवर्ड्स सेक्सुअलिटी भरपूर है। अब यहाँ पे बैठ के अगर हमने इस चार्ट को मैच नहीं किया, लड़के के चार्ट को मैच नहीं किया, उसका तो मंगल यहाँ पे गया है। ठीक है, तो इसको मैच करे बिना शादी नहीं करनी चाहिए, ये अभी हम तुम्हें आगे भी इसी क्लास में समझाते का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे मंगल जो है तुम्हारा इस
ये मंगल जो है यहाँ से, अब पहले दृष्टि समझ लो, एक दो तीन चार, यानी कि सामने वाले के सुख, यानी कि जैसे हम अपना सुख यहाँ से देखते हैं ना, तो सामने वाले अपोनेंट का सुख तो यहाँ से देखेंगे ना, एक दो तीन चौथा भाव हो गया ना यहाँ पे, और इसका कर्मा हो गया प्रोफेशन। भाई अगर ये हमारी पत्नी है तो पत्नी का घर और सुख का हाउस कौन सा होगा बेटा, एक तो जी बोलिए तीन चार, ये वाला होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, माधुरी आपके साथ है, माधुरी बोलिए। हाँ सर, ये जो घर है सातों घर में जो मंगल बैठेगा तो इसकी चौथी दृष्टि जो है वहां पे जाके लगेगी। जी, और ये पत्नी का सुख भाव हुआ कि नहीं हुआ, ये पति का सुख भाव हुआ हमारे स्पाउस का, पत्नी का हुआ सुख भाव हुआ। यहाँ पे बैठ के मंगल कहीं ना कहीं उसके उसके सुख को कंट्रोल करने का, जैसे इसका सुख यहाँ पे तो पत्नी का सुख यहाँ पे, तो इसको भी कंट्रोल, उसके इसको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, करेगा सर, उसमें दखलंदाजी कर सकता है, उसको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बैठ के तो ऑब्वियस ही बात है कि स्पाउस को कंट्रोल करने का पूरा पूरा प्रयास करेगा, ठीक है। तो अब ये बताइए, अगर ये चार्ट आपस में दोनों के नहीं मैच होंगे तो अगर ये एनर्जी जो है अनचैनलाइज्ड हो जाएगी, प्रॉपर इक्वल नहीं की जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनमें लड़ाई झगड़ा मतभेद डिसओपिनियन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, उसका मारक भाव बनेगा, फर्स्ट हाउस बनेगा, वो भी बनेगा, ठीक है। अभी अभी तो चौथी दृष्टि डाली है, यहाँ पे बैठ के तो मारक है ही, ठीक है। अगर इस कुंडली का कोई इसकी लग्न का अगर ये दोस्त नहीं हुआ तो अपने लिए भी मारक बनेगा। अगर ये लग्न अभी कौन सी है इस पे तो हमने नहीं बताया ना, एक से लेके बारह तक कौन सी आ रही है। अगर मंगल दोस्त हुआ लग्न का तब तो फिर भी कुछ बचत हो जाएगी, अदरवाइज बचत का तो भी सवाल नहीं उठता है। फिर यहाँ से सातवीं दृष्टि फिर लग्न में डाल रहा है, देखिए यहाँ से सातवीं दृष्टि लग्न में डालेगा, कहानी फिर वही, जैसे लग्न में बैठ के यहाँ डाल रहा था यहाँ से बैठ के डाल रहा है। तो जब मंगल दृष्टि डाल रहा है तो इसके अंदर एक ऊर्जा, एक एग्रेशन, एक पावर, एक कंट्रोल करने की क्षमता यहाँ पे भी दे रहा है। तो यहाँ पे पत्नी के घर में बैठा तो पत्नी के अंदर भी पावर आ रही है, तो इन दोनों का बैलेंस, वो भी कह रही है, मतलब कहते ना हम किसी से कम नहीं, कहते ना। इसके लिए एक शेर सुना देते हैं, तुम्हारी जिद है जहां आशियाना बनाने की, या उल्टा कह लीजिए, तुम्हारी जिद है जहां बिजली गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आशिया बनाने की। तो इसको समझ लो, तो इससे याद रहेगा कि तुम्हारी जिद है जहां बिजली गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आशिया बनाने की, ठीक है। तो दोनों का काम फिर हो चुका फिर, यानी कि बिजली और आशिया बन रहा टूट रहा, बन रहा टूट रहा, ठीक है। अब फिर देखिए, मंगल यहाँ बैठ के अष्टम दृष्टि फिर गले पे डाल रहा है वाणिज्य। मंगल सेनापति है, अभी उसकी बहुत सारी हजारों क्वालिटी हैं उसमें, लेकिन मेजर हम जो इसमें लग रही है वो आपको देते हैं। यहाँ से बैठ के फिर जवान को भी तेज कर रहा है, परिवार को फिर से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हो, पत्नी के घर में मंगल बैठा है तो ये पत्नी भी बड़ी ऊर्जावान है, वो क्या कर रही है, अपने पति के परिवार को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल सही, दोनों वाइसी वर्षा है, ठीक है। ये तो बाद में देख लेंगे, सप्तमेश कहाँ है, द्वितीयेश कहाँ है, तब और क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तो ये, और आप समझो, अभी आजकल के परिस्थिति में डेथ ना समझो कि मंगल मार देगा, इसको भूल जाओ, मारेगा दो चार केसेस में लाखों में से, लेकिन आज डाइवोर्स करा देगा, आउट परिवार के बाहर रिलेशन बनवा देगा, उस तरह के केसेस ज्यादा आएंगे आपके पास। सेपरेटिव काम करेगा, सेपरेटिव काम करेगा मंगल में, क्योंकि मंगल में सेपरेटिव टेंडेंसी, क्योंकि हमने आपको बताया ना, आज की अब लाइफ स्पैन भी बढ़ गया है, लड़ाइयां भी नहीं होती हैं, बहुत सारी देर में शादियां भी होती हैं, तो जो मारने वाला कारतत्व मंगल का था वो कम हो गया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि किसी किसी वर्ष कंडीशन में पति या पत्नी की डेथ होगी, लेकिन उसके लिए से मंगल को रिस्पॉन्सिबिल देना नहीं अच्छी बात है। राहु भी आएगा, केतु भी आएगा, शनि भी आएगा, सूर्य भी आएगा, अभी वो भी अगर मौका लगा, टाइम बचा, तो वो भी करा देंगे आपको शॉर्ट में, ठीक है। इसे मंगल को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से अब आप लोग, सब लोग अपने अपने माइंड के थॉट्स को थोड़ा चेंज करो। अब जो है मंगल जरूरी नहीं है कि वो जान से मार ही देगा, वो किसी किसी कंडीशन में हम आपको बताएंगे जहां पे वो बहुत बुरा होगा जब मारेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लॉजिकली, अब आप सेवंथ हाउस से भी मोटा मोटा अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना कि कैसे चीजें बन रही हैं, क्यों कहा गया खराब। अब आगे चलते हैं। अब जो खतरनाक मंगल है वो यहाँ का होता है, यहाँ के मंगल को थोड़ा खतरनाक कहा गया है, ठीक है। पहली बात तो क्योंकि ये सुहाग अपनी, एक तो ये आयु होता है,
पत्नी का सौभाग्य है, पत्नी क्योंकि हमारी आयु, अगर हमारी आयु नहीं तो पत्नी का या पति का सौभाग्य, या विदुर होना या विधवा होना, यहीं से देखा जाएगा। ठीक है, अब मंगल अगर आयु स्थान पे स्पाउस शादी, इसको मंगल बोलो पत्नी के लिए, उसका सुहाग बोलो पति के लिए, उसकी पत्नी को बोलो, वहां पे अगर मंगल बैठा और मंगल की अगर ये ऊर्जा चैनलाइज नहीं है, अगर मंगल लग्नेश का मित्र नहीं है या इस पे कोई और अच्छी दृष्टि नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मंगल ऐसा आदमी क्या करेगा, एर्थ में मंगल यानी आयु के लिए, आयु है, आयु स्थान है मंगल, क्योंकि ऊर्जा है तो चोट चपेट एक्सीडेंट तेज गाड़ी से बढ़ जाना, खून लगना, हथियार से मृत्यु होना, ये दिखाता है नॉर्मल कंडीशन में, ब्लड की कोई बीमारी हो जाना, आरबीसीज का बह जाना, बोन मैरो की प्रॉब्लम हो जाना, क्योंकि रुधिर मतलब जो रक्त होता है, रक्त की जो कण होते हैं, बोन मैरो होता है, उन सबका कारक मंगल होता है। तो अष्टम में चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होना, अंग भंग हो जाना, खून की प्रॉब्लम हो जाना, ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। बाकी जब नक्षत्र बाकी चीजें देखेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से क्या हो सकता है। तो ये मंगल, अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 इच्छा पूर्ति को पकड़ लिया उसने, ठीक है, अब ये इच्छा पूर्ति को पकड़ देगी, 6 से 6 भी है ये, मैं आपको दिखाता हूँ करके। अगर ये डिजीज है, अगर ये छठा भाव डिजीज होता है तो 1, 2, 3, 4, 5 ये भी डिजीज का हाउस होता है, ठीक है, डिजीज का हाउस, छठे से छठा भावात भवम, ठीक है। अब मंगल ने यहाँ पे भी दृष्टि डाल दी, और ये इच्छाओं का प्लैनेट है, मंगल अगर इच्छाओं को बहुत बढ़ा रहा है तो आदमी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वर्कोहोलिक हो जाता है, सेहत का ख्याल नहीं रखता है। देखिए पहलू को आपको हर तरह से समझना पड़ेगा। मैंने मेरे पुराने सारे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं उनको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ऋषियों ने बहुत कम शब्दों में बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो उन्होंने कहीं लिखी नहीं है, लेकिन ये आपको डिकोड करनी पड़ेगी। अगर मंगल यहाँ बैठ के चतुर्थ में दृष्टि डाल रहा है तो इसका मतलब वो इच्छा पूर्ति में आपको एक आग दे रहा है कि आप अपनी इच्छाएं पूरी करिए, गेंस करिए, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, इनकमिंग गेंस। और यहाँ पे जब आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हो तो जब आप अत्यधिक ऊर्जा लगा दोगे तो कहीं ना कहीं आपका बल 6 चीजें कम होंगी, आप अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि छठे से छठा है, बीमारी भी दिखा रहा है, बहुत इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में आप बीमार हो सकते हो। जैसे आपने बहुत उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिया तो आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें इंटरविबन है, इंटरबॉबिन है, ये सब डॉटिंग है अंदर ही अंदर, जो आपको पकड़ना पड़ता है। चलिए इस पे तो ये मंगल यहाँ पे चतुर्दृष्टि से कोई बहुत अच्छा नहीं करेगा, ठीक है। बाकी अभी हम एक चीज फिर बार बार बोल रहे हैं, अभी लग्न जब बनाएंगे तो उसका मित्र है या शत्रु है क्या है उस पे बाद में प्रेडिक्शन हमारा चेंज होगा। अभी जो ऋषियों ने भावगत बताया है मंगल क्या करता है वो हम बता रहे हैं। सातवीं दृष्टि देखिए, फिर इसने वाणी को पकड़ लिया और सामने वाले की आयु को पकड़ लिया। अब फिर समझिए ये मंगल क्यों ज्यादा मैं खतरनाक कह रहा हूं। ये तो आयु स्थान है ही है, आयु स्थान पे बैठ के इसने मारक स्थान को पकड़ लिया और यहां से फिर आयु को पकड़ लिया अष्टम दृष्टि से, एर्थ एस्पेक्ट से। अगर ये आयु है, अब आप सर जी ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, अगर ये आयु है अष्टम भाव, अगर आयु है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी आयु है, अष्टम से अष्टम भी आयु है क्योंकि तो थर्ड भाव होता है। अब जब मंगल ने आयु स्थान पे तो बैठ ही गया और अपनी आठवीं दृष्टि से, आठवीं दृष्टि आपको मैंने बताया 100% दृष्टि होती है, फिर उसने आयु स्थान को पकड़ लिया और यहाँ से मारक मारक को भी पकड़ लिया, यानी कि आयु का 6, आयु से 12 मारक। इसलिए अष्टम के मंगल को थोड़ा सा ध्यान से टैकल करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ मामलों में काफी खतरनाक बताया गया है, अष्टम के मंगल को बहुत ही सोच समझ के, अच्छे से समझ के, अगर परिहार इसके भी है, ऐसा नहीं कि इसके परिहार नहीं है। अब यहीं पे अगर मीन राशि आ जाए, यहीं पे धनु राशि आ जाए तो परिहार हो जाएगा, यहीं पे मीन राशि या धनु राशि आ जाए परिहार हो जाएगा, यहीं पे लड़की का शनि या वो आगे चलेगा, अब यही गुरु की दृष्टि पड़ जाए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 तो मंगल पे कहीं ना कहीं बचाओ, जीव जीव गुरु का एक नाम जीव भी है ना, तो जीवन जीवन दे देगा, ठीक है, इसको समझ लिए। तो अभी हमने आपको एर्थ के मंगल का भी बेसिक एक स्ट्रक्चर बता दिया, कैसे उसने सेकंड को पकड़ लिया और थर्ड को पकड़ लिया। अजय सर एक मिनट के लिए मैं एक मिनट के लिए थोड़ा सा एक नीचे कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर ओके सर ओके, 2 मिनट वेट कीजिए।
और आपके किसके डाउट हो सबके डाउट लिए जाएंगे, थोड़ा आधे घंटे के बाद आपके सबके डाउट लिए जाएंगे। आज की क्लास कोई लंबी चलेंगी क्योंकि आज आपको बेसिक समझाना बहुत जरूरी है। अगर मंगल की बेसिक क्वालिटी नहीं समझोगे आप लोग, फिर आगे जो दो दिन की क्लास होंगे समझना थोड़ा मुश्किल जाएगा आप लोगों को। इसके ना आज हम थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहे हैं बेसिक के ऊपर आप लोगों के लिए, तो 2 मिनट वेट कीजिए फिर आगे चलते हैं। ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो अभी आप लोगों को ये जो चीजें इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि अभी तक हम लोग नॉर्मली ये चीजें रटी हुई है कि लग्न में, बारहवें में, चतुर्थ में, सेकंड में, सेवंथ में मंगल होने से मंगल दोष बन जाता है। लेकिन उसको जितना अच्छे से आप चीजों को समझ लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उसके तभी आप उसके परिहार और अच्छे से कर पाएंगे। अब एक लास्ट कॉलम आता है हमारा कि मंगल जो है यहाँ पे, देखिए मंगल ट्वेल्थ हाउस में। पहले आप समझिए ट्वेल्थ हाउस क्या है। ट्वेल्थ हाउस नॉर्मली मंगल के डोमेन में मांगलिक दोष में अगर समझा जाए तो ट्वेल्थ हाउस जो है वो आइसोलेशन का है, ट्वेल्थ हाउस जो है वो सैया सुख का है, ट्वेल्थ हाउस जो है वो बेड प्लेजर्स का है। मंगल जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, सेक्सुअल ऊर्जा है। बारहवें में बैठ के वो कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नाइट कर देता है, कैटलिस्ट कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, बेड प्लेजर्स के प्रति इच्छाओं को बढ़ा देता है। अगर कंपैटिबिलिटी उस तरह की ना मिले, मैच उस तरह का ना मिले, तो ऑब्वियस ही बात है he will go for the outside relation. आउटसाइड रिलेशन जब तक छुपे रहे, क्योंकि बारहवां हाउस छुपा हुआ हाउस है ना, आइसोलेशन का हाउस है, गुप्त हाउस है, तब तक तो मामला चल जाएगा। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप पति या पत्नी के खुल गए एक दूसरे से, तो यहाँ पे डाइवोर्स की चांस आती है और मंगल सेपरेशन का कारक बनता है। ठीक है, आप लोग ट्वेल्थ के मंगल से पहले समझ लो क्यों। ऐसा नहीं है कि वो मंगल वहां पे है वो सब कुछ करा ही देगा। नॉर्मली ये तब कंडीशन में होगा अगर मैच प्रॉपर नहीं मिला। मान लो फीमेल या मेल जो है सेक्सुअली डिजायर्स को पूरा नहीं कर पा रहे एक दूसरे के, तब ट्वेल्थ का मंगल एक्सेस, क्योंकि उसके अंदर एक्सेस ऊर्जा है, उस ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ वो ऐसा प्रयास करेगा जो कि समाज के ढांचे के अनुरूप नहीं होगा। और जब उसका पति या पत्नी ये बात जानेगा तो लड़ाई झगड़ा और सेपरेशन और बातचीत तो कहा सुनी, और भाई अगर पत्नी या पति सक्षम नहीं हुआ तो वो निर्वाह करेगी किसी तरह, पर अगर वो सक्षम हुई तो तुरंत कोर्ट का नोटिस भेज देगी, तो ये सेपरेशन का कारक मंगल बनेगा। ठीक है, ट्वेल्थ हाउस में मंगल, अब ट्वेल्थ हाउस में मंगल क्या, मान लो कमाने के लिए, ये विदेश का भी कारक है। ठीक है, मान लो विदेश चला गया तो वो भी तो एक तरह का सेपरेशन है। तो मंगल ने भले शादी नहीं तोड़वाई, मान लो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, कुछ अच्छी दृष्टि पड़ रही है या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो शादी नहीं टूट रही है, लेकिन क्या है, पति पहला शादी हुई, 4 साल के लिए फॉरेन चला गया, पत्नी का वीजा नहीं बन पा रहा, वो जा ही नहीं पा रही है। तो ये भी तो ऐसा नहीं है, मंगलिक को कई एस्पेक्ट से कई लेवल पे समझने का प्रयास अगर आप लोग करेंगे तो दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ से 1 2 3 4 फिर देखो उसने आयु को पकड़ लिया अष्टम से अष्टम। ठीक है, यहाँ से इसलिए ट्वेल्थ एर्थ के बाद जो थोड़ा खतरनाक जो मंगलिक आ गया वो ट्वेल्थ का मंगलिक कहा गया है। ठीक है, आठवें घर का मंगल और बारहवें घर के मंगल को ज्यादा खतरनाक बोला गया है। तो यहाँ तो वो देखो उसको तो बिगाड़ ही रहा है, यहाँ से आयु को पकड़ रहा है, गुप्त, ये भी गुप्त चीजें हैं, गुप्त संबंध यहाँ से भी दिखते हैं, यहाँ दोनों से इसको भी दृष्टि डाल के। अब ये काम का भी घर है, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कामा डिजायर्स, यहाँ से बैठ के वो डिजायर्स भी बढ़ा रहा, पराक्रम भी बढ़ा रहा। ठीक है, ठीक है, तो इस पे कहीं ना कहीं डबल इम्पैक्ट पड़ गया, वहां बेड प्लेजर्स इग्नाइट हो रहे हैं, यहाँ पे डिजायर्स इग्नाइट हो रहे हैं। तो यहाँ से बैठ के सिक्स्थ हाउस, ये दूसरा कामा हाउस है, कामा हाउस नहीं, सातवां, अब उस पे भी आते हैं, ये बीमारी का घर है। ठीक है, इनकी भी मंगल यहाँ बैठ के अगर एक्सेस कोई चीज कर रहा है तो यहाँ पे रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, तो जनरल डोमेन है बीमारी। अब यहाँ पत्नी, अब ये फिर समझो, ये अगर जो है हमारा रिलेशन बनाने का हाउस है तो ये सेलिबेसी का हाउस भी है, ब्रह्मचर्य का भी हाउस है। मंगल यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, इस चीज से भी पत्नी से दूर करने का प्रयास करेगा। ये चीज बहुत अच्छे से समझ लो, फिर से समझा देते हैं। ये जो है नॉर्मली तुम लोग इसको पढ़ते हो शादी, हम इसको शादी नहीं मानते, ठीक है, शादी है, लेकिन ये जो घर होता है सेवंथ हाउस, ये शादी का ना हो के स्त्री और पुरुष के मिलन का होता है।
भाई जब सनातन धर्म आया, जब तो धर्म बन गया, तब उसको शादी का रूप दे दिया। उस पहले भी तो स्त्री और पुरुष बच्चे पैदा करते थे, तब भी तो ये शादी का घर होता होगा, मिलन का घर था। तो ये अल्टीमेटली ये जो सेवन तुला है, बैलेंस है, स्त्री और पुरुष के बैलेंस का घर है, उनके मिलन का घर है। और ये उसका बारवां यानी मिलन होने नहीं देगा, ठीक, यानी सिलेबस ब्रह्मचर्य का हाउस हो जाता है ये। यहां से मंगल बैठ के ब्रह्मचर्य को बार बार तोड़ने की कोशिश करेगा, या तो समस्या एग्नाइट करती है, समस्या बढ़ती है, ठीक है। यहाँ तो ये यहाँ से बैठ के ये भी, फिर यहाँ से बैठ के फिर आठवीं दृष्टि से यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, तो उसकी ऊर्जा फिर यहाँ पे डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक। ये चीज अच्छे से मुझे लगता है, उम्मीद है आप लोगों ने काफी हद तक समझ ली होगी, जिससे कि एटलीस्ट हम आगे जब आपको भी इसके परिहार और चीजें पढ़ाएंगे, तो अब आप एक बेसिक टोन समझ गए कि मंगल बैठ के खाली बैठने से नहीं, ये जो आप लोगों ने कहा ना कि बारहवें में होता है तो मंगलिक हो जाता है, लग्न में होता है तो हो जाता है, चतुर्थ में हो जाता है, इसको आज थोड़ा सा और डिटेल में हमने समझने का प्रयास किया। अभी बातचीत करके और भी बहुत सारी चीजें समझ लेंगे। तो ये एक जनरल ग्लिम्प्स था कि बताने को इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं जो एकदम से नहीं कभी कभी याद आ पाती है, लेकिन ये एक बेसिक चीज है जो मंगल, अब एक चीज समझ लो, इन्हीं सब घरों में और प्लैनेट्स भी उतना ही रोल कभी कभी प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि मंगल से ही, मंगल तो खैर गर्द का बदनाम है यही, लेकिन शनि राहु सूर्य भी यहाँ बैठ जाएगा तो भी सेपरेशन देगा, ठीक है। प्रधक्तावादी, ये जितने भी क्रूर और पापी ग्रह हैं, शनि सूर्य जो है वो क्रूर ग्रह है, मंगल भी क्रूर ग्रह है, शनि केतु राहु ये सब जो है सेपरेटिव टेंडेंसी की, इनकी जो थ्योरी जो है ये सब इन घरों में भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इनके साथ ही आ जाए, जैसे मंगल के साथ यहाँ पे केतु आ जाए, मंगल के साथ केतु, या मंगल के साथ यहाँ पे राहु, या मंगल जैसे यहाँ मंगल के साथ राहु आ जाए, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझा देता हूँ। अब जैसे मंगल के साथ, तो ऐसा आदमी परवर्टेड हो जाता है, वो नेचुरल रिलेशन बनाने में बिलीव नहीं करेगा, मंगल राहु परवर्टेड, ठीक है। तो पता लगा परवर्टेड हो गया और पार्टनर उसका उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। वो डेली नया नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है रिगार्डिंग सेक्स, ये सेक्सुअल लाइफ, वो मंगल राहु, ठीक है। तो ऐसे आपको कई सारे कॉम्बिनेशन भी अभी आगे समझने को पड़ेंगे कि कैसे शादी टूटती है, कैसे मंगल के साथ और ग्रह पार्टिसिपेट करते हैं तो और इग्नाइट कर देते हैं। सिर्फ मंगल को ये चीज बोलना नहीं अच्छी बात है। अब इसके, अब ये तो सिर्फ हो गया कैसे भाव के में बन रहा है, अब इससे चार गुना ज्यादा इसके परिहार है जब नल एंड वाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इतने साल में गलतियां जानते हुए की है, मंगल को पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबल मान के, क्योंकि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। और आप लोग ईमानदारी से सच बताएं, चलिए बताते हैं, पुराने समय के लोग जो है टैबू में जीते थे, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट सेक्स एंड सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी। और हम आपको ईमानदारी से बताएं, हमारा ज्योतिष शास्त्र सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी के से गुजरते हुए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के हजारों नहीं लाखों करोड़ों रास्ते बताता है, लेकिन हम इतने शैलो हैं, हम अपने माइंड को इतना उठा नहीं पाते हैं कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें। पुराने टाइम के ज्योतिषियों ने खुल के कभी ये बताने की कोशिश नहीं की कि मंगल बहुत अच्छा है तो मेन रीजन जो है सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी है, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि आई हैव दैट पावर टू से, ये सारा खेल जो है कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी और सेक्सुअलिटी से ही थ्रू होता है। मंगल का मतलब सेक्स ड्राइव, और वो अगर नहीं मैच है रिश्ता नहीं होगा। बाद में राहु केतु शनि जोड़ के किसी किसी का पति पत्नी नहीं रहा, वो अलग मैटर है, लेकिन मेजर मुद्दा समझ लो, मंगल का एकमात्र पर्पस है टू विन ओवर अदर्स। अब वो चाहे लड़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे पैसे के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, और क्योंकि मंगल यहाँ पे शादी का मैटर है, मैक्सिमम ले दे के एक ही मैटर पे आएगी सारी कहानी। इसको बोलने की हिम्मत एस्ट्रोलॉजर नहीं रखते, इसलिए वो घुमाते रहते बातों को, अरे वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो अच्छा नहीं है, साफ साफ नहीं बोल पाते कि भैया तुम्हारी लड़की और तुम्हारे लड़के में सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी नहीं है दोनों। अब मान लो यहाँ पे सुनो, समझो, मान लो अब समझो लड़कियां औरतें होती हैं पैसिव, लड़के होते हैं एक्टिव। अगर लड़का मान लो पैसिव हो गया, एक्टिव नहीं है, तो लड़की और लड़की भी मान लो पैसिव है तो काम चल जाएगा, बात छुपी रहेगी। और लड़का कहीं मान लो पैसिव है, लड़की एक्टिव है मंगल के कारण, तो लड़की या तो जो है खुलेआम बोल देगी कि ये जो है नपुंसक है, ये जो है हमारे जिनसे हमारी शादी की है, या फिर वो दूसरी जगह संबंध बनाएगी, दोनों कंडीशन में रिश्ता टूटेगा।
कंफर्म, कुछ नई टेंशन लेने की जरूरत है, हमको जितना बोल रहे उतना समझो। लड़की अगर एक्टिव है, प्रोएक्टिव है, मंगल उसका स्ट्रांग है, ठीक, कहीं भी बैठा है, और अब ऑब्वियस सी बात है कि उसकी फिजिकल नीड है, लड़का मान लो प्रोएक्टिव एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो नीड नहीं पूरी कर पा रहा है, तो लड़की क्या करेगी बेचारी, या तो वो खुल के समाज में बताएगी अपने घर वालों को तो भी डाइवोर्स होना है, या फिर इतनी प्रेशर हो उसके ऊपर भाई अब जो तुम्हारी जिंदगी मिलेगा, और ये पहले हो जाता था, अब सब लड़कियां भी कमाने खाने लगी हैं, अपने पैरों पे खड़ी है, नारी मुक्ति का जमाना है, क्यों सुनेंगी वो किसी की, क्यों रहेंगी ऐसे पति के साथ, इसलिए होता है डाइवोर्स, इसलिए होता है सेपरेशन, और मंगल को करते हो तुम लोग बदनाम। अब एक हम आपको एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं, हमने बहुत सारी सास और ससुरों को ये कहते सुना कि पत्नी इंजीनियर, बहू इंजीनियर हो तो बहुत अच्छा है, ठीक भैया बहुत वाली इंजीनियर है तो इंजीनियर ढूंढो बहुत अच्छा है, लेकिन पंडित जी मंगल ही ना हो, हमने कहा कैसे बेवकूफ आदमी हो, अरे जब उसका मंगल ही होगी तभी तो इंजीनियर बनेगी, मंगल ही तो टेक्निकल पढ़ाई कराता है, मंगल उसका नहीं होगा स्ट्रांग तो घर में जो है उपले पाथेगी बैठ के, तो भैया सारे सास ससुर को इंजीनियर बहू तो चाहिए नहीं, मंगली बहू नहीं चाहिए, तो उनसे को कैसे पास मिलेगी बात हमको बताओ भाई, मंगल स्ट्रांग लड़की का नहीं होगा तो लड़की घर में बाहर ही नहीं निकलेगी, कैसे बीटेक करेगी, कैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ेगी, टेक्निकल एजुकेशन कैसे प्राप्त करेगी, घर में बैठ के बेचारी चूल्हा फूकेगी, तो मंगल स्ट्रांग, मंगली तो ब्लेसिंग है, मंगली तो तुम सबकी वो ऊर्जा, जो तुम समझ लो जो भी तुम जितने भी मंगली हो तुम सब दुनिया से अलग हो, तुम ही असली गो गेटर हो, अब तुम उसको चाहे जैसे समझो, हमने उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लड़की अगर मंगली होगी तभी तो पैरों पे खड़ी होगी, तभी तो कमाएगी, तभी तो घर से बाहर निकलेगी, हमने लोग हम इतनी हंसी हंसी लोग कहते बहू जो है इंजीनियर हो, हाँ बिल्कुल इंजीनियर हो, नहीं मंगली ना हो, हमने कहते भैया मंगल ही उसका स्ट्रांग है तभी तो इंजीनियर होगी, ये तो कहते इंजीनियर होगी, तो ये समय के साथ इस चीज को तुम सब लोग बदलो, पुराने 400-500-600 साल में इसको बड़ा निगेटिव सेंस में लोगों को बताया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, मंगल से ज्यादा राहु और केतु और शनि भी नुकसान पहुंचा सकते हैं सूर्य भी। योगेश सर परमिट कीजिए, आप सब लोगों के डाउट सबके डाउट लिए जाएंगे, थोड़ा 2-10 मिनट वेट कीजिए। हाँ सर, योगेश सर आपके साथ है। देखो आज हमने तुम लोगों को मंगल के जो हाउस थे उनके बारे में बताया, कल परिहार भी बताएंगे और 10 कूट और भी 8 कूट भी बाकी है, क्योंकि आप लोग आज बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन बहुत होंगे, हम जानते हैं अभी जितना बताया इसी पे डिस्कशन कर करके चीजें सीखेंगे, ठीक है। अजय सर बाकी परिहार और कैसे ये ब्रेक होता है और कैसे इसमें अभी इसमें लग्न से भी है, चंद्रमा से भी है, अभी इसमें कई सारे और भी चीजें, लेकिन हमने आज आपको जो चीजें बताई वो क्यों बताई पहले समझ, आपको बाकी सब चीजें बुक्स में साइट्स पे यहाँ वहां मिल जाएंगी, परिहार की छपी छपाई लिस्ट मिल जाएगी, हम आपको उसके बेसिक का क्यों है हम वो बताते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो मंगल यहाँ 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 पे, आप में से कई लोगों ने बड़ा अच्छे जवाब भी दिए यहाँ से दृष्टि, तो इस ऊर्जा को समझना है, मंगल की ऊर्जा को जब आप समझ लोगे तब आप खुद समझ जाओगे कि चार्ट में क्या वो वाकई पति पत्नी को मार देगा किसी को, नहीं होगा ऐसा, अब नहीं ऐसा होता है, ठीक है। अब क्योंकि देश काल परिस्थिति को भी लगाना है, मेडिकल साइंस को भी लगाना है, पति या पत्नी ना रहे उसके और भी कई सारे योग होते हैं जो मंगल के साथ देखने चाहिए, सिर्फ मंगल देख के किसी अच्छी कुंडली को हाँ या ना कह देना कोई अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो अजय सर आप एक दो मिनट अगर कुछ बोलना चाहें तो बोलने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, आप 2 मिनट ले लीजिए, नो प्रॉब्लम सर। जैसे कि सर ने आज आपको सिर्फ बेसिक बताया मंगल के कौन से ग्रह हाउस में क्या काम है, उसका क्या प्लस है क्या माइनस है, कल की जो क्लास होंगी उसमें आपको परिहार मांगली दोष कौन से योग से आते हैं और उसमें अपन लगन क्या बोलते सर उसको, लगन मिलान क्या बोलते हैं, हाँ वो 10 कूट मिलान और 8 कूट मिलान जो कि शादी मैच मेकिंग, हाँ कुंडली मिलान से बोलो मैच मेकिंग भी हम बताएंगे आने वाले 2 दिनों में, अगर हमारा 2 दिन में पूरा नहीं हुआ तो हम 1 दिन और बढ़ाएंगे, लेकिन हम आपसे आपने प्रॉमिस किया है तो हम आपको पूरा बताएंगे, हमारे जिज्ञासु सर को भी छोटी चीज नहीं बताते पूरा लंबा करके बताते हैं, तो आपको पूरा ध्यान से समझना है और पूरे अंदर तक जाना है उस सब चीजों में, 3 दिन में आपको 2 चीज क्लियर होंगी पक्की है हम प्रॉमिस करते हैं, एक तो आपका कुंडली मिलान जो आप शादी में मैच मेकिंग करते हो वो अच्छे से क्लियर कर देंगे हम लोग आपको, दूसरा है जो मांगलिक दोष उसके परिहार और आंशिक और संपूर्ण मांगलिक दोष क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे आने वाले 2 दिन में, हो सकता है 2 दिन में कोर्स कंप्लीट ना हो हमको ही मालूम है, लेकिन हम 1 दिन और एक्स्ट्रा करेंगे, लेकिन आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा,
अभी हमको जिसको भी हैंड सॉरी जिसके डाउट अपने हैंड रेस कीजिए, और याद रखिए जो आज आपको पढ़ाया गया उसी के बारे में आप सवाल पूछिए, जो कल पढ़ाया जाएगा उसको मत पूछिए, क्योंकि जो आज सवाल है आज उसी के कंटेंट में आपको जवाब देंगे। थैंक यू। हाँ वीना जैन जी, खुद को अनम्यूट कीजिए। वीना जैन, वीना जैन दीदी, मीनाक्षी, हाँ बोलिए। हेलो, नमस्कार, बोलिए। ये सवाल है कि किसी को हस्बैंड वाइफ, हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज है, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। के किसी वाइफ के बारहवें में मंगल है लेकिन साथ में केतु भी है, सूर्य भी है और बुध भी है, तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे बारहवें में मतलब मंगल जो होता है वो ऐसा पावर देता है, केतु को अस्त देता है, तो क्या होता है? मैम पहले आप दो चीजों को समझिए। आपका मंगल और की, हम यहाँ पे सिर्फ आज मंगल दोष के रेफरेंस में आपके इस को डिकोड करेंगे। अभी हमने आपकी लग्न हमें पता नहीं है, मंगल आपकी लग्न का मित्र है शत्रु है नहीं पता है, तो हम आपको मंगल केतु से जनरल प्रेडिक्शन करके दिखाने का प्रयास करते हैं। पहली चीज तो ये मान लीजिए कि मंगल और केतु सेलिब्रेट प्लैनेट है, केतु जो है वो मोक्ष कारक प्लैनेट है, तो अगर बहुत और कंडीशन बिगड़ी हो और मंगल नाड़ी में पति का कारक भी कहा गया है, वैदिक में जुपिटर को पति का कारक रखा है, तो मंगल केतु के साथ मंगल का बैठना जो है दो चार चीजें जनरल दिखाता है, कहीं ना कहीं दो तीन प्रेडिक्शन जो हम कर सकते हैं अभी बिना लग्न के आपके कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि मंगल आपका फेवरेबल प्लैनेट है या ये आपके ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। मंगल और केतु कहीं ना कहीं आपके साथ अगर वहां बैठे हैं तो एक तो क्या करेंगे, पति से लाइफ के किसी पीरियड में कुछ समय के लिए दूर कर सकते हैं, अलग अलग रह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग रहने में ऑब्वियसली बात है रिलेशनशिप भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो और क्योंकि मंगल और केतु एक आक्रामक ऊर्जा है तो इसमें अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास। और आपने कौन से दो प्लैनेट और बताए थे? सूर्य और बुध। हाँ सूर्य और बुध, क्या ये 79 के आसपास की बर्थ का चार्ट है? 81 अब कुंभ लग्न का मतलब कि मंगल उच्च का हो गया, ठीक है, वहां पे 12th हाउस में मंगल एग्जॉल्टेड हो गया। तो जब मंगल एग्जॉल्टेड हो गया साथ में केतु भी है, बुध भी है, शनि भी है, सूर्य भी है, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है मैडम वहां पे। इसके बारे में अगर आप प्रेडिक्शन फॉर्म में कहना चाहो, देखिए हम कई चीजें जो है कहने में हमको भी थोड़ा सा हर चीज को समझना पड़ता है, ठीक है। कुंभ लग्न में पहली बात तो मंगल दोष बहुत ज्यादा कुंभ लग्न में प्रभावी नहीं होता है, फिर मंगल यहाँ पे एग्जॉल्टेड भी है 12th हाउस में, तो मुझे अगर क्योंकि पूरा चार्ट जुपिटर नहीं पता लेकिन हमारा ये मानना है इतना बुरा यहाँ पे नहीं करेगा, प्रोवाइडेड कि अगर क्योंकि बाकी जुपिटर का ये सब मुझे नहीं पता है, लेकिन क्योंकि मंगल एग्जॉल्टेड है और तो चीजें बच जाएंगी इनकी काफी हद तक, इसको इतना कंसिडर में नहीं करना चाहिए। बट है चीजें वहां पे ऐसी जो हम आपको नहीं कह सकते, कुछ यहाँ पे नहीं कह सकते, कुछ ही पर्सनल रहती है। और आप जो लोग हमारे स्टूडेंट है वो प्ले हैंड ऑन कर लीजिए, आज जो नए लोग हैं उन्हीं के लिए आंसर किए जाएंगे। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप डाउट लिख के रखिए, जब सर की क्लास आएंगी उसमें आप पूछ लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राजेंद्र कुमारी जी अपना हैंड ऑन कर लीजिए, माधव जी अग्रवाल जी हैंड ऑन कीजिए, जो नए लोग हैं उनको चांद दीजिए, जो लोग आप हमेशा मिलते रहते हैं वो तो आप कभी पूछ सकते हैं। हाँ निकिता जी बोलिए, न्यूतन भार्गव बोलिए, न्यूतन जी, विनी जी बोलिए, विनी जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सिंह लगन है 12th हाउस में, मंगल शुक्र बैठा है, तो देखो मेरी बात सुन लो तुम सब लोग, ये मंगल और शुक्र और ये मंगलिक जो है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं,
बहुत सच सुनने की जिसके अंदर हिम्मत हो वो सवाल पूछना, वरना जनरल पढ़ाई का सवाल पूछो देखो पर्सनल हॉरस को बोलोगे हम हमारे अंदर का गोरी जग गया है, हमारे मुंह से फिर उल्टा सीधा कुछ निकल जाएगा वो अच्छा नहीं है, पता है। अरे वो हम सब समझते हैं, हमारी बात तो पहले सुन लो जो हम कह रहे हैं, हमारा कहने का मतलब जितना हमने पढ़ाया है अपना चार्ट कह के मत बोलो, नहीं हम फिर बायस हो जाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे असलियत। ये बोलो कि किसी के चार्ट में 5 नंबर की लगने ऐसा ऐसा तो हम बता सकते हैं, आप लोग समझते नहीं हो मेरी बात हम क्या कह रहे हैं। अभी ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इसमें जो है बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, तो अपना अपना नाम लेके ना बोलो, नहीं हम फिर नहीं बता सकते किसी को भी। आप लोग समझिए कि बता देंगे, आप सब लोग समझदार हो, अच्छे मैच्योर हो, कुछ चीजें ऐसी रहती है जो अपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते है। और जो मंगल का मैटर है, कोई भी मत पूछो जिसको पूछना है वो जनरल पूछो। अब मंगल का मैटर है जैसे सर ने बताया, सेक्सुअल हैरेसमेंट जुआ मैटर है, इसके ज्यादा हम लोग बोल नहीं पाएंगे। आपको कोई भी पूछा जनरल क्वेश्चन पूछे जो आज हमने पूछे है, उसके बाद में कुछ सवाल कीजिए, किसी और के नाम रेफरेंस लेके कीजिए, तो सर भी आपको ओपनली बता पाएंगे सब चीजों के बारे में। अपन तो मंगल वीनस समझिए क्या है, मंगल जो है वो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है, वीनस हमारे सेक्सुअल पार्ट्स है, ट्वेल्थ हाउस हमारा बेड प्लेजर है। मंगल के रेफरेंस में तो हम इसी को जोड़ेंगे, क्योंकि नाम आए पास बिजनेस का क्वेश्चन है, ना एजुकेशन का क्वेश्चन है, नाम आए पास जो है विदेश जाने का क्वेश्चन है, नाम आए पास बच्चों क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस जब मंगल है तो शादी के रिलेशन और इसी में हमें इसको के आसपास रखना है, तो हमें बहुत शब्दों को बहुत अच्छे से चयन करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, बात समझिए आप लोग। पूछिए तो हम बता पाएंगे। आप बोलिए दीदी, बोलिए एमरजेंसी नंबर बोलिए। हाँ जी, मुझे भी वही एक तो क्या था, मैंने शायद थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो मेरा फर्स्ट हाउस का मिस हुआ था। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ कुंडलियां इसलिए खोल के रखी हैं देखने के लिए कि क्या क्या इम्पैक्टेड है। सो अगर जुपिटर हमारा लगन हाउस है और मंगल केतु है किसी का ट्वेल्थ हाउस में, मंगल के साथ केतु है एंड जुपिटर लगन हाउस में है, तो उसका इम्पैक्टेड भी अच्छा रहेगा। एंड एक्चुअली फर्स्ट हाउस मेरा मिस हुआ था अगर मंगल है तो कोई बात नहीं, लगन हाउस। आपकी बातों से हमें सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि किसी के ट्वेल्थ हाउस में मंगल और केतु है, हाँ जी, और उसकी लग्न जो है जुपिटर की है या मीन है या धनु है, ये है सेजिटेरियस। नाइन्थ कौन सी राशि होती है सर? हाँ, सेगिटेरियस होती है, सेगिटेरियस लग्न है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पे एट्थ हाउस में वृश्चिक का मंगल है। हाँ, वृश्चिक राशि, यार देखो मैम बात समझो, वृश्चिक राशि एक छुपी हुई राशि है, एक गुप्त राशि है, मंगल एक ऊर्जा है, केतु मोक्ष दे रहा है, तो इसका मतलब कि उसके छुपे हुए कोई ना कोई ऐसे रीजंस या कोई काम या ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनके कारण से, अब गुरु कहाँ बैठा ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना, चार्ट गुरु लग्न में है, लग्न में, तो लग्न में बैठ के गुरु, अब वक्री हुआ तो भले थोड़ी हेल्प कर दिया, अदरवाइज नहीं कर पाए, पीछे की तरफ अगर जा रहा होगा तो, ठीक है, तो और चीजें भी अगर कोई शुभ ग्रह पड़ रही है, अदरवाइज मंगल केतु एक एक्सट्रीम ऊर्जा है, इस आदमी को हर हालत में ऐसे ही जोड़े से लड़की से शादी करनी चाहिए जो इसको बेड प्लेजर्स में कॉम्प्लीमेंट कर पाए। मंगल और केतु एक एक्सट्रीम बस्टिंग ऊर्जा होती है, एक तो ये रीजन है पहला, ठीक है, दूसरा मंगल केतु कहीं ना कहीं सेपरेशन का कारक बनेंगे, अगर ये ऊर्जा चैनलाइज नहीं हुई तो पति से छुटकारा मिलेगा, मतलब अगर लड़की का है तो उसको ध्यान से ये काम करना चाहिए, अब क्योंकि मंगल जो है कहीं ना कहीं पति का कारक भी होता है, केतु मोक्ष का कारक है, ठीक है, तो ये ट्वेल्थ में कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वहां से बैठ के मंगल केतु की दृष्टि लेके छठे में भी डाल रहा है, सातवें हाउस में भी डाल रहा है और थर्ड हाउस में भी डाल रहा है, तो अगर उस कॉन्सेप्ट से चले, अभी हमें फसारी राशियों को हमने नहीं कैलकुलेट किया है, कोई बात नहीं है, बस कोशिश ये अच्छी ये कह सकती हो कि मंगल अपने ही घर का मालिक है। ठीक है, पर सर एक चीज और पूछू क्या, क्योंकि मेरा फर्स्ट हाउस में साई राम सर, सर बट आई रियली रियली हैट्स ऑफ टू आचार्य जी, आप पहले हैं, मैं भी बड़ा इसमें रुचि रखती हूँ, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने मंगल के बारे में the very strong sexual desires के बारे में बात की। आज तक मैं इतने लोगों मिली, कम से कम 200-300 astrologers, but nobody has been so upfront about it।
And I think it's so good ki you're saying it so in black and white. क्योंकि जब कोई डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर अगर खुल के उसकी बीमारी या इलाज ना बताए तो ही इज काइंड ऑफ द पेशेंट इज डूम्ड. सो आई एम सो हैप्पी दैट यू आर बीइंग सो अपफ्रंट एंड ऑनेस्ट अबाउट एक्सप्लेनिंग दिस टू अस. मुझे इसमें दिलचस्पी है, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, बट हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू शास्त्री जी जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम करा. थैंक यू जी. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. निकिता जी बोलिए. निकिता हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है. सर मंगल जो है अगर 12th हाउस में सन के साथ बैठा रहता है तो क्या वो अस्त होगा? अगर डिग्री वाइज बहुत पास होगा तो अस्त हो सकता है. ये किसी भी हाउस के लिए एप्लीकेबल है कि डिग्री वाइज अगर वो होंगे लाइक 11th में बैठा हो या 12th में बैठा हो? ऐसे समझो, सूर्य के नजदीक जो भी ग्रह आते हैं वो अस्त हो जाते हैं. ऋषियों ने अलग अलग ग्रहों की अलग अलग डिग्रियां दी हैं. जैसे गुरु 12 डिग्री सूर्य से आगे या पीछे कहीं भी होगा अस्त हो जाएगा. अलग अलग ग्रहों के अंश वाइज डिस्टेंस दिए हैं कि जैसे मंगल इतने डिग्री पे आके अस्त हो जाएगा, सूर्य के नजदीक अगर आएगा तो अस्त हो जाएगा. गुरु इतने पे हो जाएगा, मरकरी इतने पे हो जाएगा, वीनस इतने पे हो जाएगा. तो सब ग्रहों के अलग अलग डिस्टेंस दिए कि सूर्य से वो अगर पीछे होंगे तो भी अस्त होंगे, और सूर्य के अगर आगे होंगे तो भी सूर्य की गर्मी से. जैसे तुम ये समझो कि तुम किसी आग के पास गई तो थोड़ा दूर हो तो नहीं जल रही हो, थोड़ा और पास गई तो तुम्हें तपिश लगेगी, एकदम पास पहुंच जाओगी तो जल जाओगी. तो सूर्य क्योंकि आग का गोला है, वो राजा है, वो सबसे सुप्रीम कमांडर है. तो जैसे तुम ऐसे समझो पीएम मोदी बाबू के सामने जब योगी बाबू जाते हैं तो योगी बाबू वैसे तो बहुत पावरफुल है, यूपी के चीफ मिनिस्टर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सामने झुकना पड़ेगा. तो वही से ग्रह जो है बहुत पावरफुल है, लेकिन सूर्य क्योंकि पितामह है, सूर्य जो है राजा है, उसके आगे सब झुक जाते हैं. तो उसके औरा के आगे साफ के औरा दब जाते हैं. इसको बोलते हैं कंबस्ट होना, अस्त होना. ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू. किरण खुराना बोलिए. किरण खुराना. किरण जी बोलिए. जय गुरु जी बोलिए. हेलो. हाँ बोलिए बोलिए. सर एक्चुअल में जैसे बोल रही हूँ सर, मैं सर जैसे आपने बोला कि फोर्थ हाउस में मंगल होता है तो पेरेंट्स थोड़े से विचार कम मिलते हैं, बट ऐसा एक कुंडली में देखने को तो नहीं मिला. फोर्थ हाउस में मंगल और बुध है पर जुपिटर की दृष्टि आ रही है, सातवीं दृष्टि, तो क्या इसी कारण होगा? मैम एक नहीं, हजारों कुंडली में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है और जातक जो है ना, जातक भी गुस्से वाला नहीं है, बट एक एज पे आके अब 40 के बाद जातक गुस्से वाला हुआ है. देखो हो सकता है 40 के बाद उसका मंगल एक्टिवेट हुआ हो, मंगल की कोई दशा आ गई हो, पहली बात. हुई दूसरी बात ये समझो, मंगल फोर्थ हाउस में अगर वो अपना रूप रंग जैसा बताया गया वैसा नहीं दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर फ्लेवर या सीजनिंग किसी और प्लेनेट की आ रही होगी ना. बात को समझिए, 0 डिग्री का 0.0 पालने में लेते हुए रामचंद्र जी. क्या बोला मैंने? बोलिए. अरे बोलो, मैं फिर से बोलता हूँ. पालने में लेटे हुए रामचंद्र जी, जन्म तो हुआ रावण को मारने के लिए, लेकिन जब बाल अवस्था में है पालने में लेते हैं तो रावण को कैसे मारते? तो बेचारा मंगल का जन्म तो हुआ बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन जब वो 0 डिग्री का है, बाल अवस्था में है, बिल्कुल बचपन, अभी अभी इन्फेंट स्टेज में, तो वो कैसे रावण को मारते है? तो ना तो अब हो सकता है 40 साल की उम्र के बाद कोई मंगल वंगल की कोई चीज ऐसी उन्होंने घर में ले आके स्थापित कर दी हो या कुछ एक्टिवेट हो गया हो तो उनके 0 डिग्री के मंगल को बल मिल गया हो तो वैसा हो गया होगा. तो ये अभी तो इन टोटल जब एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से हर चीज बारीकी, और हमने आपको बीच बीच में कई बार बोला भी, ये जो हम बता रहे हैं जनरल बता रहे हैं, अगर गुरु की दृष्टि आ जाएगी, शुक्र की दृष्टि आ जाएगी और चीज आ जाएगी तो प्रेडिक्शन फाइनल बदल जाएगा. ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू. संजोली जी बोलिए. संजोली. प्रणाम सर. प्रणाम. मुझे ये पूछना था, अगर 7th घर में है ना ये सैटर्न बैठे हो और साथ में मार्स हो, मतलब मार्स के साथ सैटर्न बैठे हो, तो फिर क्या युति बनती है इनकी? परिहार हो गया. मंगल का परिहार हो जाता है शनि के साथ. और सर इन्होंने यही हाउसेस क्यों लिए हैं? मतलब यही 1, 4, 7, 8 और 12, मतलब हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यहाँ वही हाउस से तो सारा खेल करके दिखाया आपको हमने.
दृष्टि और असर आ रहा है वो शादी के लिए खराब है ना, इसलिए इन चार इन छह ग्रहों को पकड़ा है हमारे एस्ट्रोलॉजरों ने, पूर्व के ज्योतिर्विदों ने, हमारे ऋषियों ने, कि यहाँ पे बैठ के जहाँ जहाँ वो देख रहे हो जहाँ पे इफेक्ट डाल रहे हैं उनका इफेक्ट शादी के लिए बुरा है। ठीक है, ये जो मतलब मैरिज को इफेक्ट करते हैं मेनली वही वाले, मैरिज मैरिज को, रिलेशन को, पति पत्नी की दूरी को, घर के बाहर दूसरे संबंधों बनाने में, ये सब चीजें अगर मंगल की ऊर्जा मिल जाएगी। देखिए बात समझिए, अब यहाँ पे मान लीजिए घर वाली बाहर वाली हो रहा है, ठीक है, अब मंगल कमजोर हुआ नहीं हुआ तो नहीं होगा, मंगल हमारा थर्स्ट है ना, मंगल कहता है कर जाओ देखा जाएगा। देखो तुमको एक चीज समझाते हैं, एक कहावत है जर्मन शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चन आफ्टर वर्ड, सुने होगी नहीं सुने होगी, हाँ जी। क्या बोला हमने बताओ, कि वो पहले शूट करते हैं बाद में पूछते हैं कि कसूर क्या था मारने के बाद। तो अब अगर मंगल यहाँ नहीं बैठा है तो नहीं होगा ना, शूट नहीं होगा ना, तो मंगल इन घरों में बैठेगा तभी तो शूट होगा, तभी तो रिलेशन बिगड़ेगा, और जब नहीं बैठा है तो काहे के लिए। जैसे पुलिस वाले देखो सड़क पे रिक्शे वाले को पहले झापड़ मार देते हैं पुलिस वाले, फिर पूछते हैं यहाँ क्या कर रहे हो क्यों टहल रहे हो, तो पुलिस वाला जो है वर्दी पहनता है वो मंगल का रूप है, तो मंगल पहले एक्शन कर देता है तुरंत कर देगा तब पूछेगा क्या बात है बताओ। तो वैसे अगर इन घरों में अगर मंगल बैठा देंगे तो जब एक्शन मंगल नहीं होगा तो एक्शन ही नहीं होगा, तो थोड़ा शादी टूटेगी, तब फिर मंगली दोष का मतलब ही क्या रहेगा, इन घरों में ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लो सर जी। ठीक है ठीक है, सालीना जी बोलिए, सालीना जी हेलो, हाँ बोलिए, हाँ नमस्कार, नमस्कार गुरु जी, नमस्कार नमस्कार Guruji, I joined a little bit late. I was not able to catch up with you. That's no issue. Please tell me your question. One, I'm learning horoscope now. I'm learning horoscope. In one, this one I have seen. She is a Vrishchik Lagna. Okay. Guru is in second house. Okay. Guru in second house. And seventh house she is having Mangal, Sun, Venus, Mercury. And Venus is retrograde and combust also. आपको समझा क्या इनका सवाल, मैं नहीं समझा है जी, कैसे सर? हाँ मैं समझ गया, तो देखो पहली पहली बात आप समझो, सेवेंथ हाउस में क्लस्टर बन रहा है, क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप आओ तो सामने, आप अंदर आओ। यस सर। देखिए सेवेंथ हाउस में क्लस्टर ऑफ प्लैनेट बन रहा है। यस। मंगल हमारी ऊर्जा है, सन हमारी ईगो है, हमारी सेल्फ स्ट्रीम है। yes. मंगल और सूर्य जब यहाँ बैठा है तो इसने देखिए वीनस को कंबस्ट कर दिया, वीनस जो है वो हमारी फर्टिलिटी है, पुरुषों में स्पर्म्स का और स्त्रियों में रज का कारक है, कंबस्ट भी है रेट्रोग्रेड भी है। okay. यहाँ पे okay. कई इशू हैं, एक इशू नहीं है, ये एक गजब की एनर्जी, वीनस मरकरी ये युवा ग्रह, ये पैशन का ग्रह, मंगल ऊर्जा ग्रह, ये एक गजब की ऊर्जा बना रहा है, तो इसमें बहुत ही सावधानी okay. से मतलब ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, चाहे वो चाहे यही ऊर्जा चाहे अध्यात्म की तरफ जोड़ दो, चाहे सेक्सुअलिटी की तरफ जोड़ दो, चाहे काम धंधे बिजनेस नौकरी की तरफ मोड़ दो, लेकिन ये अपने आप में एक एक्सट्रीम ऊर्जा है जिसमें चीजों को का एक क्लस्टर है। तो अगर जुपिटर की डायरेक्ट दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, बहुत मामला जो है संगीन और गंभीर है। ठीक है तो क्या इन्होंने प्रॉब्लम इन नहीं, हमारा ये मानना है कि ये अपने वर्क प्लेस पे हो सकता है मैरिज या रिलेशनशिप इनका बने, वहां पे शादी हो सकती है, प्रॉब्लम जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इनको अपनी ईगो और अपने पावर और अपने मतलब मैच्योरिटी जब आ जाए, गुरु की मैच्योरिटी आ जाए, तो क्योंकि हेस्ट में डिसीजन नहीं लेना है, ये जैसे ही अपनी ईगो और अपने एग्रेशन में डिसीजन लेंगी काम बिगड़ जाएगा। सेल्फ बाकी चार्ट में सब कमी कोई कमी नहीं है, लेकिन इनका जो कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़ा होना, मजबूती से स्टैंड करना, पैसा कमाना, ये सब इनको नॉर्मली झुकने नहीं देगा किसी के आगे, और शादी में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा चीजें, मंगल और सूर्य और वीनस और मरकरी
वो चीजें और भी हैं इसमें बहुत सी, तो इनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट और समझना पड़ेगा कि कैसे हमें पति पत्नी का में ब्लिस कैसे कायम की जाती है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, मामला फिर बिगड़ेगा यहाँ पे। थैंक यू मैम, थैंक यू। सारिका जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते सर। मेरा मंगल है, मतलब लग्न में मंगल बैठा है सर, और साथ में गुरु है, तो सर क्या मतलब कॉम्प्लिकेशंस? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लग्न क्या है ये बताओ। मिथुन लग्न है सर। पहली बात ये समझो, मंगल जो है एक तुम्हारी अनचैनलाइज्ड ऊर्जा है, वो तुम्हारे यहाँ लग्न में बैठी है, साथ में गुरु भी बैठा है, तो गुरु जो है ज्ञान है, प्रज्ञा है, विजडम है, हायर लर्निंग है, बिलीफ सिस्टम है तुम्हारा। तो मंगल की जो अनट्रेंड ऊर्जा है ना, अनचैनलाइज ऊर्जा, उसको पहली बात तो गुरु कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है। फिर मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि वैसे भी बुध की है, कम्युनिकेशन की है, तो बस एक चीज ध्यान रखो कि जब बोलो, जब तुम बोलना तो ऐसा ऐसी आग ना उगल देना कि जिसके पीछे जुपिटर की शक्ति ना हो, क्योंकि तो तुमने मंगल से बोला, मिथुन कम्युनिकेटिव है, यहाँ पे तीन नंबर है कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन करते समय तुम्हें मंगल के साथ साथ गुरु का भी तड़का या फ्लेवर लगाना है, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। यहाँ से बैठ के चतुर्थ फिर घर को डोमिनेट करने की कोशिश करोगी, तो मंगल लेकिन जुपिटर है तो मामला तुम्हारा बच जाता है कुछ मामलों में, ठीक है। जुपिटर को जब तक आगे रखोगी तो मंगल कंट्रोल में रहेगा, जिस दिन तुमने जुपिटर अपने ज्ञान प्रज्ञा विजडम अपनी हायर लर्निंग को पीछे कर दिया, मंगल को आगे कर दिया, वही सीन बिगड़ जाएगा सारा। तो सर क्या मैं गुरु का जो जुपिटर का लंग आता है वो पहन सकती हूँ सर? नहीं, हम नगवक के चक्कर में नहीं पड़ो, नगवक के चक्कर में नहीं पड़ो, सिंपल सी बात है। देखो बिटिया, सारे ग्रह हमारी बॉडी में होते हैं, तुम अपने माइंड में मान लो कि गुरु के जो चार अच्छे काम है, कि गुरु जो है सोच समझ के काम करता है, गुरु जो है अच्छी शिक्षा इम्पार्ट करता है, गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, बस यही तीन नग तुम पहन लो अपने माइंड में। अरे उंगली में क्या पहन लो, इनको अपने दिमाग में पहन लो, यही तीन बड़े बड़े पुखराज है, यही तो अपने माइंड में धारणा कर लो। तो जब भी बोलो कोई मंगल यहाँ पे अनचैनलाइज्ड ऊर्जा है ना तुम्हारी, ये बताओ तुम्हारे बाएं मत्थे पे चोट का निशान है क्या या सर पे कहीं? नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो परेशान ना हो, फिर देखो ये तो कागज का पन्ने वाला मंगली हो तुम, लेकिन हम मंगली तुम्हें और भी तरीके से चेक करना सिखा देंगे बिना कागज के, चेहरा देख के मंगली किसे है। तो ठीक है, मंगल का तुम्हारे ऊपर इतना असर। हम अब एक चीज और बता दो, तुम्हारा ससुराल पक्ष को लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या वहां से तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम या तुम वहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होती है इस तरह की? कोई है सर, बहुत प्रॉब्लम है ससुराल पक्ष में, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठ के अब पूरा चार्ट तो हमें पता नहीं है, तुम्हारा सेवंथ हाउस और एट्थ हाउस को भी देख रहा है, तो ये यहाँ पे तुमको तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है गुरु, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे दृष्टि डाल के यहाँ पे चीजें, तो थोड़ा सा गुरु के ज्ञान को अपने ससुराल के साथ बातचीत करने में, उनसे आचार व्यवहार में लगाओ, मामला ठीक हो सकता है। ससुराल वाले बात ही नहीं करते, सबने रिलेशन तोड़ के रखे है सर। तो गुरु को आप इस्तेमाल नहीं कर रही है, आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गुरु को आगे करना है, जो आप नहीं कर रही है। अगर ये चार्ट हमने पहले बहुत देखा होता तो आपको पहले ही राय देते कि जब गुरु है तो उसका इस्तेमाल करो ना मंगल के साथ। गुरु मतलब ज्ञान प्रज्ञा विजडम, तो आपको अपने कम्युनिकेशन और मरकरी कम्युनिकेशन की राशि है, लगनी तीन नंबर की है, तो इनको अपने कम्युनिकेशन में मंगल के थ्रस्ट ऊर्जा के साथ साथ गुरु को भी जोड़ना चाहिए, जो शायद ये नहीं जोड़ रही है। हम एक तरफा बात पे नहीं जाते हैं, पूरा चार्ट देखें तो हम बता दें गलती इनकी है, इनके ससुराल की, ये पूरा चार्ट हमारे सामने है नहीं। ठीक है, ट्विंकल जी बोलिए। अरे आज अजय सर, आज बहुत लोग के हाथ उठे, क्या बात है, लग रहा आज हाँ तुम 450 लोग लेके थे तो लोग तो रहेंगे ना। और एक मिनट से, एक मिनट रुकना ट्विंकल जी, एक मिनट रुकना, जो लोग हमारे स्टूडेंट नाराज मत होइए सर की, जब भी दूसरी क्लास आएंगे सबसे पहले हम मंगल पे दंगल करेंगे, उसका दूसरी क्लास को आगे लेके जाएंगे। आज बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं, उनसे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग नाराज भी मत होइए, चिंता ही मत कीजिए, आपके जो डाउट है आप लिख के रखिए, आपके सब डाउट हम पहले सॉल्व करेंगे। हाँ ट्विंकल जी बोलिए। नमस्ते सर, मेरा कर्क लग्न है और मंगल आठवें घर में गुरु के साथ है, तो और अपनी राशि में भी क्या मंगल खराब कर देता है? नहीं, अपनी राशि में कहाँ पे, इस पर डिपेंड करेगा। कर्क लग्न है ना आपका? तो कुंभ में आपका जो है मंगल के साथ बैठा है गुरु, ठीक है ना। हमको एक बात बताइए
ग्यारह बारह आपको अपने आपके पिताजी की कोई प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूट में हुई, या आपको अपने पिताजी की कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मिली, या कोई फिर भी नहीं डिस्प्यूटेड नहीं भी मिली हो तो कोई प्रॉपर्टी कभी आपको अपने फादर से प्राप्त हुई है, कोई सपोर्ट या कोई इस तरह की चीज? नहीं, वो तो नहीं हुई। अच्छा, आने वाले समय में कोई चांस है कि पिताजी आपको दे दें खुश होकर मकान वकान है? हाँ, तो ये तो कंफर्म है कि आपको मकान प्रॉपर्टी पिता से मिलेगी। ठीक है, पहली चीज। अब आ जाते हैं आपके इस मैटर पे। देखिए आपने कर्क लग्न बताई, मैम पहले बात समझो, दुनिया में 4, 10 और 5, 11 ये शादी के एक्सेस के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। पति इसमें कभी कभी दूर चला जाता है। ठीक है, बात को समझो, ये एक्सेस ही कमजोर है। ठीक है, एक्सेस ही कमजोर है शादी का। क्या समस्या है ये बताओ। नहीं, मैं तो आप बोल रहे थे कि आठवें घर में मंगल अच्छा नहीं होता है, इसलिए मेरा आठवें घर में गुरु के साथ है, इसलिए मैंने पूछा नहीं अच्छा होता और मांगलिक होता है। हाँ, तो हम कह तो रहे हैं कि कोई ना कोई लाइफ में, ये आप अपने लिए पूछना चाह रही हो? हाँ, इसलिए तो क्या पूरी तरह से ये वो डेंजरस वाला मंगल ये तो आप सिंपली एक, अगर आपकी शादी हो गई और सब कुछ सही चल रहा है तो हम इसको नहीं मानेंगे, लेकिन सिंपल हमने आपसे पूछा कि क्या कोई आपकी शादी में पति दूर है या दूर चले गए या कोई प्रॉब्लम है, इतना से बताइए। ऐसा तो कुछ नहीं है, आपने मांगी बोला तो आपने बोला कि आठवें घर में ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, बिल्कुल आठवें घर में खतरनाक होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो आपका भाग्य का जो मालिक है जुपिटर, 12th हाउस यहाँ पे आता है, ठीक है, और यहाँ पे 9 नंबर आता है, तो भाग्येश भी साथ में आ गया है ना मंगल के, तो इसमें टोटल पूरा चार्ट हमारे आधार सामने अभी नहीं है कि इसमें कैसे परिहार हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, लेकिन हाँ कोई ना कोई चीज मंगल और जुपिटर, मंगल अगर आपका जो है यहाँ पे है तो जीवन में आपको थोड़ा सा सावधान या सतर्क रहने की जरूरत है, और कुछ नहीं। नथिंग। आपने थैंक यू मैम, थैंक यू। ट्विंकल जी खुद को अनम्यूट कीजिए एक बार। ट्विंकल जी, हेलो। हाँ, बोलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। आपने बोला था कि एज घर में होता है तो वो पति पत्नी के आप वो रुचि के बारे में कुछ को, इसलिए मुझे इसलिए मैंने पूछा। मैम आप समझो, ये एक जो हमने आपको बताया वो एक जनरल प्रेडिक्शन बताया है, सबके चार्ट के जो 9 के 9 प्लैनेट बैठाएंगे, सारी राशियां बैठाएंगे, तब फाइनल से तब बोला जाता है। हमने आपको एक ऊर्जा लेवल पे चीजें सिखा दी, लेकिन यही तो प्रॉब्लम होती है कि जो अनमेच्योर होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, वो थोड़ी सी बात में डर जाते हैं। हमें ये बहुत बड़ी सही बात है, हमें सबसे पहले ये चीज एक्सप्लेन करनी चाहिए कि आप लोग इसको फाइनल से नहीं माने जो हमने पढ़ाया है। हमने आपको प्लैनेट वहां पे ऊर्जा कैसी होती है ये बताया। ठीक है, अब आप ये समझो कि ये जब सारा प्लैनेट आएगा और भी सारी चीजें आएंगी तो बहुत सारे प्रेडिक्शन बदल जाते हैं, यही बहुत बढ़िया हो। जब जैसे ये आपको ये 100% आपको आपके फादर से प्रॉपर्टी दिलाएगा, यहाँ पे ये अच्छा भी कर रहा है। ठीक है, अब मंगल, अब ये बच्चों का प्लैनेट होकर यहाँ पे आया है तो आपके बच्चे हो सकता है MBA फाइनेंस टेक्नोलॉजी या इस तरह की चीजों में काम कर रहे हो करें, तो ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें अच्छी भी हैं, लेकिन पति के दोनों पति के कारक तो यहाँ पे ये, अब जैसे यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, हो सकता है आपके पति को ब्लड से या शुगर से या पैंक्रियाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो हो गई है। हाँ, तो अब इसमें तो ऐसा तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मंगल से सीधे सीधे सब कुछ बहुत बुरा ही कह दें, भाई ये लाइलाज बीमारियों का भी तो घर है, जो बीमारियां आदमी की मौत के साथ ही जाती हैं, जो जल्दी ठीक नहीं हो पाती हैं, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, तो ये मंगल और दोनों पति का कार्य, तो आप समझो इसको, सिर्फ मंगल में एकदम अपने माइंड को कंफ्यूज मत करो, वो भी तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपका नुकसान ही हो रहा है ना, कि पति को अगर डायबिटीज तो अपना धीरे धीरे स्लो क्लियर टाइप की बीमारी है, अगर वो अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रखेंगे, अपनी सेहत नहीं रखेंगे, यहाँ से खाने पीने की हैबिट नहीं ठीक रखेंगे, जो दृष्टि डाल रहा है मंगल, तो उनको इसका मतलब अपनी लाइफस्टाइल को बदलने का समय आ गया। तो ये जब हम आपका पूरा चार्ट देखते हैं तब हम आपको बताते हैं कि मंगल यहाँ पे कैसे आपको परेशान कर सकता है, हर कंडीशन में वो ऐसा नहीं कि रिश्ता तोड़ ही देगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। धनराज जी बोलिए, धनराज जी। हाँ नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस ठीक हूँ, मैं आज ही आपका क्लास ज्वाइन किया।
और मैं ये पूछना चाह रहा था कि लड़की के कन्या लग्न है और उसमें बारहवें घर में मंगल शुक्र और केतु है, तो कैसा क्या है उसका? ओके, हम कोशिश करते हैं सर। हाँ प्लीज, आपने बताया मंगल है, शुक्र है और केतु है। आपका बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है। वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ खाली, ठीक मैं बता दूंगा इनको। धनराज जी बोलिए, आपका अनम्यूट कीजिए खुद को। धनराज जी खुद को अनम्यूट कीजिए। धनराज जी हाँ बोलो। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ वही जो आपने अच्छा, बनाया है वही। नहीं ये क्वेश्चन आप हमसे सिर्फ शादी के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हो या कुछ और भी जानना चाहते हो? मेरा दूसरा कुछ और अभी चल रहा है इसके लिए पूछ रहा हूँ। नहीं दूसरा ये दूसरा, मेरी बात सुनिए, अगर ये सिर्फ मंगल दोष के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं उस तरह बता दूं। जैसे इसके चार्ट में जो अच्छाई है और बुराई है वो मैं अब क्योंकि पूरा चार्ट अभी जुपिटर मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन मुझे ये बताइए क्या ये इसकी एजुकेशन के बाद कोई फॉरेन कंपनी से या कोई मंगल वीनस यहाँ पे केतु है तो क्या कोई हॉस्पिटलाइजेशन या कोई बीमारी या फॉरेन जाने का कोई चांस या कोई ऐसा इंसिडेंट है लाइफ में इस समय से? नहीं एक्चुअली क्या हो रहा है, ये लड़की का कुंडली है बहू का और हाँ और वो भी क्या है बेटे से दूर गई, माँ के घर जाके बैठी है कि उसका केतु दशा चल रहा है। ठीक है, केतु दशा का अभी अंतिम चरण है। कोई 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 अभी हमको आपको चाहिए तो लड़के का भी बता दो। लड़के के बारे में उसके लिए तो आप हमसे कल बात कर लीजिए। अगर केतु बारहवीं में बैठा है तो ऑब्वियसली बात है आप समझो मंगल जो है पति का कारक है, केतु मोक्ष दे रहा है। केतु की दशा बारहवीं में विदेश जाने का मतलब दूर जाना, ठीक है। ट्वेल्थ हाउस जो है मैंने खैर मेरे मुंह से विदेश निकला, विदेश आइसोलेशन हॉस्पिटल जेल पागलखाना ये सब समाज से कट के दूर जाने के घर होते हैं ट्वेल्थ। केतु अगर एक्टिवेटेड है उस लड़की का तो मंगल के साथ बैठा है तो ऑब्वियसली बात है मंगल पति का भी कारक है, कहीं ना कहीं जुपिटर का भी कोई ना कोई संबंध बनेगा। तो इसका मतलब वो पति से जैसा कि आपने बताया मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूँ क्योंकि पूरा चार्ट हमने नहीं देखा था, तो इसका मतलब वो अपने पति जैसा आप कह रहे हैं कि पति से वो अपने घर जाके बैठी है। तो केतु की दशा या तो निकल जाए तब उसके बाद आप प्रयास करिएगा या फिर पूरा चार्ट हम देखें तभी बता पाएंगे। लेकिन हाँ ये अब क्योंकि आपने हिंट किया, पूरा चार्ट तो हमारे पास था नहीं सारे प्लैनेट, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ट्वेल्थ में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है पति से दूर करने वाला। और केतु की पीरियड अगर आखिरी की है तो उम्मीद करिए उसके बाद केतु के बाद वीनस आएगा, लेकिन वीनस भी यहीं बैठा है एक दूसरी प्रॉब्लम है तो देखना पड़ेगा, मैं पूरा चार्ट ऐसे नहीं कह सकते सर। रवि जी बोले, रवि पाड़ा जी, रवि जी खुद को अनम्यूट कीजिए। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम जी, नमस्कार गुरु जी। आपका परिचय जानना चाहते हैं, कहाँ लखनऊ के आसपास रहते हैं क्या? अरे नहीं सर, हम लखनऊ में ही रहते हैं और परिचय आपको अजय भैया दे देंगे। आज हम चाहते हैं आप बढ़िया सा कुछ सवाल पूछिए जो आज आपको पढ़ाया हमने। नहीं गुरु जी, क्या लखनऊ के आसपास आपकी आवाज नहीं है गुरु जी? सर अब वो आपको अजय सर बता देंगे अगर आप। मैं बता दूंगा आपको, आप मुझे बताना बता दूंगा, अभी उतना टाइम नहीं है, अभी हम लोग सवाल ले रहे हैं। वेंकटेश बोलिए, वेंकटेश सर। हाँ गुरु जी, प्रणाम प्रणाम वेंकटेश गुरु जी। हाँ बोलिए। हाँ वृश्चिक लग्न है और बारहवें घर में शुक्र राहु और मंगल पड़ा है। अरे और मेरा हम किसका है ये बता दो सर। बोलिए सर, ये किसका है जो बता रहे हो? मेरा है। तो तुम ना सुनो ओपन मंच में, सुनाने लायक नहीं है कॉम्बिनेशन। राहु अगर बारहवें में तो बचा क्या फिर अभी हम कुछ बोलेंगे तो बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी, वो मत करो उस चक्कर में मत पड़ो। ठीक है सर, रेडमी बोलिए, रेडमी जी, रेडमी खुद को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार सर। मतलब मेरी कजन है सिस्टर, उसका
मीन राशि है और उसके लग्न में सन मरकरी सैटर्न और मार्स है। बिटिया पहले ज्योतिष की भाषा तुम्हारी थोड़ी ठीक कर दे। तुमने कहा मीन राशि है और लगन में, तो इसका कोई मतलब नहीं निकला। या तो मीन राशि का मतलब होता है कि चंद्रमा मीन में है, वो लग्न तुमने हमें बताई नहीं, तो पहले ये बताओ लग्न क्या है। मतलब लग्न मीन है और फर्स्ट हाउस में ही सारे प्लैनेट्स हैं। नहीं नहीं बिटिया, फिर तुमने राशि का है बोला, चलो कोई बात नहीं। ये है चार्ट ना 12 नंबर का। यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे सन मार्स मार्स सैटर्न और मरकरी। देखो समझो, जब ये 12 नंबर की कुंडली है तो अभी हमसे इस पे हम प्रेडिक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है किसी बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट लेवल पे हो, ठीक है, मैरिज के एस्पेक्ट में इसे बात करेंगे। अच्छा अब समझो, ये वीनस का हमें पता नहीं है सर। वीनस 10th हाउस में, जहाँ 10 लिखा है वहां पे, सॉरी 11th हाउस में, और जुपिटर 12th हाउस में। पूरे चार्ट हो गया। देखो भाई समझो, सूर्य और मंगल, सैटर्न और मरकरी, ये प्रॉब्लम यहाँ पे हम तो क्या आ रही है, सबसे बड़ी बात है कि शादी का लॉर्ड नीच का हो गया, डेबिलिएटेड हो गया यहाँ पे लग्न में। तो क्या एक चीज बताओ, क्या ये इसकी बोली बड़ी कमांडिंग, बहुत तीखा बोलने वाली, या बहुत शार्प, या मतलब बहुत बोलने में, इसके बोलने के बारे में क्या कहोगी तू? मतलब सर वो ना, मतलब उसका चेंज होता रहता है वो। अच्छा, बात काट देती है और अपने बात से वो मतलब पलट जाती है, सबका बात काट देगी और उसका एक बात रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, पहली बात तो जो शादी का लॉर्ड है वो फिफ्थ लॉर्ड यानी कि रोग ऋण के साथ भी सूर्य यहाँ पे बैठा है, सूर्य यहाँ पे जल तत्व का है, तो शादी के लिए देखो हम ये तो नहीं कहेंगे कि शादी नहीं होगी या क्या होगी, तो पूरी दशाएं देखेंगे तब बताएंगे, लेकिन ये अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड, अपने नाक पे मक्खी ना बैठने देना, हम ही हम नौकरी, अगर कहीं कहीं ऊपर वाले ने इसको नौकरी वोकरी दे दी होगी या अच्छी पोस्ट दे दी होगी, तब तो फिर तो ये लड़का शादी करके लाएगी, इसको कौन लेके जाएगा, ये उल्टा लड़का ले बात मनमाने में रहती है हमेशा। वही हम क्या करें, ये तो खुद बारात लेके जाएगी लड़के के घर, लड़का थोड़ा बारात लेके इसके वहां आएगा, तो ये लेकिन ऐसा सिचुएशन रहने के लिए इसको वैसा ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि मामला होने वाली अभी ना? शादी मई में होने वाली है अभी, रिश्ता ठीक है उसपे कोई वो तो हमने दशांतर से उस पर तो बात ही नहीं करी, लेकिन फिर भी इससे कहना हमारी तरफ से शुभकामना ये देना कि थोड़ा सा व्यवहारिकता रखे, आपस में सामंजस्य रखे, नहीं पता लगा शादी तो सब अच्छा है, डोमिनेटिंग नेचर है उसका ज्यादा। हाँ हम वही कह रहे हो, फिर जुपिटर 12वें में बैठा ये अच्छी बात नहीं है बिटिया, 12वें में जुपिटर पति का कारक है, पति का कारक इससे मतलब नहीं कि सेवंथ लॉर्ड है कि नहीं है, पति का कारक है और सेवंथ लॉर्ड नीच का है, तो शादी अच्छे से चलाए, मेरा ये मत कहने का मतलब है, क्योंकि सूर्य मंगल बैठ जाने से कहीं ना कहीं अंदर एक घमंड गुरूर या वो, ये बताओ नौकरी करती है? नहीं करती, बट तैयारी कर रही है गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मिल सकती है, ये हम कह सकते हैं, सेल टैक्स इनकम टैक्स में मिल जाएगी, बैंकिंग टीचिंग का डोमेन भी इससे आ जाएगा, क्योंकि मुंह से कम्युनिकेट करना है, फाइनेंस और टीचिंग का डोमेन मरकरी के डोमेन में ही आता है, अगर टीचिंग भी कर रही है तो भी हो सकता है, कोई उस पे बुराई। ठीक है, थैंक यू। पंडित जी बोलिए, पंडित जी, प्रदीप पंडित। चक्कर ये व्यक्तिगत चार्ट जब तक पूरे, देखो आप लोग मेरी बात पहले समझो, देखो ऐसा नहीं है, या तो अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि हम किसी के चार्ट को मना करते हैं, व्यक्तिगत चार्ट में प्रॉब्लम क्या है कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से एक ग्लिम्स बताया जा सकता है, स्नैपशॉट, ठीक है, पूरा एक सही प्रेडिक्शन तभी हो सकता है जब सारी कम से कम पूरा चार्ट के नौ प्लैनेट तो हम देखे, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चंस को ऐसा रखो जो सबके बेनिफिट में हो, ठीक है, अपने भी पूछो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम एक दो से एग्जैक्ट चीज निकालने में थोड़ा सा तकलीफ होती है हमें भी, ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवे प्रदीप जी बोलिए। हाँ हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, मेरी बेटी की धनु लग्न की कुंडली है
और उसके सेवंथ हाउस में मार्स है। जुपिटर टेंथ में है। नहीं, उससे उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। देखिए, हम आपको एक जनरल चीज समझा देते हैं। पहली चीज तो ये हो सकता है कि आपकी बेटी अपने आपके सामने किसी अपने जिससे वो शादी करना चाहती है उसको लाके खड़ा कर दे। नहीं, शादी तो हो गई सर, शादी हो गया ना। हाँ, तो शादी हमने की है उसकी। अच्छा, अब में नहीं, पहले फैमिली ट्रेडिशन से। देखिए, बात समझिए, जब फिफ्थ लॉर्ड जब यहाँ पे आया है तो ये कहा जा सकता है कि उसने कभी, हो सकता है, अगर भैया नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अभी जुपिटर और मार्स से इसको देख रहे हैं। नॉर्मली ऐसे में कहा जाता है कि कभी कभी ऐसे लोग एक तरफा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब अगर आपकी शादी उसकी हो गई है तो भगवान करे सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो फिलहाल तो कुछ नहीं है। तो मैं सर आपको एक ईमानदारी से बात बताऊं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जबरदस्ती के वहम ना पालो। लोग जो है ना, बेटी तो चाहते हैं कि इंजीनियर हो और मंगली नहीं होनी चाहिए। मैं तो इसलिए पूछा कि मैंने बेटी को जो है ना इंजीनियरिंग ही कराई थी, और मैं चाहता नहीं था, लेकिन जो है ना मेरे परिवार के दबाव में मुझे इंजीनियरिंग ही करानी पड़ी। हाँ, लेकिन उसको जॉब नहीं सेटलमेंट हुआ, बस ये पता नहीं क्यों नहीं हुआ उसके बाद। नहीं, जॉब के लिए तो और भी पूरे चार्ट को ही देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मंगल यहाँ पे है तो हाँ, मैं ये इसमें हम इसको मंगली के हिसाब से रखेंगे तो ये बढ़िया। देखिए, अगर उसका मंगल अगर यहाँ पे स्ट्रांग है तभी तो उसने इंजीनियरिंग कर पाई हो, वरना वो घर में बैठी रह जाती। हाँ, जॉब नहीं मिली उसके लिए अलग चीज है, उसके लिए अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वो थ्रस्ट था ना कि वो जाके 3-4 साल हॉस्टल में रही होगी अकेले, उसको वरना मंगल कमजोर होता तो घर से नहीं निकल पाती। उस पहलू से तो बढ़िया है। मैंने दो पॉइंट मैंने आज नोट किए थे आपके। एक जो है, दूसरा आपने एक चीज कहा था कि मंगल की जो है ना शरीर की निशानियां बता देती है मंगली है नहीं। तो आपने एक हिंट दिया था कि माथे पे चोट का निशान, बाएं माथे पे अगर चोट का निशान है तो भले पत्री आपकी मंगली आपको ना बता रही हो, लेकिन आप हाँ, तो उसको बचपन में वो 3-4 साल की थी, उसके माथे पे चोट लगी थी और निशान है उसके। मैंने पहले हाथ जो है ना नहीं उठाया था, लेकिन बाद में मैंने कहा कि ये 2-3 पॉइंट तो जो बहुत अच्छे कहे जोजी ने, तो मैंने जो है पूछ ही लेता हूँ, नमस्कार भी कर लूंगा इस बहाने से। अरे नहीं सर, तो बिल्कुल बढ़िया है। ये मंगल अगर यहाँ पे है तो मैं तो ये कहूंगा कि इसको जो है मंगल है तो कभी अगर इसको कम्युनिकेशन, इसको सौर ऊर्जा का कम्युनिकेशन वाली इंडस्ट्री में अगर नौकरी मिले तो उसको कर लेनी चाहिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आईटी फील्ड में अगर किसी पावर प्रोजेक्ट पे काम करने को मिले इसको इमीडिएटली अप्लाई करना चाहिए, इसको जॉब मिल जाएगा अगर इसके घर वाले ससुराल वाले तैयार हैं करा। वो इसने इंजीनियरिंग भी उसी में की है जी, जो है ना वो कम्युनिकेशन वाली जो है उसमें ही की है इंजीनियरिंग भी, बस तुरंत इसको मिल जाएगी जॉब। आप चाहो थैंक यू, मेरी बात को ट्राई कर लेना। थैंक यू। पंकज जी बोलिए। पंकज जी, मनीषा नाकर बोलिए। मनीषा नाकर। यस सर, नमस्कार। नमस्कार। मैंने एक कुंडली देखी थी, उसमें मंगल जो है वो 8th हाउस में है। ओके। और उसके ऊपर नहीं, 7th हाउस में है, और उसके ऊपर राहु की दृष्टि है और वृषभ लगन है। राहु की दृष्टि में हम कहां से है? 12th हाउस से। राहु अगर 12th में तो भी मंगल पे दृष्टि कैसे डालेगा? नहीं सॉरी, मंगल पे दृष्टि नहीं डाल रहा, सॉरी सर। हाँ, तो मतलब ये कंडीशन है, और जुपिटर जो है वो 4th हाउस में है। नहीं नहीं, अभी राहु तो बताओ मैम कहाँ पे है। राहु तो 12th में ही है, पर वो दृष्टि नहीं डाल रहा है, वो मेरे से कंफ्यूजन हो। ये लड़का है कि लड़की है? लड़की ही है सर। लड़की है। तो देखो, पहली बात तो ये राहु यहाँ पे कोई बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा है। विदेश जाना हो, फॉरेन से रिलेशन बनाना हो तो अच्छा है, ठीक है, तो अच्छा है। अगर फॉरेन जाने का मन हो, वैसा हो तो बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे राहु और यहाँ पे मंगल, ये और मुझे कुछ सर बता दीजिए। अब जो है वो तो पता तो करना है ना, मेरा नहीं है, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, 7, 8, 9। देखिए, जुपिटर की दृष्टि पड़ जाने से यहाँ पे थोड़ा सा मामला ठीक हो जाता है, लेकिन राहु यहाँ पे होने से क्या करता है कि इसको काफी प्लेजर के मामले में काफी एक्सपेरिमेंटल बना देगा।
अच्छा नेटिव को राहू है ना बट प्लेजर्स में तो प्लेजर्स के मामले में काफी एक्सपेरिमेंटल बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके काम करने की आदत डाल सकता है मंगल है यहाँ पे भी ऊर्जा है ठीक है ये भी हमारे जो है सेक्सुअल यूनियन को दिखाता है ये तो एक जनरल एक पॉइंट है हुआ अब यहाँ पे मंगल है यहाँ पे राहु है तो कहीं ना कहीं इन दोनों का सष्टाष्टक है 6-8 का कॉम्बिनेशन है ठीक है कई चीजें देखी जाती हैं लेकिन बस अच्छी बात यह कि इस राहु को जुपिटर कंट्रोल कर ले रहा है तो मामला बच जाएगा देखिए अभी हमारी पहली बात को बिल्कुल रामबाण ना मान लीजिए ये जुपिटर लेकिन वृष लग्न है दूसरा फिर देखो मैटर पता वृष लग्न में जुपिटर यहाँ और यहाँ का मालिक होता है तो कोई बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं माना गया है सिंह लग्न का फिर तो अब पूरा चार्ट वही वाली बात है लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि मंगल है और राहु यहाँ पे बाकी चीजें पता नहीं है और ये क्योंकि यहीं पे वृश्चिक राशि है वृश्चिक राशि यहीं पे आती है 2 नंबर की लग्न में यहाँ पे 8 नंबर आएगा तो मंगल अगर अपने यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये कह सकते हैं कि अगर इनको अपने पारिवारिक जीवन में वैवाहिक जीवन में ध्यान से चलना पड़ेगा इनके चाहे पति हो या पत्नी हो दोनों को अपनी सीमा रेखा पहचाननी पड़ेगी गृहस्थी की ठीक है इतना ही मेरा आपको सजेशन है जिसका भी ये चार्ट है मंगल यहाँ बैठा है तो सीमा रेखा पहचान के काम करें दोनों मियां बीवी तब जिंदगी बढ़िया गाड़ी चलेगी थैंक यू सर पाल जी बोलिए जी नमस्ते सर नमस्कार नमस्कार सर मैं जी मैं ये पूछना चाह रही थी जैसे कोई धनु लगन की कुंडली हो उसमें जो मंगल है वो पंचमेश भी हो जाएगा और द्वादशेश भी 12th का भी तो फिर वो अगर अपने से अगर वो 12th हाउस में बैठ जाएगा तो अपने 5th हाउस से वो 8th हो जाता है तो वो मतलब किस किस चीज को प्रॉब्लमेटिक चीज में डालेगा विद्या को पढ़ाई को लेकर या फिर 12th हाउस की कारक तत्वों को लेकर किसको प्रॉब्लम देगा वो नहीं पहली चीज ये समझो कि अभी इसको पहले समझ लो आपने मंगलिक से अलग क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा है वो मैं आपको समझा देता हूँ बृहत पराशर होरा शास्त्र में पराशर ऋषि कहते हैं 12वीं राशि 12वें हाउस में जो राशि होती है वो अपना रिजल्ट नहीं देती है वो अपने दूसरे भाव का रिजल्ट देती है धनु लग्न में त्रिकोणेश जो है मंगल है उसकी मूल त्रिकोण राशि यहाँ होती है तो यहाँ पे मंगल जो है बुरा नहीं है पहली चीज ये समझ लो इस लग्न धनु लग्न का मंगल मित्र है त्रिकोण का स्वामी है तो मंगल और अपनी दूसरी अपनी 12वीं हाउस में जो राशि पड़ रही है उसका रिजल्ट वो नहीं देगा तो अब मंगल जहाँ पे प्लेस है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है तो मंगल कहाँ बैठा है ये बताओ जी मंगल 12th हाउस में बैठा हुआ है अब मामला थोड़ा संगीन हुआ अभी तक मामला इतना संगीन नहीं था हम मामला थोड़ा संगीन होता है तो यहाँ पे ये एक पहली चीज प्यार लव मोहब्बत का प्लेनेट जो है 12वें में गया है पहले तो सबसे पहले ये कह सकते हैं कि शादी के पहले जहाँ पे इनका रिलेशनशिप होगा या जिससे शादी करना चाहती है वो दूर चला गया ये हो सकता है पहला अभी पूरा चार्ट वीना सीना समय नहीं पता है लेकिन हो सकता है ये जहाँ शादी करना चाहती हो वो वहां पे नहीं हो पाई दूसरा इसका प्रेडिक्शन है बच्चे इसके दूर जाके पढ़ाई करेंगे तीसरा चीज है ये खुद एजुकेशन के लिए दूर जाके पढ़ाई कर सकती है अब अगर डॉक्टरी के योग है बारे बाकी प्लैनेट्स में तो ये हो सकता है सर्जन हो या मेडिकल से रिलेटेड हो या उस तरह से चीज से रिलेटेड हो सकती है अब आ जाओ शादी पे शादी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे बुध को भी हमें काउंट करना पड़ेगा ठीक है तो अगर बुध को हम नहीं भी काउंट करते हैं मंगल यहाँ बैठ के यहाँ और यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है तो कोई ना कोई आक्रामकता तो थोड़ी बहुत तो है ही थोड़ा बहुत तो सेपरेटिव टेंडेंसी का मामला है लेकिन और चीजें अगर क्योंकि गुरु की लग्न है और यहाँ पे बुध की राशि है तो चीजों को थोड़ा सा सामंजस्य कम्युनिकेशन से बैलेंस करना पड़ेगा अब प्रोवाइडेड कि राहु केतु और बाकी प्लैनेट्स को नहीं प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि 7th हाउस पे या 7th लॉर्ड पे अगर गुरु की दृष्टि आ जाएगी तो मामला सुधर जाता है 7th हाउस पे या 7th लॉर्ड पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी ठीक है ओके सर अभी और कुछ इसमें समझना है हाँ बोलिए 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 और जैसे एक अगर मकर लगन की कुंडली हो और उसमें मंगल 7th में बैठ जाए तो वो तो अपनी उच्च राशि को देखेगा तो वो भी बुरा करेगा क्या बिटिया एक बात समझ लो 7th हाउस में अगर जो है कर्क राशि पड़ जाए या जो है मकर राशि पड़ जाए तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है वो हमने तुम्हें कल के लिए छोड़ा था लेकिन तुमने आज पूछ लिया तुम बता दे 7th हाउस में ये परिहार है 7th हाउस में अगर मंगल की नीच राशि पड़ जाए या मंगल की उच्च राशि पड़ जाए तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है थैंक यू बाकी कल भी सवाल पूछिए क्योंकि कल भी क्लास है 2-3 दिन और क्लास चलेंगी थोड़ा वेट कीजिए आपकी जो सवाल है उसको आंसर आने 2-3 दिन में खुद ही मिल जाएगा
जो मंगल को लेके जितना भी सवाल है मांगलिक को लेके और आपके कुंडली मिलान को लेके पूरे आंसर हम लोग देंगे आने 2-3 दिनों में। अभी हम लोग सिर्फ 4-5 लोगों का लेंगे सर, कैसा है 4-5 लोगों को लेंगे क्या एनर्जी? ले लीजिए 4-5 लोगों ले लीजिए बस, कल अभी अभी पढ़ा देंगे तो इन लोगों के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। वही है दोस्तों, ओके सब जिज्ञासु ना आपके सर क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है वो भी जिज्ञासु है, आप भी जिज्ञासु हो। पीयूष शर्मा जी बोलिए। सर नमस्कार जी। पीयूष जी नमस्कार। नमस्कार पीयूष जी, हमें दिख नहीं रहे हैं। सर मेरा ना फ्रंट कैमरा खराब हुआ पड़ा, वो पानी डल गया था उसमें। आप बोलिए सवाल पूछिए। सर मेरे 3 प्रश्न हैं। एक पहला प्रश्न ये है, मैं लगन से मंगलिक हूँ, मेरे घर में 60 किलो शहद रखा हुआ है मैंने, मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ और वो बेसमेंट में गैराज है, क्या वो हमें नुकसान तो नहीं करेगा कोई? ठीक है, दूसरा सवाल पूछिए। दूसरा सवाल ये है कि 3 नंबर लगन है, 3 नंबर लगन ठीक है जी, और 12वें घर में मंगल बैठा है और 5वें घर में गुरु चंडाल दोष बना हुआ है, ये लड़की अभी, अभी अभी नहीं अभी एक एक करके पूछते हैं। आपने पहला सवाल पूछा कि आप लग्न से मंगली हो। मंगल लगन में है, 9 नंबर लगन है मेरा। अच्छा पहले बात को समझ लो, मंगली के बड़े किस्से लग्न से मंगली, चंद्र से मंगली, शुक्र से मंगली, शनि से मंगली, ठीक है छोड़ दो, पहले लग्न से मंगली समझ लो। लग्न से मंगली का मतलब होता है हम फिजिकल बॉडी एसेंडेंट से जो जगह बताइए ना 12, 1, 4, 7 वहां पे कहीं ना कहीं अगर मंगल स्थित है वहां मंगली मान लिए जाते हैं। अब पहले धनु लग्न को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आपने कहा ना धनु लग्न है आपकी, हाँ जी हाँ जी। पहले चीज पहले आप ये समझो कि आपने 12th लॉर्ड को लग्न में लाके बैठाया, आपका 12th लॉर्ड लग्न में आया ना, अभी एक्सचेंज है वो लगन का 9 नंबर का मालिक बृहस्पति 12वें में गया हुआ एक्सचेंज ऑफ हाउस। अब ये और मजेदार चीज हो गई। तो अब हम सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि जब गुरु और मंगल का आपस में कॉम्बिनेशन है तो क्या कोई पावर सेगमेंट की चीज या कोई कोई फॉरेन से कोई चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कोई डॉक्टरी या कोई आपका कोई मेडिकल से संबंध या कोई जेल से संबंध या कोई विधि या कानून या नीति आयोग से संबंध इस तरह का कोई डोमेन आपके लाइफ में है? पहले तो ये बताओ। बिल्कुल सारी चीजें हैं जी, मेरा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का काम था, उसके बाद मतलब इस वक्त मैं 0 हूँ, मैंने सीखा मतलब सब कुछ है। वो तो हम बता देंगे। लॉ सीखी थी मैंने, आपने बोला लॉ, हाँ वो सीख ली मैंने। उसके बाद कुकिंग का बहुत शौक है, कुकिंग में मैं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर का काम वो सीखा था और बाकी बहुत कुछ सीखा हुआ है, लेकिन इस वक्त स्थिति बड़ी डामाडोल है। वो तो आपकी जब दशा अंतर था पूरा चार देखेंगे तब बता पाएंगे। अभी आपको एक जनरल बात समझाए देते हैं। पहली चीज मुझको ये बताइए कि क्या क्या आपने कभी किसी कर्जे को इन्वेस्टमेंट को पाटने के लिए घर का सोना भी गिरवी रखना पड़ा है आपको? बिल्कुल बहुत बार रखा है, रेगुलर रखता रहा हूं, रेगुलर। वो तो हम समझ गए आपके कॉम्बिनेशन से। अब मेरी बात को सुनो, पहली चीज ये चुको धनु लग्न अग्नि प्रधान राशि है और मंगल भी अग्नि प्रधान है, ठीक है। तो 9, 9, 12, 3, 2, 1 और इस आपकी कुंडली में पंचमेश, 9 पंचमेश भी बनेगा, मंगल पंचमेश भी तो बन रहा है ना, पंचमेश है, हाँ जी पंचमेश मंगल बन रहा है। तो कहने समझने वाली बात ये है कि आपके ऊपर आफत चाहे जितनी आए लेकिन आप अपने स्पेकुलेशन की खोपड़ी से और अपनी नॉलेज से निकल जाओगे उससे बाहर, ये हम आपको कह सकते हैं क्लियर। मंगल मंगल भूल जाओगी तो बात की बात है, लेकिन आप अपनी स्पेकुलेटिव टेंडेंसी से, तो इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट यानी आप बताओ जिस दिन दशा तो हमने पूरी देखी नहीं है, लेकिन राहु की अंतर राहु चल रहा है, हाँ तो इसका मतलब राहु लंबा नुकसान और फायदा करने वाली दशा आपकी चल रही है, तो इसका मतलब आपने या तो पीछे कोई लंबा दांव खेला जिसमें या तो आपका निकल गया है सब कुछ। लेकिन हम आपको एक वादा करते हैं, अगर राहु की दशा चल रही तो हम टाइम देख के बता देंगे लंबा दांव वापस लग जाएगा, लेकिन ये बताना नहीं चाहिए किसी को क्योंकि इसमें फिर आदमी हमसे नंबर पूछने लगेगा तो ये, लेकिन हम आपको इनडायरेक्टली समझा देंगे कि किस पीरियड में तो ऐसा कौन सा लंबा दांव खेल लिया आपने कि इसमें निकल गया सब कुछ। सर पहले मेरा कोई बिजनेस था उसमें मेरे को 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ 2017 तक, उसके बाद रेगुलर मालिक ने बोला दुकान छोड़ने के 5 लाख रुपए दूंगा,
मेरे को 2 लाख रुपए मिले, 3 का वहां नुकसान हो गया। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ था, तो इंश्योरेंस के पैसे मिलने थे वो नहीं मिले और 1.5 लाख रुपए का वहां नुकसान हो गया। इसको तो बहुत कर्जे में हूँ। मैंने आपसे पीछे भी आपकी वैद्य की क्लास चली थी, मैंने रिक्वेस्ट करनी थी, मैं शर्म के मारे रिक्वेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पैसे नहीं थे, लेकिन मैं बहुत कीनली इंटरेस्टेड था। जब भी आपकी क्लास आती सीखने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं इसलिए सीख नहीं पाया। अरे नहीं भाई साहब, आप चिंता मत करो, ऊपर वाले चाहे तो कहते ना अगर आस तुम्हारे दिल में है तो तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, डोंट वरी, काम आपका हो जाएगा। आस बहुत हमने कह दिया काम आपका हो जाएगा, डोंट वरी। चलो सर, मेरे मैंने मेरा पीयूष सर आप मेरा नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको आगे का रास्ता दिखा दूंगा, आज कहां कहां पे पहुंचना बता दूंगा, ठीक है, बता दिया जाएगा आपको, डोंट वरी। सोमय जी बोलिए, जिनका कैमरा ओपन कीजिए पहले उन्हीं को अनम्यूट करेंगे, अभी साथी 6 लोग को अनम्यूट करेंगे, 3 मेल 3 फीमेल, जिनका आज नहीं होगा उनको कल भी करेंगे, चिंता मत कीजिए, इनका कैमरा ओपन है उनको ही करेंगे। प्रिंसी जी बोलिए। जी सर, सर हर हर महादेव, मैंने जस्ट अभी कुंडली स्टार्ट किया है, मेरे पास एक कुंडली आई थी जो कि मिथुन लगने की कुंडली थी और उसमें मंगल 7th हाउस में बैठा हुआ है और राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है, सूर्य बुध 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। सवाल पूछो मंगलिश से रिलेटेड सवाल। हाँ हाँ, मंगल से रिलेटेड ही है सर, जिसमें मंगल मैरिड लाइफ में क्या इफेक्ट डालेगा, क्योंकि मंगल धनु पहली बात समझो, 7th हाउस पे धनु राशि पड़ रही है, 9 नंबर, ठीक है। अब धनु राशि दुई स्वभाव राशि है, दुई स्वभाव समझती हूँ, ड्वेलिटी। जी, जी, मंगल जी, वहां बैठा हुआ है, मंगल जो है सेलिब्रेट होने का कारक है, मंगल जो है, तो एक चीज ये समझ लो कि धनु राशि दुई स्वभाव राशि है, तो अगर इनको हमारा सिर्फ इतने से प्रेडिक्शन करें, बाकी पूरे चार्ट से बदल जाएगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इनको एक चीज, लेकिन क्योंकि गुरु की राशि है तो अगर अगर गुरु ठीक हुआ चार्ट में, दृष्टि वृष्टि डाल दिया तो मामला बच जाएगा। गुरु 10th हाउस में बैठा है, 10th हाउस भाग्य स्थान में बैठा है, 9th में बैठा है, खैर उस यानी कि 7th का लॉर्ड 9th में गया है, तो ये भी अपने आप में एक बचत है, तो मंगल यहाँ पे थोड़ा मतलब, लेकिन अब क्योंकि फिर भी वही वाली क्वेश्चन वही फंस जाता है, पूरा चार्ट हमारे सामने है नहीं। अब यहाँ पे एक समस्या और है, 6th का लॉर्ड उठ के 7th में आया है। जी जी, तो 6th हाउस जो होता है रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा लिटिगेशन, यानी कि ये सब उठ के पत्नी के घर में पार्टनरशिप के घर में आ गए, तो अगर शादीशुदा जीवन अच्छा भी चल रहा हो तो भी इनको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी सावधानी बरतनी चाहिए। ओके सर, ये एक लेडी की कुंडली है तो थोड़ा सा परेशान थी, बिल्कुल होगी, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड उठ के 7th में आ गया है, ये अपने आप में परेशानी है, रोग ऋण को उठा के तुमने अपनी शादी के घर में बैठा लिया, ये तो परेशानी है कि नहीं है। जी सर, थैंक यू मैम। मैरिड लाइफ तो चलेगा, मतलब ऐसा कोई इश्यू नहीं रहेगा, मैरिड लाइफ तब चलेगा अगर उस पे कहीं से भी कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए या बुध की कंडीशन को ठीक हो जाए, अदरवाइज, और अगर कहीं पाप ग्रह देख रहे होंगे। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें गुरु क्योंकि भाग्य स्थान पे चला गया है इसलिए थोड़ी सी बचत हो जा रही है, और अब अगर अब राहु केतु और शनि कहीं पे 7th या 7th लॉर्ड को देख लेंगे तब परेशानी बढ़ जाएगी, तब सेपरेशन भी हो सकता है। ग्रह नहीं देख रहे हैं, मंगल को कोई भी नहीं देख रहा है। हाँ, और अगर अगर कोई ग्रह नहीं देख रहे हैं और कोई ऐसी खराब महादशा नहीं आ रही है तो मामला चल जाएगा, नहीं तो कोई महादशा खराब आएगी तो फिर कुछ ना कुछ होगी, आपस में लड़ाई झगड़ा, दिक्कत। ठीक है मैम, थैंक यू। श्री राम जी, श्री राम, जय श्री राम, आपको बोलिए। अजय सर प्रणाम सर, जय श्री राम सर। जय श्री राम, बताइए क्या जय सर। दोनों अजय सर को प्रणाम सर, हमेशा आप दोनों की जय हो सर। सर आपकी भी जय हो। क्लास, थैंक यू सर। सर टॉरस लगन की कुंडली है एंड 8th हाउस में सूर्य और मंगल है सर। भाई बस इसी में जितना समझा पाते हैं समझा देते हैं। टॉरस लग्न की कुंडली में 8th हाउस में धनु राशि आती है, धनु राशि में सूर्य और मंगल बैठ गए। अब समझो 7th लॉर्ड जो है अपने से 2nd हाउस 8th में बैठा हुआ है, और 4th लॉर्ड भी वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है। करेक्ट, ठीक है। तो अब समझो वाइफ का प्लेनेट उठ के अपने घर में अपनी ससुराल में, तो ये कह सकते हो कि पत्नी अपने ससुराल के अपने मैकी के इन्फ्लुएंस में बहुत है, ऐसा है या नहीं?
नहीं सर, इन्फ्लुएंस मतलब कैसे कैसे डिसाइड करेंगे सर? जैसे हो सकता है वो अपने घर में वहां पे चर्चा करती है और बात की वहां से क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, अपने जैसे अपने मदर से या अपनी बहनों से ज्यादा चीजों के बारे में डिस्कस करती हो। पहला एक जनरल प्रेडिक्शन हम तुम्हें ये करके बता रहे हैं, इसके बाद आ जाओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अब जैसे सेवंथ लॉर्ड एंड एट्थ, हाँ बोलो सर। वन मोर थिंग, मंगल जैसे कोई सॉफ्टवेयर से कुंडली निकालते तो इट इज अस्त है सर, इट इज कंबस्ट मंगल। अच्छा, मंगल अगर कंबस्ट है तो मंगल कहते हैं, जैसे कई सारे परिहार बताए गए हैं जो कल तुम्हें पढ़ाएंगे भी, तो मंगल कंबस्ट होने का मतलब है कि मंगल की ऊर्जा कहीं ना कहीं कम पड़ गई, यानी सैनिक को तुमने कटघरे में बंद कर दिया। तो सैनिक अपना वैल्यूर, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा नहीं दिखा पा रहा है। तो अब मंगल कंबस्ट होने से तो पूरा सीन ही बदल गया भाई। एक राजा जिसके हाथ में तलवार है वो घोड़े पे बैठा है, और एक वही राजा जिसको तुमने कैदखाने में अंधा करके पृथ्वीराज चौहान की तरह तुमने बेड़ियों में जकड़ दिया, तो वो बेचारा तो कुछ नहीं कर पाया। तो समझो बात को ना। तो मंगल अब यहाँ पे जब अस्त हो गया तो अस्त सूर से हो गया, सूर है फोर्थ हाउस माँ, तो ये जरूर कह सकते हो कि ये जो है ये कहीं ना कहीं अपने माँ, अपने घर, अपने परिवार के हालात के कारण अपना कंप्लीट इनपुट नहीं दे पा रहा है बच्चा, जो भी लड़का हो या लड़की। फोर्थ हाउस के डोमेन ने इसको क्योंकि अस्त किया है ना, तो परिवार के आगे झुकना पड़ रहा होगा, घर के आगे, माँ के आगे कहीं ना कहीं ये जो बोलना बोल चाहकर भी बोल नहीं पा रहा होगा। परफेक्ट सर, परफेक्ट। ठीक है, तो इसको क्लियर, तो क्योंकि अब जब तुमने पूरा सीन बताया तो हमको फिर समझ में आई ना चीज पूरी। सर लास्ट क्वेश्चन सर, सर जैसे अब यहाँ बैठा हुआ है तो दूसरे घर को देख रहा है जो इनकम का घर है, फैमिली इनकम का, फैमिली पैसे का घर है, तो उसका कुछ उपाय बताइए सर। फिलहाल देखो है कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। आप जब मंगल आठवें में बैठ के सूर्य के साथ आपके सेकंड हाउस को देख रहा है तो एक अग्नि ऊर्जा आपके सेकंड हाउस परिवार, आपके हेरिटेज, आपके वैल्यूज, आपके पोजीशन पे डाल रहा है। तो मंगल और सूर्य की ऊर्जा को बैलेंस करने का सबसे अच्छा रास्ता है कि गुलाब का शरबत, गुलाब का नहीं, करना क्या है, प्रॉपर्टी लेनी है परिवार से या क्या क्या चाहते हो उस हिसाब से बता दे। नहीं सर, मेरे को तो पैसा कमाना है सर, और आपके एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, और आप चाहते हो कि आपका, अच्छा मंगल और सूर्य आपको वहां पे पैसा दे, ओके, सेकंड हाउस आपका एक्टिवेट कर दे, हम आप ये चाहते हो। यस सर। तो वृष लगने वालों को बुध से आपको सेकंड हाउस एक्टिवेट करना है। हम तुमको एक सिंपल सी जुगाड़ बता दे रहे हैं। तुम कहाँ रहते हो, गुजरात साइड में रहते हो या गुड़गांव की तरफ रहते हो? नहीं सर, कर्नाटका, साउथ इंडिया, कर्नाटक में रहते हैं। किसी भी तरह जगन्नाथपुरी अगर जा पाओ तो जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां पे गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ को पकड़ लेना, जो अपने मन की बातों कहना तुम्हारा काम बन जाएगा। या अगर गुजरात जाओ तो वहां पे द्वारिकाधीश के दर्शन कराओ, फिर उसके बाद जो काम शुरू करोगे पैसा आ जाएगा। ठीक है सर, द्वारकाधीश का हो गया, जगन्नाथपुरी कर लेंगे सर, एक धाम भी हो जाएगा। जगन्नाथपुरी अगर करना तो वहां पे गरुड़ स्तंभ के पास जाना और अपनी बात उससे कहना। ठीक है सर, कमल चढ़ा देना। ठीक है, थैंक यू। माधव जी बोलिए। माधव जी नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम सर। मैं, मेरा तो इस माधव जी क्वेश्चन, माधव जी छोटा सा, जी आपकी सच्ची बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। पहले दिल से ऐसी इच्छा हो रही थी तारीफ करो, क्योंकि इतने एज में 11:30 बज रहा है तो भी आपका जो इतना जो जिज्ञासु है वो सोया नहीं अभी तक, उसके लिए मैं क्लैप करना चाहता आपके लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। मैं बहुत क्यूरियोसिटी से हर क्लास को अटेंड करता हूँ और बहुत शांत स्वभाव से बैठा रहता हूँ, सुनता रहता हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन मेरा छोटा सा, आठवां मंगल हो, एट्थ हाउस में मंगल हो तो वो कुटुंब को देखेगा, सातवें घर को, तो कुटुंब में किसी भी परिवार की भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है उसमें, बस यही मेरा प्रश्न था। देखिए आठवें घर में बैठ के मंगल, ऑब्वियस ही बात है जो सेकंड हाउस होता है वो इंसान के लिए भी मारक होता है और पत्नी का भी और के लिए भी वो अष्टम होता है, तो आयु स्थान होता है पार्टनर का। सेकंड हाउस कुटुंब का है, परिवार का है, धन का है, वाणी का है। तो मंगल एक ऊर्जा है, अगर वो ऊर्जा चैनलाइज्ड नहीं है और उसके अंदर काफी पावर है तो वो वहां पे देखे एक्सीडेंट या प्रॉपर्टी को के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट करके इस तरह की चीजें दे सकता है। लेकिन खाली मंगल के साथ कहीं ना कहीं से और कोई प्लैनेट भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा। मेरे साथ में बीती है सर, जो मैं इसी आधार पे बोल रहा हूं। इसमें पूरा चार्ट देखने पे ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे, लेकिन मंगल अगर एड से बैठ के, क्योंकि वो दृष्टि डालता है सेकंड हाउस में, तो ये चीज हो सकती है। अब कौन किस रिश्ते का हुआ है ये जब पूरा चार्ट होगा तभी बताया जा सकता है कि कौन सा रिश्ता जो है इससे सफर किया,
पत्नी की है या बेटे की है या बच्चे की है, लेकिन नॉर्मली मंगल जो है वो स्त्री की कुंडली में पुरुष का कारक होता है, भाई बहनों का कारक होता है, लेकिन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो उसके चार्ट में मंगल किन घरों का मालिक है उससे पता चलेगा कि क्या कैसे पूरी चीज कैसे क्या मैनिफेस्ट करी है लाइफ में। जी 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 सर जी जी माधु जी। रागी जी बोलिए। प्रणाम सर। नमस्कार सर। मेरा भी आठवें में मंगल को लेकर है क्वेश्चन सर। कर्क लगन की कुंडली है, आठवें में मंगल है, लेकिन गुरु जो है वो सेकंड हाउस में बैठे हैं। बच गए, ठीक है। तो वो वही पूछना चाह रही थी बच्ची, मतलब एक ये बताइए कि आपने लाल किताब भी सीखी है क्या, वास्तु व लाल किताब? किसने सर? मेरी नहीं है सर, किसी और की है। किसी और की? उनको भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है क्या? सर अभी तो 19 साल की पढ़ रही है, इंजीनियरिंग कर रही है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज फिर भी बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मंगल कुंभ का है। जी हाँ, तभी मेरे को वो डाउट वही था। हाँ हाँ, कुंभ का मंगल है। अभी हम एक चीज और बता रहे हैं, जुपिटर और मंगल, क्योंकि खैर कुंभ का है तो हम फिर भी सोच रहे हैं बचा हुआ मामला, कहीं अगर ये कर्क और मकर का होता तो मामला बिगड़ जाता हमारे सबसे ज्यादा, लेकिन फिर भी मंगल और गुरु का आमने सामने बैठना कुछ मामलों में बहुत बढ़िया है। लेकिन क्योंकि रामचंद्र जी का मंगल और गुरु आमने सामने था ना, तो शादी का मामला उनका बिगड़ गया था, तो इसलिए थोड़ा सा डर भी लगता है। तो फिर पूरा चार्ट देख के हम बताएंगे इसमें क्या और क्या दिमाग लगाया। सर वही सर, शादी का ही तो टेंशन है थोड़ा सा। शादी का थोड़ा टेंशन इतना बुरा नहीं है मामला, क्योंकि कर्क लग्न आपने बताई है। देखो बात समझो, कर्क लग्न वालों में प्रॉब्लम होती है। मेरा भी कर्क लगन ही है। चार और दस का एक्सिस है ना, तो कभी कभी मनचाहा इमोशंस स्टेबली, क्योंकि सर क्या लव मैरिज का भी कराता है क्या ये? क्योंकि सर सूर्य चंद्रमा और बुध जो है पांचवे घर में बैठे हैं सर, आठवां मतलब वो हो गया मंगल का ही घर हो गया आठ, मतलब जिसमें बैठे हैं पांचवा घर जो हो गया। हाँ नहीं उसमें सर, और सर मेरे को सर शादी का इसलिए सर डर है क्योंकि शनि जब बारहवें में बैठा है, आप अभी वो बता रहे थे ना जो शैया सुख। नहीं नहीं वो इतना टेंशन आप मत लो, फिर हम देख देंगे आपका पूरा चार्ट अगर ऐसी कोई बात है तो। देखिए सर ने बता दिया, आपको हिंट दे दिया, दो दिन में आपको बाकी सब समझ में आ जाएगा। हाँ अभी दो दिन में आप दोबारा कर लीजिएगा प्रश्न मुझसे, क्योंकि इसमें पूरा चार्ट फिर हमें बनाना पड़ेगा, और ऐसे चलते फिरते आध कचरा कुछ बोल दें तो कल को कुछ मामला बिगड़ जाएगा ना। मतलब या तो बोले कॉन्फिडेंस से बोले, पूरा देख के बोले, ऐसे सिर्फ जनरल चीजें बोल रहे हैं, इसको आप लोग अपने दिल से ना लगा लेना कुछ भी। देखिए मोनिका कपूर जी बोलिए। मोनिका कपूर उसको अनम्यूट कीजिए। मोनिका जी हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज नहीं आ रही है। ओहो आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है। हाँ सर, किसी लड़के का जैसे चौथे घर में मंगल है तो वो मंगलिक है, तो उसकी शादी हुई है लड़की के सातवें घर में राहु है, तो टेवा मिला है, मतलब कि पंडित कह रहे कि टेवा मिलता है। देखो ऐसा कहा जाता है कि जिन जिन घरों में मंगल मंगलिक माना जाता है उन्हीं उन्हीं ग्रहों में पाप ग्रह जैसे राहु अब या इस तरह के ग्रह हो तो कई मामलों में, लेकिन इसमें शनि और कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स को देखा जाता है, लेकिन हम 100% नहीं कह पाएंगे कि सप्तम में राहु से टेवा मिला माना जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे परिहार है लेकिन उनके पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जो हमें आपको कल पढ़ाने, जैसे जहां जहां पे मंगल है वहीं वहीं पे शनि आ जाए तो परिहार हो जाता है। राहु से परिहार होगा या नहीं होगा, क्रूर गए तो और भी पूरे चार्ट में शनि कहाँ बैठा ये और मंगल दूसरे का कहाँ बैठा ये देख के ही बताया जा सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि लोग मिला देते हैं लेकिन उसमें और भी बहुत सी चीजें देखने वाली होती हैं। ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे पूरा देखे बना जब तक। ठीक है, थैंक यू जी। अभी आखिरी दो बच्चे सर उनको भी ले लेते फिर अपन आज यहीं पे एंड करते। डॉक्टर निधि त्रिवेदी जी बोलिए। आपकी पीछे से आवाज बहुत आ रही थी, आपका मीरा श्रीवास्तव बोलिए। मीरा जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हम तो सिर्फ जिज्ञासु जी की प्रशंसा करने के लिए हमने बोला है, इतना पहली बार सुन रहे हैं, इतना आनंद आया है कि अब हमेशा सुना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं। थैंक यू सो मच। मीना जी आप भी बोल दीजिए।
मीना जी खुद को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ नमस्कार जी। गुरु जी मैं जानना चाह रही थी अगर जो मिथुन लग्न में चौथे भाव में राहु और मंगल हो तो क्या इफेक्ट होता है। पहली बात मिथुन लग्न जो है एक कम्युनिकेशन का साइन है, मिलने जुलने का साइन है, हंसी मजाक का साइन है, लोगों के साथ मिलना जुलना पार्टी करना ये सब उसको पसंद होता है, कम्युनिकेशन उसकी लाइफ का एम है। अब उसके जो फोर्थ हाउस में आती है कन्या राशि जो एनालिटिकल की राशि है, एनालिसिस करना किसी, अब वहां पे राहु और आपने बोला मंगल, तो राहु मंगल ये बताता है कि बचपन में उसकी माँ ने उस या कहीं ना कहीं उसको बहुत डिस्प्लिन में रखा हो सकता है, दो चार झापड़ापड़ या चप्पल से पिटाई भी कुटाई भी होती हो, क्या ऐसा कभी सुना है कि बचपन में काफी स्ट्रिक्ट माहौल में वो पाला उस बच्चे को। हाँ सर। अच्छा ये तो एक उसके पापा नहीं थे सर, वो उसके पापा बहुत छोटी उम्र में मर गए थे तो उस वजह से जिनके साथ नहीं, अच्छा जिनके साथ वो पली उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसके दसवें भाव में सैटर्न और केतु है सर। नहीं दसवें भाव में सैटर्न और केतु के तो अलग प्रेडिक्शन निकलेंगे, लेकिन अभी आपने मंगल और राहु मुझसे जो है फोर्थ हाउस में पूछा, इसमें एक चीज, मंगल और राहु अगर फोर्थ हाउस में है तो सुख को लेके इच्छाएं तो बहुत हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में बहुत आगे तो बढ़ना चाह रहा है वो बच्चा या जो जातक जिसका ये चार्ट है, लेकिन राहु कंबाइंड एनर्जी सेवंथ हाउस को भी पकड़े है तो कहीं ना कहीं शादी के मामले में हो सकता है कि उसकी जो इच्छाएं हो वो पूरी ना हो पाई हो, जिस तरह का वो चार यू पार्टनर वैसा ना मिल पाया हो, यहाँ पे समस्या पूरे चार्ट को देखने पर क्लियर होगी, लेकिन हाँ सावधानी बरतनी जरूरी है। ओके ओके अमिता जी बोलिए। अमिता साहब क्योंकि सैटर्न की दृष्टि है ना उस पे। सर कैन यू लिसन मी। हाँ ओके सर, तुला लगन है और आठवें भाव में मंगल है तो मांगलिक दोष हुआ। यहाँ पे मंगल है यस, लेकिन वो अपने खुद के घर को देख रहा है, दूसरे घर को सेकंड आठवें यानी कि दूसरा भाव जो है वहां पे भी आठ नंबर यानी वृश्चिक का मंगल आता है, तो क्या इसका इफेक्ट वैसे ही रहेगा सेम। नहीं नहीं आपकी हम बात नहीं समझे, यहाँ पे देख रहा है ना। हाँ ओके भाई तुम बिटिया समझो, तुम हिंदी समझती हो। हाँ हाँ सर। पहली बात ये समझो तुला लग्न में मंगल परम मारक होता है। अच्छा और ये सर आपने जैसे कहा ब्लड रिलेटेड इश्यूज, तो क्या ये कैंसर जैसा भी बीमारी देता है। खाली अष्टम के मंगल को देख के हम कैसे बता दें, अभी मंगल ये गले का कैंसर दे सकता है अगर बाकी चार्ट बिगड़ा हुआ तो, ये अभी हम गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन बात को समझो। अब जैसे अभी समझो जैसे कि सात नंबर की कुंडली में अष्ट मंगल की एक राशि यहाँ पड़ रही है, एक राशि यहाँ पड़ रही, तो मंगल तो वैसे भी इसमें प्रबल मार्केस हो गया सप्तमेश और द्वितीय होने के कारण, फिर वो आयु स्थान पे जाके बैठ गया, मारक का प्लैनेट आयु पे जाके बैठ गया यानी कि लग्न की दूसरी राशि में, तो ये तो ऐसे भी करेला नीम चढ़ गया। ठीक, अब हमको वीनस कहाँ पे ये देखना पड़ेगा, लग्नेश कितना पावरफुल है, फिर टेंथ हाउस में है वीनस, टेंथ हाउस में। नहीं नहीं फिर ऐसे करते करते तुम नौ के नौ प्लान। नहीं नहीं मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आपने इच्छा पूर्ति का बोला था, अगर आठवें घर में मंगल है तो हाँ। जो इलेवेंथ हाउस को भी अफेक्ट करता है राइट, तो वो कैसे इलेवेंथ को कैसे अफेक्ट करता है। अच्छा देखो बिटिया यहाँ पे मंगल है, मंगल की एक दो तीन चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, मंगल का फोर्थ एस्पेक्ट, तो अब मंगल का जब फोर्थ एस्पेक्ट यहाँ पड़ेगा तो यहाँ पे सिंह राशि है। ठीक है, और सूर्य स्वग्रही हो तो भी जैसे जैसे चीजें तुम बढ़ाती जाओगी वैसे वैसे प्रिडिक्शन में थोड़े थोड़े ऑल्टरेशन होते जाएंगे, जैसे अभी एक रॉ प्रिडिक्शन किया फिर तुमने सिंह राशि लाई तो प्रेडिक्शन में थोड़ा अल्टरेशन हो जाएगा, फिर तुमने सूर्य वहां बैठा दिया तो और अल्टरेशन हो जाएगा, फिर कोई प्लैनेट यहां से बैठ के दृष्टि डालेगा तो थोड़ा और अल्टरेशन हो जाएगा, यही फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन तो कंप्लीट चार्ट से बनाना पड़ता है, यहां से फिर एक प्रेडिक्शन निकालेंगे। मंगल जो है सब व्यापार का कारक हो गया, धन का कारक हो गया, इच्छा पूर्ति को देख रहा है, और ये हेरिटेज का कॉलम है, ये हमारी पुस्तैनी संपदा का भी, अभी सिर्फ मंगल पे मत जाओ, ये एर्थ हाउस से अकल्ट भी देखा जाता है, मंगल से बहुत कुछ देखा जाता है, तो एर्थ हाउस में बैठा ये हमारी बीमा की रकम भी है, ये हमारी पुस्तैनी जमीन जायदाद भी है,
ये हमारी अकल की विद्या भी है, तो उससे हम अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं कि सब निगेटिव है। मंगल अकल्ट में बैठ के इच्छा पूर्ति पर दृष्टि डाल रहा है, तो इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि हमें अपने पत्नी का और अपने परिवार का सहयोग लेके हम अपनी इच्छा पूर्ति की पूर्ति कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी है। मंगल प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी में हम ट्रांसफॉर्मेशन कर करके अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मंगल ऐसे बहुत सारे डोमेन लेके आता है चार्ट में। अब जैसे ये सेवंथ लॉर्ड है, तो सेवंथ लॉर्ड बिजनेस ओरिएंटेशन का भी है, तो मंगल यहाँ पे आने की। तो इस तरह तुमको जब कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी सीख जाओगी तब तुम्हें लगाने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ शादी के मैटर की अगर बात करें तो मंगल का यहाँ जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और इंजीनियरिंग के लिए सर ये अच्छी बात है ना, लेकिन टेक्निकल। अब यही ये जो है सेकंड हाउस जो है, ये हमारी फूड इंडस्ट्री है, एक्यूमेशन है, इससे हम अपना बैंकिंग सेगमेंट भी देखते हैं। तो अगर कोई आईटी डिकोडिंग या सेकंड हाउस से वृष राशि से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी। अब ये टेक्निकल फील्ड के लिए अच्छा है, उसकी रिसर्च के लिए अच्छा है। मंगल जो है टेक्निकल है, एर्थ हाउस रिसर्च का भी है। तो हर जगह मंगल को शादी तोड़ेगा ऐसा नहीं जुड़ना चाहिए। ये तो हमने तुमको एक एस्पेक्ट दिखाया, और बहुत इसका तोड़ भी होगा ना सर, लेकिन शादी का तोड़ भी होगा ना, उसका क्लास में आएगा ना बाद में। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या। और हो सकता है कि ये तुम्हें अभी अभी हम लोगों को लग रहा है, यहाँ पे शुक्र की राशि है और दृष्टि से हो सकता है मंगल का परिहार ही हो जाए। मंगल का परिहार हो जाता है बहुत सी कंडीशन में, वो कल आप सिखाएंगे तब पता। कल बताएंगे, थोड़ा वेट कीजिए अपने सवालों का, सबसे कहेंगे। प्रियंका जैन जी बोलिए जल्दी से। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार जी। गुरु जी, मंगल वीनस, मैं एस्ट्रोलॉजी में करीब न्यू ही हूँ, मुझे इसका बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मंगल वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन अगर दसवें घर में हो और तो वो अपने चौथे सुख के घर में भी दृष्टि डालेगा, तो और अगर सुख के घर में केतु बैठा हो तो इस कॉम्बिनेशन को कैसे समझा जाता है? देखो बात को समझो, तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम तुम्हें एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। पहली बात, तुमने एक किताब पढ़ी होगी और हजारों बार सुना होगा, मेन आर फ्रॉम द मार्स और वुमेन आर फ्रॉम वीनस, हाँ या ना? हाँ सुना है जी। ठीक, बिल्कुल। अब आदमी और मतलब मेल और फीमेल तो आ गए दसम भाव में, मार्स और वीनस। यस सर। ठीक, अब समझो सोसाइटी की ऐसी तैसी करने वाला, सोसाइटी की बैंड बजाने वाला, सोसाइटी को नहीं मानने वाला, सोसाइटी के नॉर्म से हट के काम करने वाला राहु भी आ गया। बिल्कुल ठीक। तो अब यहाँ पे अभी उस सब चीजों को छोड़ दो, अभी नौकरी पे आ जाओ। टेंथ भाव हमारा प्रोफेशन का भाव है, कर्मा का भाव है। तो ऐसे आदमी के कर्मा कैसे होंगे? ऐसा आदमी का प्रोफेशन भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंगल और वीनस हर आदमी को परवर्टेड ही बना देंगे या हर आदमी को खराब ही कर देंगे, ऐसा नहीं है। नौकरी में अच्छा कर देंगे, बहुत अच्छा भी, अब इस पर कोई अच्छी दृष्टि पड़ जाएगी तो परमहंस भी बना देंगे। क्योंकि बात को समझो, तुम लोग हमेशा एक चीज ये नहीं समझते, मैं आज तुम लोगों को बढ़िया बताता हूँ। स्पिरिचुअलिटी में आदमी तभी बढ़ सकता है, परमहंस आदमी तभी बन सकता है, विवेकानंद आदमी तभी बन सकता है, जब उसके अंदर सेक्सुअल एनर्जी कूट कूट के भरी हो। क्योंकि जिसके अंदर सेक्सुअल एनर्जी कूट कूट के भरी होती है, उसके लिए उसको स्पिरिचुअलिटी में मोड़ना आसान है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा है, वो एक अलग डायरेक्शन में है। हमें क्या करना है, सिर्फ ऊर्जा का मुंह मोड़ देना है। और जिसके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, सेक्सुअलिटी नहीं है, तो उसको तो पहले उसको क्रिएट करनी पड़ती है परमहंस बनाने के लिए। तो पहले वो तो यहाँ पे हमारा काम आधा हो जाता है, कि उसकी ऊर्जा कहीं और लगी हुई है, हमें सिर्फ कन्वर्ट करनी है भगवान की तरफ। तो ये ब्लेसिंग है। तो हम एस्ट्रोलॉजी को स्पिरिचुअल लेवल पे भी देखते हैं, तो यही वीनस मंगल जो है हमारे लिए परम बगलामुखी माँ भी बन जाता है। बस एनर्जी को जो लोअर लेवल पे आएंगे तो रेड लाइट एरिया दिखा देगा, या मतलब यहाँ पे हम आपकी बात नहीं करें, किसी की बात नहीं करें, तो ऊर्जा को पहचानना सीखो। हम जो एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, हम आपको कुछ रटाते इसीलिए नहीं है, हम कहते हैं हम तुमको ऊर्जा पहचानना सिखाई दे रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रही होगी, बस उससे तुम्हें प्रेडिक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे मंगल वीनस और राहु जो है, अगर बहुत बुरा हो, इस पे पाप प्रभाव हो, राशि कोई ऐसी हो, तो ऐसे आदमी फैशन इंडस्ट्री में स्टेज के पीछे कास्टिंग काउच बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कूद के सीधे इसमें पहुंच ही जाओ, अभी और भी इसके बहुत सारे पहलू हैं वीनस और मंगल के। हो सकता है कोई बहुत बड़े म्यूजिशियन हो, ड्रम बजा लेते हो, फॉरेन में कोई पेंटर, मतलब इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, तो लेकिन केतु तो ऑब्वियसली बात है, जब ये टेंथ में है तो सेवेंथ में फोर्थ में केतु होएगा। केतु जब भी फोर्थ में होता है तो वो बचपन की शुरुआत में घर से दूर पढ़ाई के लिए भेज देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में फिर टोटलिटी में चार्ट को बता पाएंगे आपको।
तो बाकी प्रियंका आप अगर न्यू प्रियंका जी अगर आप नए हो तो चिंता मत कीजिए, इसका हमारा बेसिक क्लास भी आ रहा 5 दिन का और, इसके 2-3 दिन और बचे है तो आप हमारे साथ ही पूरा सीख जाओगे आपका। ओके थैंक यू ओके। रचित जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते रचित भैया। नमस्कार सर। नमस्कार प्रणाम। प्रणाम सर। सर हम बोले कि मंगल का डिग्री अगर 0 होगा तो उसको मांगलिक दोष लगेगा क्या? भाई देखो पहली बात तो मांगलिक दोष मांगलिक योग मत पड़ो इस चक्कर में। नहीं मंगल मंगल 0 डिग्री का होगा तो ऑब्वियस बात है मंगल में उत्तम बल नहीं है। आप एक बात समझो, आप एक कमरे में एक साल का बच्चा लेटा हुआ है, 1 साल का, तो आप कमरे में जाके कुछ भी उठा लाओ बच्चा कुछ कर पाए? नहीं कर पाएगा। आप कुछ भी कमरे में उठा लाओ ठीक है, तो बस समझो मंगल तो वैसे तो सेनापति है, बहुत बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन अब यहाँ पे अंश में भी बड़े खेल है कि इवन डिग्री इवन राशियों में कहाँ से देखना है, ऑड राशियों में कहाँ से देखना है, फिर लग्न की डिग्री के हिसाब से भी देखा जाता है। अगर लग्न की डिग्री भी 0, 1, 2, 3 है तो वही ग्रह, अब जैसे पीएम मोदी का हाँ कुछ प्लैनेट्स हैं बहुत कम डिग्री के, लेकिन लग्न में उनकी कम डिग्री के तो वो फायदे में भी हैं। तो इसमें कई सारी थ्योरी लगती हैं, लेकिन हाँ अगर अंश वाइज ग्रह बलहीन है या कुमार अवस्था में या बाल अवस्था में है तो कहते हैं कि वो उतना पावर उसके अंदर नहीं है, उतने पावर से आपके जीवन में इंसर्ट या इवेंट देने में वो सक्षम नहीं है। तो उसको अगर लग्न परमिट करती है तो मूंगा पहन के मंत्र से उसके जो भी आपके लोग बताते हैं एस्ट्रोलॉजर उस तरह से उसको बल दिया जाता है ठीक है। अब जैसे आज मंगलवार है हमने ये कलर ही पहन रखा है, मूंगा पहनने के पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम इसी तरह मंगल को बल दे रहे हैं ठीक है। मंगलवार का दिन भी आज मंगलवार का दिन मंगलवार का दिन कलर है उसका यही वाला जो पहने ठीक है। थैंक यू रचित भाई। मोवर पे सिंह बोलिए। पीजे सिंह मोवर पीजे सिंह को कन्वर्ट कीजिए। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्कार भाई जी। ये हमारे 12th हाउस में मंगल और शनि है, सिंह लग्न की कुंडली है। और तो ये बताइए आपने आपने कभी LLB या पुलिस की तैयारी की हो या पुलिस विभाग के लिए कभी प्रिपरेशन की हो या कोई LLB या इस तरह की कोई चीज या फाइनेंशियल टेक्निकल हो आप BTech ऐसा कोई है शेड आपकी लाइफ में? नहीं सर टेक्निकल नहीं। अच्छा शनि और मंगल तो अभी प्रोफेशन पे फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको हटा के बात करते हैं क्योंकि लग्न वक्त तो हमने आपसे पूछी नहीं है। तो 12th में सैटर्न और अच्छा कोई बात नहीं यानी कर्क राशि का है वहां पे शनि और मंगल। 10th कर्क राशि 10th में सूर्य बुध शुक्र नहीं उस पे नहीं जाते हैं, सिर्फ मंगल और शनि तक सीमित रहेंगे। आपकी सिंह लग्न है और कर्क राशि में शनि और मंगल है, मंगल वहां पे डेबिलिटेड हो गया। तो मुझको ये बताइए कि आपको कभी पराक्रम करने में या कभी जिसको कि मंगल डिब्रेटेड और सनी भी है तो ये अपने आप में बहुत टिपिकल कॉम्बिनेशन बना रहा है क्योंकि 6th और 7th लॉर्ड तो आपका किसी भी तरह से हीलिंग से या लोगों को ठीक करने से या इस तरह से कोई संबंध नहीं है आपका? नहीं सर है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस से है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस से है ना, तो क्या उसमें कोई हीलिंग या किसी के लिए कुछ करते भी हो आप? जी जी शिव गुरु से जुड़े हुए। हाँ तो क्या आप लोगों को थोड़ा सा ब्लेस करके या हील करके या ठीक करने का भी प्रयास करते हो? नहीं ब्लेस नहीं करते सर, ब्लेस तो ऊपर वाला करता है। हम नहीं, नहीं वही मतलब इनडायरेक्टली आप अरे आप मेरी दुआ मांगते हैं जी। हाँ मैं वर्ड को चेंज कर देता हूँ ठीक है। तो सैटर्न और मंगल तो वहां पे कर रहा है। अब आप अपना क्वेश्चन अब हमें कुछ ग्लिम्स समझ में आया ना कि चार्ट बिहेव कैसा कर रहा है। अब आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए तो हम बताने का प्रयास करेंगे। और सर 9th हाउस में जुपिटर और केतु है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो गणेश जी की स्तुति करके आप कोई भी काम करें, आप ये 9th का जुपिटर और केतु आपको अपने लिए पैसा कमाने नहीं देगा, लेकिन जिसके लिए भी कुछ कहोगे वो काम करोगे और आप दूसरों के लिए जीवन निकल जाएगा दोस्त करते करते। अभी तक तो वही हुआ सर। नहीं हम समझ गए, वो जुपिटर खुद के लिए नहीं कर पाओगे। अब उसका एक ही इलाज है, मन हो तो बता देंगे हम तुम्हें कल परसों में कभी पूछ लेना। जुपिटर केतु से 10th में भाई तुम दूसरों को तुम अपना घर लुटा दोगे, हम तुमको क्या बताएं, हम तुमको बता भी देंगे तब भी तुम नहीं कर पाओगे। 10th में सूर्य बुध शुक्र तीनों है सर। बुध शुक्र और गुरु शुक्र सूर्य और बुध तीनों 10th हाउस में सिंह लग्न की कुंडली। अच्छा अच्छा जो भी देखता बड़ा ताज्जुब करता है। नहीं ताज्जुब
ग्रह हैं, इस पे ताजुब करने की क्या बात है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि इससे आप पूछना क्या चाहते हो, क्योंकि कुंडली तो फिर पांच सब पूरे करना पड़ेगा। जैसे मेरी कुंडली देख करके कोई लोग बोलते हैं कि जैसे आपका रहन सहन है लो में रह लेते हैं, कहीं हाई की व्यवस्था होती तो हाई में भी रह लेते हैं, लेकिन जो कुंडली सूर्य बुध लगने से सूर्य है बुध शुक्र के साथ टेंथ में बैठा है तो आपका राजसी ठाठ बाठ होना चाहिए। नाइन्थ में गुरु और केतु है तो थोड़ा धार्मिक है, शनि मंगल बारहवें है थोड़ा आध्यात्मिक भी है, तो बड़ा कंट्राडिक्टरी लगता है, जो भी देखता है यही बात बोलता है। मैं ये देखिए आप समझिए, भौतिक आप धन से आप ज्ञान के स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारी चीजों से ब्लेस्ड हो, डॉलर रुपया हो ये पैसा हो ये एक अलग सुख है, ये अलग वैभव है, ये अलग दिखावा है, लेकिन जिस तरह का आपका चार्ट है सैटर्न और मंगल वाला और जुपिटर और केतु वाला, तो आपका धन जो है वो रूबल और वो करेंसी और बैंक बैलेंस से ना होके आपकी आध्यात्मिक संपत्ति, हमारी और आप जैसे हमारी छोड़ दो आपके जैसे लोगों की संपत्ति अलग तरह से काउंट होती है। वो पैसे से और रुतबे से गाड़ी घोड़े वो तो पार्ट एंड पार्सल है, लक्ष्मी तो पार्ट एंड पार्सल है, वो तो आ ही जाएगा आपके पास जब चाहेंगे तब, लेकिन हम इस चीज को अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे आपके, क्योंकि हम आपकी जो आध्यात्मिक संपत्ति समझ रहे हैं वो अलग, हमको उस तरह जोड़ रहे हैं, हम फिर आपका पूरा चार्ट देख के ही बता पाएंगे सर इसमें ये, क्योंकि उससे तो आप परिपूर्ण हो आध्यात्मिक, क्योंकि संपत्ति के कई रूप है, आप भौतिक वाली ढूंढ रहे हो या क्या ढूंढ रहे हो ये तो हमें चार्ट देख के समझ में आएगा पूरा। ठीक है मालती जी बोलिए। मालती जी नमस्ते सर। नमस्कार मैम। जैसे आपने बोला कि अष्टम स्थान में मंगल लेता है, तो मेरे पास में ऐसी दो कुंडली है जो सिंह लग्न है कन्या राशि है अष्टम में मंगल है, और उनमें एक लड़का जन्म से ही उसको आंख से नहीं दिखता है और एक लड़के का आंख दूसरे का लगाना पड़ा था। हाँ ये कह सकते हो कि मंगल ऑपरेशन का भी कारक होता है, अष्टम में बैठ के द्वितीय भाव को दाई आंख को देख लेता है, ठीक है आप समझो, और कहीं ना कहीं अभी और भी कोई ना कोई कॉम्बिनेशन निकलेगा। आंख का संबंध ल्यूमिनरीज से है, ठीक है ल्यूमिनरीज मतलब कर्क लग्न और सिंह लग्न यानी सूर्य और चंद्र से, तो हमें सूर्य चंद्र को भी कंसीडर करना पड़ेगा, और क्योंकि सिंह लग्न है तो ऑब्वियस ये बात है कि सूर्य की लग्न आपने बताई जैसा कि एक केस में, और अगले कुंडली में सूर्य जो बैठा है पांचवे में बैठा है सिंह लग्न में यानी धनु राशि में है। हाँ ठीक है। नहीं और शनि 11th हाउस में है। हाँ 11th हाउस में शनि, देखिए इससे जो है आंख का संबंध स्थापित करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, आंख का संबंध तो पूरा चार्ट देख के स्थापित किया जाएगा, लेकिन आपने बताया कि सर मंगल आपका मंगल बताया 8th में। हाँ सर 8th में बताया। हाँ तो एर्थ से दृष्टि जब मंगल डाल रहा है सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस में वो इवेंट दे रहा है कोई ना कोई, तो अब वहां पे जो इवेंट दे रहा है तो वहां का पे हमें आंखों का संबंध स्थापित करना है। मंगल ने तो देख के वहां पे काम कर दिया कि मैं कुछ ना कुछ अब करने जा रहा हूँ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फिलहाल, लेकिन अब किस चीज में आ रही है, धन पे आ सकती है, परिवार पे आ सकती है, सेकंड हाउस आंखों को होता है उस पे आ सकती है, सेकंड हाउस बोली का भी होता है उस पे गले पे भी आ सकती है, ये हमको पूरी चार्ट को देख के डिजाइन करना पड़ेगा कि गले पे आएगी कि आंख पे आएगी कि धन पे आएगी कि परिवार पे आएगी या वैल्यूज पे आएगी किस पे आएगी। ठीक है मैम। सर आखिरी ले लेते पूनम जी को फिर आज यहीं पे एंड करते, आज आपकी एनर्जी भी नहीं बची है अभी। अब नहीं बची। पूनम जी बोली जल्दी से। प्रणाम गुरु जी। हाँ नमस्कार जी। तो मेरे हस्बैंड के 7th हाउस में सूर्य मंगल और बुध है, लेकिन मंगल उनका 0 degree पे है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी मैरिड लाइफ का कैसा क्या रहे है। मतलब देखिए सर मैरिड लाइफ की अच्छी चालू है ना पूनम जी? सर ऐसे चालू है। हाँ तो फिर काय को नेगेटिव सोचते हो? नहीं सर मैं नेगेटिव है, कुछ इश्यूज, लेकिन हाँ हम इश्यू बता दे। देखो पहले बताओ लग्न क्या है आपकी? सर इनका लग्न है मिथुन लग्न। ये मिथुन लग्न के हैं और इन्हीं के चार्ट में सूर्य मंगल और मरकरी बैठा है 7th हाउस में। हाँ अब पहली चीज समझो, लग्नेश जो है दो फायरी एलिमेंट के प्लेनेट के साथ बैठ गया सूर्य और मंगल। मंगल हाँ। भी झुकता नहीं है, सूर्य भी झुकता नहीं है। सूर्य हाँ। अगर बिगड़ जाए तो ईगो पे कन्वर्ट हो जाता है, वही सूर्य जो सेल्फ एस्टीम दिखाता है जरा सा डिसबैलेंस हो जाए तो वो ईगो में चला जाता है। अब यहाँ पे समझो, अब मरकरी कम्बस्ट तो नहीं है? नहीं। अच्छा चलो अच्छी बात है कि मरकरी सर इनकी 28 degree की हाईएस्ट मतलब
मरकरी तो वैसे भी एर्थ हाउस की तरफ खिसक रहा है, तो उसको अगर जाने दो, अभी हो सकता है चले चार्ट में चेंज ही हो जाए, वो बात की बात है। तो अभी तुम ये समझो कि सूर्य मरकरी अब तुम्हारे लाइफ शादी का जो मैटर है उसमें सारा खेल है कम्युनिकेशन का। हाँ। एक दूसरे को बोलने के तरीके का सारा ऑफेंडनेस है कि कैसे एक दूसरे से बातचीत की जाए, और अगर अगर आप लोग अपने आपस का कम्युनिकेशन सुधार लो तो आपकी प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो जाएगी। सर इनका मंगल इस भाव में है और मेरा 12वें में। मैं समझ गया, तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइज हो रहा होगा। लेकिन हमारा कहने का मतलब है क्या इनका बॉसी एटीट्यूड या ओवर कम करने का एटीट्यूड या ओवर शेडो करने का एटीट्यूड वो आपको आहत करता है, परेशान करता है? काइंड ऑफ सर, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कितना मतलब इतना डोमिनेट, इतना क्यों ही बोलना है हर चीज में। वही बोल रहे हैं क्योंकि मरकरी भी साथ में इन्वॉल्व है ना सूर्य और मंगल के साथ। तो वो जो हमने क्या बोला, कम्युनिकेशन सुधार लो, आपके पति मतलब आपका उनका चार्ट है ना, तो अगर वो थोड़ा कम्युनिकेशन अपना सुधार लेंगे, चीजों को समझ लेंगे, और इसका मतलब कोई बहुत शुभ दृष्टि, कोई ना कोई शुभ दृष्टि तो पड़ी रही होगी जो अभी तक मामला बचा हुआ है, तो उसी पे ध्यान दरिए काम करिए और देख लीजिए। अगर कोई बहुत बुरी दशा नहीं आ रही है तो काम ऐसे चलता रहेगा। सर उनकी शनि की दशा चल रही है और उनका गुरु जो है वो 11वें भाव में केतु के साथ। अब सारी चीजें तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। लग्न आपने बताई थी 3 नंबर की, मिथुन। हाँ मिथुन 3 नंबर की, 3-2-1 यानी कि गुरु और केतु आ गया मेष राशि का। हाँ लेकिन एक बात बताएं, गुरु और केतु अगर जो है 11th में बैठे हैं तो तुम चिंता ना करो, नुकसान नहीं होगा तुम्हें कोई भी। सर और एक आपने मेरे लिए भी, जब मैंने बोला था मेरे 12वें भाव में केतु सूर्य मंगल बुध चारों है, तो आपने ये बात बोली थी कि ऐसे लोगों की सेक्सुअल वो ज्यादा होती है और दे माइट गो आउट ऑफ द वे। दीदी ऐसे पर्सनल आते, पर्सनल पब्लिक इसमें नहीं पूछी जाती है। नहीं कोई इसमें पर्सनल वाला मैटर हाँ है थोड़ा सा, लेकिन हाँ है ना सर, ऐसा क्या कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इसका रेमेडी क्या है, कि अगर ऐसा स्टार दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए? बेस्ट रेमेडी इज एक्सेप्टेंस, कि आप पहले से अपने माइंड को मेकअप कर लो कि हमें उस डायरेक्शन उस ऊर्जा के साथ नहीं खेलना है, नहीं जाना है, या उस तरफ अपना माइंड नहीं ले जाना है। बेस्ट रेमेडी तो यह है कि आपका अपना माइंड को ट्रेंड करो आप अपने, कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। हम और देखिए आज की दुनिया में हम जिस स्कूल ऑफ थॉट से एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आते हैं, हम कुछ भी दबाते नहीं है अपने अंदर। अगर मन है तो फिर सब ओके है, मन चंगा तो कटौती में गंगा है। ये सब टैबू में क्यों बंधना चाहती हूँ सोसाइटी के, हम नहीं मानते इन सब चीजों को। वो भले हम जिस परंपरा से आते हैं वहां ये सब चीजें हम लोग नहीं ध्यान देते इन सब चीजों पे। आप जितना उसको दबाएंगे उतनी चीज दबेगी आपके अंदर, कुछ नहीं, ओपन फ्री रहिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। तो आज यहीं पे एंड करते हैं, 12 बज गए हैं। हाँ, तो रात के 9 बजे मिलेंगे कल। दानवे 2 दिन में आपको बहुत सारी चीज समझ में आएंगी, 2 दिन में समझ में नहीं आई तो 1 दिन और एक्स्ट्रा कर देंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए। जय सायरम आप लोगों को, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू, बहुत अच्छा।